है तो मैं क्विकली बताती हूँ कि आर के प्री में देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, विश्व भारत और राजस्थान का भूगोल तीन भागों में हमें ज्योग्राफी पढ़नी है अभी सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास से हम पहले डिस्कस करेंगे भारत का भूगोल उसके बाद जो बाकी सेक्शंस हैं उन पे जाएंगे और अगर आपके सिलेबस में देखें तो विश्व का भूगोल और भारत के भूगोल का सिलेबस आप सीधे जाकर देखना और राजस्थान के भूगोल का भी देखना उसमें आज पहले हम भारत का भूगोल करेंगे जिसमें हमें पर्वत पठार मैदान मानसून तंत्र वर्षा नदियाँ झीलें और प्रमुख फसलें खनिज ऊर्जा संसाधन औद्योगिक प्रदेश और राजमार्ग जो है वो करने हैं सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे भारत के एक सामान्य परिचय से भारत स्थित कहाँ है कहाँ पे लोकेटेड है कौन से हेमिस्फेयर में गोलार्ध में है ये सारी चीजें हम करेंगे तो आपके नोट्स में हेडिंग डालिए भारत का भूगोल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया या फिर इंडियन ज्योग्राफी तो हेडिंग डाले नोट्स में जोग्राफी ऑफ इंडिया तो देखिए भारत का भूगोल जो आज हमने स्टार्ट किया है भारत है कहां? विश्व वैश्विक स्तर पे अगर आप देखो तो इंडिया कहां पर है तो ये जो रेड लाइन यहाँ मैं बना रही हूं ये इक्वेटर है रेखा रेखा इस विश्वत्रेखा के भारत उत्तर में दिख रहा है कि दक्षिण में दिख रहा है इस इक्वेटर के उत्तर में ही दिख रहा है आपको भारत ये भारत है तो रेखा के उत्तर में है भारत इसका मतलब भारत कौन से गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में इसी तरह से अगर आप देखें मैं आपको प्रधान मध्यान रेखा या ग्रीनविच रेखा अगर बताऊं तो लगभग ग्रीनविच रेखा यहां से गुजर रही GMT जिसको कहते हैं तो देशांतर का जो जीरो डिग्री है प्रधान मध्यान रेखा प्राइम मेरिडियन वो यहां से गुजर रही है यूके से अब इसके आधार पर प्राइम मेरिडियन के बेसिस पर ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर बताए जाते हैं तो भारत कौन से गोलार्ध में पूर्वी गोलार्ध तो भारत मुख्यतः देखा जाए तो दो गोलार्धों में है भारत उत्तरी गोलार्ध में नदन हेमिस्फेयर में और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड लोकेटेडेड कंट्री है ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर और नदन हेमिस्फेयर में तो ये चीज समझ में आई किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं है कि उत्तरी गोलार्ध में भी कैसे हो गई और पूर्वी गोलार्ध में भी कैसे हो गई तो उत्तरी गोलार्ध तो तय हो रहा है विश्व रेखा के आधार पर और पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध तय हो रहा है प्रधान मध्यान्ह रेखा प्राइमरीडियन के बेसिस पर तो इंडिया दोनों हेमिस्फेयर में नदन हेमिस्फेयर और उसी नदन हेमिस्फेयर को ईस्टर्न हेमिस्फेयर भी कहते हैं पूर्वी गोलार्ध भी कहते हैं तो भारत उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको तो चलिए अब ये बहुत बेसिक चीज है और अच्छा इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है कौन से आ, महाद्वीप का भाग है भारत एशिया का एशिया में भी भारत कहाँ है दक्षिणी एशिया में क्योंकि ये इधर वाला जो हिस्सा है वो तो दक्षिण पूर्वी एशिया ये तो साउथ ईस्ट एशिया इंडिया साउथ एशिया में तो भारत दक्षिण एशिया का एक प्रमुख देश है जो उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है तो ये बहुत सिंपल टर्म्स तो में हमने इंडिया को डिफाइन किया अब जो है इंडिया का ये फैक्ट अभी हम लिखेंगे उससे पहले भारत का अगर मैप देखें इंडिया के मैप के अगर हम चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करके देखें तो लगभग भारत की जो मैप है उसकी आकृति या भारत का जो आकार है शेप वो लगभग हमें चतुष्कोणीय नजर आता है क्वाड्रेंगुलर इसी वजह से आपने देखा होगा कि जिन लोगों से मैप नहीं बनता या जब हम मैप नहीं बना पाते जल्दी में होते तो हम क्या बनाते हैं ऐसी पतंग जैसी बनाते हैं क्योंकि इंडिया का जो मैप है लगभग चतुष्कोणीय है क्वाड्रेंगुलर है तो आपसे मैप का शेप भी पूछा जाए तो वो चतुष्कोणीय बताना है आपको हालांकि इतने सिंपल सरल सवाल नहीं आते बट हमें बेसिक्स से पढ़ना है इसीलिए तो क्वाड्रेंगुलर शेप है आप दो चार लाइनें लिख लीजिए भारत के बारे में गोलार्द वाली और ये वाली आकार वाली तो लिखिए भारत के बारे में इसमें लिखिए भारत भारत उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है इंडिया इज लोकेटेड इन नदन एंड ईस्टर्न हेमस्फेयर नदन एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर इंडिया इज लोकेटेड इन नदन एंड ईस्टर्न हेमस्फेयर भारत उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है लोकेटेड इन नदन एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर फिर लिखिए भारत दक्षिण एशिया का प्रमुख देश है भारत दक्षिण एशिया का प्रमुख देश है इंडिया इज अ मेजर कंट्री ऑफ साउथ एशिया इंडिया इज अ मेजर कंट्री ऑफ साउथ एशिया मेजर कंट्री ऑफ साउथ एशिया प्रमुख देश है फिर उसके बाद आगे लिखिए हाँ यहां तक लिख लिया फिर लिखिए भारत की आकृति भारत की आकृति चतुष्कोणीय है भारत की आकृति चतुष्कोणीय है शेप ऑफ अर्थ इज क्वेंगुलर भारत की आकृति चतुष्कोणीय है शेप ऑफ अर्थ इज क्वेंगुलर क्वाड्रेंगुलर इतना लिखा चतुष्कोणीय क्वाड्रेंगुलर चलिए लिख चुके अब हम भारत के आकार के बारे में बात करेंगे तो देखिए किसी भी कंट्री के साइज की जब बात करते हैं कि कितना बड़ी है वो कंट्री तो हम दो तरीके से उसके साइज बताते हैं एक तो साइज बताते हैं उसका एरिया कितना है क्षेत्रफल कितना है दूसरा ये बताते हैं कि उसमें जनसंख्या कितनी रहती है तो किसी भी देश का आकार उसका साइज जो है वो एरिया और पॉपुलेशन से पता पता है पड़ता है क्षेत्रफल और जनसंख्या से उसकी जानकारी मिलती है तो देखिये आकार या साइज अगर इंडिया की देखेंगे तो दो बेसिस पे साइज पता चलेंगी एरिया कितना है इंडिया का क्षेत्रफल और दूसरी चीज जो है जनसंख्या कितनी जनसंख्या इसको कह सकते हैं पॉपुलेशन तो इंडिया की अगर हम बात करें एरिया लगभग भारत का बत्तीस आठ लाख वर्ग किलोमीटर है वर्ग किलोमीटर अब ये वर्ग किलोमीटर क्या होता है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट सोच रहे होंगे इट इज 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर और इंडिया की जो पॉपुलेशन है लगभग जो लास्ट सेंसेस आया था 2011 वाला उस जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है और जनसंख्या के आधार पर भारत की जो पोजीशन है रैंक है वर्ल्ड में कौन सी रैंक पे इंडिया सेकंड रैंक पे दूसरे स्थान पर है विश्व में नंबर so, वन पे कौन है चाइना की जनसंख्या सबसे ज्यादा है भारत दूसरे सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला आ, देश है और अगर हम देखें एरिया के अकॉर्डिंग एरिया के अनुसार भारत की पोजीशन वर्ल्ड में स्थिति क्या है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सातवें स्थान पर है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर और क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवें स्थान पर और विश्व के कुल जो क्षेत्रफल है विश्व का के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है भारत में तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में दो पॉइंट चार परसेंट है तो कितना एरिया इंडिया के अंदर जितनी भी लैंड है जितना भी एरिया है वर्ल्ड में पूरे जितने भी कॉन्टिनें वगैरह को मिला के देखें तो उसका केवल इंडिया के पास कितना है दो परसेंट के आसपास दो पॉइंट चार परसेंट टू पॉइंट जबकि पॉपुलेशन इंडिया के पास कितनी है वर्ल्ड में जितने लोग रहते हैं उसके सेवेंटीन इंडिया के अंदर है तो देखिये ढाई या दो के आसपास एरिया पे हम साढ़े जनसंख्या लेके बैठे हैं विश्व की कितना बोझ होगा हमारी भूमि के ऊपर कितना बोझ होगा हमारे संसाधनों के ऊपर रिसोर्सेस पर विश्व की जनसंख्या का सत्रह पॉइंट पांच प्रतिशत तो ये कंट्री का आकार इस तरह से बताया जाता है तो अब जो है आप ये इस तरह से शॉर्ट फ्लोचार्ट बना के लिख लीजिए फिर अभी मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगी चीजें तो ये आकार ये क्षेत्रफल एरिया जनसंख्या पोजीशन का मतलब स्थिति तो दोनों में तीन तीन पॉइंट लिखे हैं प्रतिशत परसेंटेज लिखा है हमने तो रैंक लिखी है और जितना भी एरिया या पॉपुलेशन है वो लिखा तो ये नोट डाउन कीजिए बहुत सिंपल है हम्म वेरी गुड सही बताया ओम प्रकाश जी गुड तो ये लिख लीजिए आकार भारत का लिखा सबने जनसंख्या के ब्रैकेट में अगर आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग है ये जनगणना 2011 के अनुसार है 11 के अनुसार 2011 की जनगणना के, के अनुसार लिख लिया इससे साइज पता चल गया इंडिया को और ये पता चल गया कि कितना जनसंख्या का भार है भारत पे और भारत के संसाधनों पे चलिए ये लिख चुके हैं आप लोग तो अब हम आगे बढ़ते हैं हम श्योर सब लिख चुके हैं अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए अभी अभी जो भारत के आकार की और आकार के अंतर्गत क्षेत्रफल की बात की थी हमने एरिया की तो एरिया वैसे हम लिख चुके हैं और सातवें स्थान पर है भारत दो पॉइंट चार प्रतिशत जनसंख्या है वो ठीक है नंबर वन पे जो है क्षेत्रफल के आधार पर एरिया के बेसिस पे तो नंबर वन पे रशिया है नंबर टू पे कैनेडा आता है ये आजकल रैंकिंग वैंकिंग कोई नहीं पूछता वैसे बट फिर भी ध्यान होना चाहिए तो रशिया पहले स्थान पर है एरिया वाइज दूसरे स्थान पर है कैनेडा तीसरे स्थान पर यूएसए, चौथे स्थान पर चाइना पांचवें स्थान पर ब्राज़ील सिक्स्थ पोजीशन पे ऑस्ट्रेलिया और सेवनथ पोजीशन पे इंडिया तो ये कंट्रीज हैं जो कि सीक्वेंस भारत जो है सातवें स्थान पे अच्छा इसमें से आपने कई जगह कई किताबों में पढ़ा होगा कई जगह तीसरे स्थान पर चाइना होता है और चौथे स्थान पे यूएसए कई जगह यूएसए तीसरे स्थान पर और चाइना चौथे स्थान पर ये क्या कंफ्यूजन है तो बेसिकली चाइना का विशुद्ध रूप से स्थलीय भाग अगर देखे लैंड रीजन कंप्लीटली लैंड रीजन तो चाइना का थोड़ा सा ज्यादा है बट नॉर्थ अमेरिका में अगर ओवरऑल एरिया देखें जिसमें सब कुछ लैंड रीजन के साथ साथ वो जो सारा कुछ लेक एरिया कोस्टल रीजन पे जो मरीन उसका आ, मतलब जल जल वाला जो भाग है वहाँ पे भी यूएसए का कुछ अधिकार होता है किसी भी देश की तट रेखा जो होती है उसके आसपास भी उसका कुछ एक अधिकार होता है उन सबको देखा जाए तो यूएसए का ओवरऑल एरिया ज्यादा है और चाइना का जो है विशुद्ध रूप से जो स्थलीय भाग है वो यूएसए से ज्यादा है तो अब इस कंफ्यूजन की स्थिति में आप क्या चुने क्या करें तो ये डेटा एनसीआर से लिया गया है जिसमें तीसरे स्थान पर यूएसए को रखा गया है तो हम यूएसए को तीसरे स्थान पर मान सकते हैं क्योंकि एनसीआर में ऐसा लिखा है तो ये जो है पहले स्थान पर रशिया सात सात नंबर रैंक आपने लिखी उसी के नीचे आप लिख सकते हैं पहले स्थान पर रूस दूसरे स्थान पर कनाडा तीसरे स्थान पर यूएसए चौथे स्थान पर चाइना 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 को चीन लिखेंगे हिंदी में चीन पांचवें स्थान पे ब्राजील ब्राजील सिक्स पोजीशन पे ऑस्ट्रेलिया और सेवन पोजीशन पे इंडिया छठे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत इंडिया चलिए ये लिखा अब देखिए जनसंख्या में तो हमें और कुछ नहीं डिस्कस करना क्षेत्रफल में एरिया में थोड़ा कुछ एक चीजें ज्यादा देखनी है देखनी हमें तो देखिए हमने तो इन शॉर्ट में लिखा है कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर बट एग्जैक्ट फिगर में कितना है तो एग्जैक्ट फिगर में देखा जाए तो थर्टी टू लैख एटी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्स स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है तो ये एग्जैक्ट फिगर भी आपको ध्यान होना चाहिए और आपको जानकारी है कि अभी जो न्यू डेटा जैसे फॉरेस्ट रिपोर्ट वन रिपोर्ट वगैरह जो आती है गवर्नमेंट की उसमें इंडिया का एरिया थोड़ा सा ज्यादा बढ़ावा दिखाते हैं ये जो अभी तक किताबों में और अभी तक जो हम फॉलो करते आ रहे थे इस एरिया से दो वर्ग किलोमीटर ज्यादा बताया जाता है नए डेटा में आ, इंडिया का एरिया तो इंडिया का एरिया नए डेटा में जो प्लस करके बताया जाता है प्लस 206 स्क्वायर किलोमीटर तो उससे आ जाता है इंडिया का नया एरिया ये वाला जो किस में दिया हुआ है केवल वन रिपोर्ट और गवर्नमेंट की जो बेसिक आजकल रिपोर्ट्स वगैरह आती है उनमें यह नया डेटा दिया जाता है तो अब आपसे वैसे तो एग्जाम में एरिया नहीं पूछते हैं बट अगर एरिया पूछा गया तो कौन सा पूछा जाएगा और आप क्या मान सकते हैं तो देखो अभी भी यही एरिया चल रहा है पुराना वाला जो है हमारे टेक्स्ट बुक्स में जो हमारे एनसीईआरटी बुक्स में वही चल रहा है वही कॉमन है वही फॉलो करते हैं बट फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए नए डेटा के बारे में ताकि आप कहीं इंडिया का ये एरिया ज्यादा देख लें तो आप ऐसे चमक नहीं जाओ इसलिए आपको जानकारी देने के लिए मैंने बताया और ऑप्शन में मान लो आपको ये पुराना वाला डेटा ही ना मिले नया वाला ही मिले केवल तो आप नए वाले में अच्छे से सेलेक्ट कर सकते हो उसको वैसे एरिया जैसे सिंपल क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आरपीएससी पूछेगी बट फिर भी हमें तैयारी सारी करनी है तो आप जो है क्षेत्रफल में एग्जैक्ट क्षेत्रफल लिखिए भारत का एग्जैक्ट एरिया लिखिए 3287263 3287 3287 263 वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर और नया डेटा लिख लीजिए नए डेटा न्यू डेटा नया डेटा जिसमें 206 वर्ग किलोमीटर जोड़ के बताए जाते हैं गवर्नमेंट के अंदर साइट्स में जो दिखाया जाता है वन रिपोर्ट वगैरह में उसमें लिखिए थ्री टू एट सेवन फोर सिक्स नाइन थ्री टू एट सेवन फोर सिक्स नाइन स्क्वायर किलोमीटर थ्री टू एट सेवन फोर सिक्स नाइन स्क्वायर किलोमीटर या हिंदी में लिखेंगे वर्ग किलोमीटर वर्ग किलोमीटर तो अब आपको लगेगा और मुझे भी लगा था कि ये इतना 206 वर्ग किलोमीटर का एरिया में कैसे डिफरेंस आ गया कैसे हो गया क्या हुआ इंडिया ने कोई कब्जा कर लिया किसी आसपास के एरिया में या क्या हुआ सो so बेसिकली ये संभवतः इस वजह से है कि पुराने जो डेटा थे वो मैनुअल डेटा थे और अब जो है सैटेलाइट्स और हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड डेटा है तो उसके बेसिस पे अगर देखें तो शायद नए डेटा के अकॉर्डिंग दो वर्ग किलोमीटर आ, एरिया ज्यादा है इंडिया का और वो नए डेटा में दिखता भी है अभी तक टेक्स्ट बुक्स में बच्चों की किताबों में हम लोग के एग्जाम्स के कॉम्पिटेटिव बुक्स में ये सब नहीं आया है नया डेटा बट आपको जानकारी होनी चाहिए भविष्य में जरूर अपडेट होगा और ये आ भी जाएगा तो ये आपने एरिया का देख लिया तो देखिए जनसंख्या हम लिख चुके हैं ऑलरेडी जनसंख्या का डेटा हम कर चुके हैं अब हम बात करेंगे भारत में कितने स्टेट्स हैं राज्य हैं कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं अभी हाल ही में जो भारत के राज्य हैं उनमें जम्मू कश्मीर को डिवाइड कर दिया गया था दो यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया था उसके बाद से थोड़ा नंबर नंबर हमारे यहाँ चेंज हो गया स्टेट्स का यूनियन टेरिटरीज का तो देखिए अभी रिसेंट क्या हुआ है एक तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया प्लस जो है दादरा नागर और दमन और दीव जो है उनको यूनियन टेरिटरीज को मर्ज कर दिया गया पहले दादरा नागर और दमन दीव जो है वो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश प्रदेश थे अब उन दोनों को मिला दिया गया तो कुल मिलाकर मिलाने और कर, विभक्त करने के बाद जो टोटल बचते हैं अब इंडिया में अब बसते हैं अट्ठाईस राज्य ट्वेंटी एट स्टेट और आठ केंद्र शासित प्रदेश एट यूनियन टेरिटरीज ट्वेंटी एट स्टेट एंड एट यूनियन टेरिटरीज अब आपको क्या करना है आपको एटलेस जरूर होनी चाहिए आपके पास और एटलेस अगर आपके पास पुराने समय की आपके स्कूल की भी है पुराने किसी आपके भाई बहन की पड़ी है वो भी चल जाएगी और बिल्कुल भी नहीं है किसी भी प्रकार की एटलेस नहीं है तो खरीद लेना काम आएगी तो देखो आप कोई भी ऑक्सफोर्ड या कोई भी एटलेस लेते हैं तो उसमें आप पहला पेज खोलेंगे तो उसमें आपको बेसिक एक फिजिकल मैप दिखेगा इंडिया का जिसमें आपको पर्वत पठार वगैरह दिखेंगे और दूसरा आपको पॉलिटिकल मैप दिखेगा पॉलिटिकल मैप इसको राजनीतिक मैप कह सकते हैं पॉलिटिकल मैप में आपको राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अलग से मार्क करे हुए मिलेंगे तो जब भी एटलेस खरीदने जाएं तो ये देखें कि उसमें जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख वाला पार्ट अलग से बताया है कि नहीं तेलंगाना वाला पार्ट अलग से दिख रहा है कि नहीं क्या प्रॉपर ये लेटेस्ट एडिशन है कि नहीं एटलेस का तो लेटेस्ट एडिशन ही खरीदे नवीनतम प्रसंस्करण खरीदे और ये आपका होमवर्क है कि आपके इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनके नाम उनकी कैपिटल्स आपको याद होने चाहिए यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी आपको ध्यान होनी चाहिए आपको स्टेट्स का बेसिक लोकेशन ध्यान होना चाहिए हम लोग तैयारी तो करने लगते हैं बट इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में उत्तर पूर्वी भारत में क्या सीक्वेंस है स्टेट्स का वो भी हमें ध्यान नहीं होता सो जिन लोगों को उत्तर पूर्वी भारत दक्षिण भारत में कौन सा राज्य किधर है क्या है बिल्कुल भी ध्यान नहीं है तो आज अच्छे से आप उस मैप को पूरा निहारना याद करने की कोशिश करना तो अब अगर हम देखें केंद्र शासित प्रदेश आठ कौन कौन से पहले हम यूनियन टेरिटरीज देख लेते हैं स्टेट्स तो आपको देखना है आ, एटलस से तो यूनियन टेरिटरीज में देखिए लद्दाख है यहाँ जम्मू कश्मीर यहाँ पर चंडीगढ़ दिल्ली ये चार यूनियन टेरिटरीज यहाँ हो गई चार दक्षिण भारत में चार उत्तर भारत में चार दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में जो चार हैं उसमें से पुडुचेरी के चार डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिले जो अलग अलग राज्यों में स्थित हैं पुडुचेरी के जो चार जिले हैं जो अलग अलग राज्यों में हैं, उनके नाम कई बार पूछ लेते हैं तो वो क्या क्या है केरल में है माहे केरल में है माहे तमिलनाडु में है पुडुचेरी और कराईकल पुडुचेरी कराईकल आप एटलस में देखना आंध्र प्रदेश वाले स्थान में है यनम आंध्र प्रदेश में यनम इसमें तेलंगाना नहीं बता रहा ऐसे तेलंगाना तो आंध्र प्रदेश में यनम तो ये चार भाग जो हैं कौन कौन से राज्यों वाले भाग के आसपास देते हैं वो आपको ध्यान होना चाहिए तो माहे वाला पार्ट केरल वाले एरिया में है यहाँ तमिलनाडु वाले एरिया में पुडुचेरी कराईकल है यनम जो है आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में है तो ये आप देखना एटलस के अंदर तो पुडुचेरी के ये चार पार्ट हो गए प्लस अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है और यहाँ पे दादरा नगर और दमन दीव पहले जब अलग अलग हुआ करते थे वो तो अलग बात है बट अब ये हैं एक साथ जोड़ दिए गए तो ये एक केंद्र शासित प्रदेश है दमन और दीव और दादरा नगर हवेली में अगर देखें तो दादरा नगर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र के सीमा क्षेत्र पर लगभग यहाँ स्थित है बॉर्डर रीजन पे गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है दादरा नागर हवेली और दादरा नागर हवेली तटवर्ती क्षेत्र में नहीं अंदर की तरफ है अंदर की तरफ तो प्री में जब ऐसे क्वेश्चन आते तो हम रिलेट नहीं कर पाते हमें याद ही नहीं होता कि दादरा नगर हवेली जो है वो तट पर है या अंदर की तरफ है गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है या कम्पलीटली महाराष्ट्र या कम्पलीटली गुजरात के अंदर है तो वो आपको पता नहीं चलता तो आपको वो ध्यान होनी चाहिए लोकेशन तो गुजरात महाराष्ट्र के बॉर्डर रीजन पे अंदर की तरफ है दादरा नागर और दमन और दीव में दमन गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र पे है केवल गुजरात में गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र में के पास और दीव जो है गुजरात में खम्बात की खाड़ी जो है गल्फ ऑफ खंभात यहाँ ये काठियावाड़ पेनेंसुला कहलाता है इसी में खम्बात की खाड़ी वाले क्षेत्र में दीव नाम का एक छोटा सा द्वीप ये क्षेत्र है तो दमन और दीव में से द्वीप कौन सा है द्वीप है दीव जो खम्बात की खाड़ी में गल्फ ऑफ खंबात वाले एरिया में लोकेटेड है तो यूनियन टेरिटरीज की लोकेशंस देखनी है आपको उनका एग्जैक्ट कहाँ पर स्थिति है वो देखनी है कौन से स्टेट्स के आसपास है किन बॉर्डर्स के आसपास है कैपिटल्स कौन सी हैं ये सारी चीजें आपको होमवर्क करनी है पॉलिटिकल मैप खुद ही याद करना है आपको अब आगे बढ़ते हैं अब देखिए भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है सबसे बड़ा राज्य है भारत का राजस्थान और सबसे छोटा राज्य है गोवा सबसे बड़ी केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लद्दाख है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है तो ये लिखिए वैसे फैक्ट तो फैक्ट्स पता होंगे तो लिखिए भारत का सबसे बड़ा राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान इंग्लिश वाले सीधे देख के लिखिए भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य, राज्य। गोवा स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया गोवा सबसे छोटा राज्य गोवा आगे लिखिए सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरीज लद्दाख सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है स्मालेस्ट यूनियन टेरिटरीज लक्षद्वीप स्मालेस्ट यूनियन टेरिटरी इज लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी इज लक्षद्वीप लिख लिया तो इसमें देखिए राजस्थान सबसे बड़ा ये गोवा सबसे छोटा लद्दाख सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी ये सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी तो ये लिख लिया होगा आपने अब देखिए भारत का अक्षांशी और देशांतरीय विस्तार कितने डिग्री लैटिट्यूड से इंडिया कितने डिग्री लैटिट्यूड तक फैला है और कितने डिग्री देशांतर से कितने डिग्री देशांतर तक फैला है वो हम देखेंगे कभी भी भारत का उत्तर से दक्षिण तक का अगर विस्तार बताएंगे तो वो कौन सा विस्तार होगा अक्षांशीय विस्तार लैटिट्यूडनल जो है एक्सपेंशन होगा इंडिया का नॉर्थ से साउथ वाला क्योंकि लैटिट्यूड जो है उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं या उत्तर दक्षिण की ओर होते हैं जबकि देशांतर जो होते हैं वो पूर्व पश्चिम की ओर होते हैं तो आप पूर्व से पश्चिम तक का जब विस्तार बताते हो भारत का तो कौन सा विस्तार होता है वो देशांतरी विस्तार लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस होता है या लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन होता है अब ये सब करने से पहले अभी हम आगे कई जगह इंडिया का मैप बनाएंगे कई जगह हम ये चीजें करेंगे ड्रॉ तो अब बहुत बेसिक मैप बनाना सीख लीजिए इंडिया का और वो मैप बनाने से आपको थोड़ा सा पड़ोसी राज्यों देशों की भी थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी हल्की सी बहुत बेसिक चीजें हम देख रहे हैं यहाँ पर इंडिया जो है भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है कौन से हेमिसफेयर में इंडिया अगर देखें तो इक्वेटर के ऊपर है इसका मतलब इंडिया कहाँ पर है उत्तरी गोलार्ध में नदन हेमिस्फेयर में है इंडिया और अगर हम यहाँ पे ग्रीन लाइन के हिसाब से देखें प्राइम मेरिडियन या जीरो डिग्री उसके हिसाब से देखिए तो इंडिया कौन से हेमस्फेयर में पूर्वी गोलार्ध में तो भारत एक ऐसा देश है जो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और भारत किसका भाग है एशिया का भाग है दक्षिण एशिया का भाग है एशिया में भी किसका साउथ एशिया का पार्ट है तो एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है इंडिया में प्लस इंडिया का अगर शेप देखें वैसे तो इंडिया का मैप बनाते हैं तो हम ऐसा प्रॉपर मैप बनाते हैं पर जिन लोगों को मैप नहीं बनाना आता वो इस तरह से पतंग भी बनाते हैं तो एक तरह से देखा जाए तो इंडिया का जो मैप है या ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो किस तरह के शेप का है क्वाड्रेंगुलर चतुष्कोणीय मतलब चार कोर्ने हैं इसके तो ये चतुष्कोणीय आकार अगर प्री में पूछ लिया जाए कैसा आकार है भारत का तो चतुष्कोणीय या क्वाड्रेंगुलर शेप है जिसके चार कॉर्नर होते हैं तो ये बहुत सिंपल चीज़ है इसको ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है ये फैक्चुअल चीज़ है फैक्चुअल चीज में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इंडिया का जो एरिया है क्षेत्रफल वो कितना है बत्तीस याद रखोगे वो भी काफी होगा आपके आपके लिए तो एरिया ऑफ इंडिया क्षेत्रफल कितना है भारत का बत्तीस पॉइंट आठ लाख वर्ग किलोमीटर थर्टी टू पॉइंट एट लाख स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का एरिया है और इंडिया की रैंक याद रखनी है इंडिया जो है वर्ल्ड में सेवेंथ रैंक पे सातवें स्थान पर किस दृष्टि से किस पॉइंट ऑफ व्यू से एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सातवें स्थान पे तो ये बहुत छोटे छोटे फैक्ट्स हैं हालांकि इतने सिंपल फैक्चुअल चीज़ें नहीं आती है प्री में क्योंकि लेवल बढ़ चुका है फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए प्लस यहाँ जो है क्षेत्रफल अगर एग्जैक्ट फिगर्स में देखें एरिया थर्टी टू लैक एटी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटी थ्री स्क्वायर किलोमीटर है इंडिया का एरिया टोटल मतलब एग्जैक्ट फिगर्स में देखें ये सभी किताबों में एन में बचपन से हम यही पढ़ते आ रहे हैं ये जो डेटा था ये जो थर्टी टू लैक एटी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटी थ्री स्क्वायर किलोमीटर का ये डेटा मैनुअल डेटा है पर अब जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो गया अब सैटेलाइट्स वगैरह के थ्रू और भी कई टेक्निकल एडवांसमेंट के थ्रू इंडिया का एरिया नापा जाता है तो अब जो टेक्निकल एडवांसमेंट के बाद सैटेलाइट्स आदि के माध्यम से जो एरिया नापा गया है इंडिया का मेजर किया गया है वो थोड़ा सा ज़्यादा है वो है थर्टी टू लैख एटी सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड सिक्सटी नाइन तो अभी तक जो हम बचपन से एरिया पढ़ते थे उसमें कितना जोड़ दिया है सैटेलाइट्स के नए डेटा के अकॉर्डिंग टू हंड्रेड सिक्स स्क्वायर किलोमीटर और ऑन हो गया क्योंकि मैनुअल डेटा में थोड़ा सा त्रुटियां हो सकती है थोड़ा सा कमी हो सकती है सैटेलाइट्स के डेटा में कोई कमी नहीं होती तो सैटेलाइट्स वगैरह का जो डेटा आया है, वो 206 सौ छः किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर ज्यादा है इसलिए अगर नया डेटा देखें इंडिया का लेटेस्ट जो फॉरेस्ट रिपोर्ट में वन रिपोर्ट में इन सब में दिया जाता है वो इंडिया का एरिया इतना है पर ये एरिया भी ज्यादा प्रचलित नहीं है ज्यादा अपडेट नहीं हुआ है सब जगह अभी भी यही डेटा चल रहा है ये वाला डेटा केवल कुछ एक गवर्नमेंट साइट्स में चल रहा है फिर भी मेरा बता मुझे आपको बताना जरूरी था मैं मेरा फर्ज था आपको बताना इसलिए मैंने यहाँ बता दिया है पर आपको याद तो यही रखना है बेसिक जो है ये याद रखो और अगर एग्जैक्ट फिगर भी याद रखना है तो ये वाला याद रखना थर्टी टू लैख एटी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटी थ्री 263 हंड्रेड ये वाला ऑप्शन में नहीं आने वाला है फिर भी बाय चांस आ जाए तो किया जा सकता है टिक बट ये वाला ऑप्शन में नहीं आने वाला है और पहली बात ये सवाल भी नहीं आने वाला है सो so, देखिए एरिया वाइज अगर देखें इंडिया सेवंथ रैंक पे फर्स्ट रैंक पे रशिया सेकंड कनाडा थर्ड यूएसए फोर्थ चाइना फिफ्थ ब्राजील सिक्स ऑस्ट्रेलिया और सेवंथ इंडिया है आगे बढ़ते हैं इंडिया की पॉपुलेशन जो है जनसंख्या सेंसस के हिसाब से देखे जनगणना के हिसाब से देखा जाए तो भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है ये राउंड फिगर में है 121 करोड़ और अभी 2021 में जनगणना जो है होकर उसके डेटा आने वाले थे बट कोरोना वगैरह की वजह से वो थोड़ा डिले हो गया है तो वो बाद में आएगा नया डेटा अभी नहीं आया भारत की सेकेंड पोजिशन है वर्ल्ड में अगर देखें दूसरे स्थान पर है इंडिया जनसंख्या की दृष्टि से पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और पहले स्थान पर कौन है चाइना है इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड की पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत है 17.5 पॉइंट 17 परसेंट सत्रह पॉइंट पांच प्रतिशत ये डेटा सीधे याद रखना है ये पूछा जा सकता है पॉपुलेशन वाला टॉपिक आपके इंडियन ज्योग्राफी वाले सेक्शन में नहीं दे रखा है पर पॉपुलेशन वाला टॉपिक आपके राजस्थान ज्योग्राफी में दे रखा है बट ये basics तो आपको आने ही चाहिए आगे बढ़ते हैं तो आपने इंडिया का क्या देखा आपने इंडिया का साइज देखा है किसी भी कंट्री का आकार या साइज कैसे डिसाइड होता है आकार डिसाइड होता है किसी भी कंट्री के एरिया और पॉपुलेशन को जब हम देखते हैं तो हमें उसे उस कंट्री के शेप के बारे में पता चलता है एरिया और पॉपुलेशन क्षेत्रफल और जनसंख्या से हमें जानकारी मिलती है आकार की ये हमने आकार देख लिया इंडिया का एरिया पॉपुलेशन दोनों देख ली

एक बार क्या दिया था जैसे आपको दे दे यहां बेंगलोर दे दें आपको और भी दो तीन चीज दे दें पे जो दो चार सिटीज का नाम दे दें जयपुर दे दें दे, ये दिल्ली दे दें तो हाँ आपको पता नहीं लगेगा कि ईस्ट वेस्ट में कौन सी है साउथ तो तो फिर भी थोड़ा पतल जल जाए तो ये आपको कैपिटल्स का उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम भी देखना है नॉर्थ साउथ भी देखना है ईस्ट वेस्ट भी देखना है एट जो यूनियन टेरिटरीज है उनमें है लद्दाख जम्मू कश्मीर चंडीगढ़ दिल्ली ये दादरा नगर और दमन द्वीप जो है ये कंबाइंड कर दी गई है पुडुचेरी के चार पार्ट से पुडुचेरी के चार पार्ट है यनम आंध्र प्रदेश में पुडुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में और माहे केरल में और फिर देखें तो लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार ये एट यूनियन टेरिटरीज है इनमें से दमन और दीव और दादरा नागरी नागर हवेली को ध्यान से देखना आप मैप के अंदर दमन तो है गुजरात के कोस्ट पर दीव है एक आइलैंड रीजन द्वीपीय क्षेत्र दादरा नागर हवेली कहाँ है गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर रीजन पे दादरा नगर हवेली गुजरात महाराष्ट्र के बॉर्डर पे तो ये लोकेशन और दादरा नगर हवेली जो है वो कोस्टल रीजन पे नहीं है तटवर्ती क्षेत्र में नहीं है अब देखिए सबसे बड़ा राज्य बहुत सिंपल फैक्ट है ये आपको आता भी होगा इंडिया का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है राजस्थान सबसे छोटा स्टेट कौन सा है गोवा तो राजस्थान सबसे बड़ा गोवा सबसे छोटा यूनियन टेरिटरीज में केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा कौन है लद्दाख सबसे छोटा कौन है लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी में पूछे तो ये आंसर होगा और वैसे पूछे तो आपको ये पता होना चाहिए अब देखिए भारत का मैप जो है वो आप लोगों को बनाना आता ही होगा नहीं भी बनाना आता तो आप ये ऐसे पतंग बना लो जिनसे नहीं बनता वो पतंग बना ले पतंग बनाकर और ये भारत का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में जो सबसे अंत में विस्तार है भारत का नदर्न मोस्ट एक्सटेंशन सर्दर्न मोस्ट एक्सटेंशन ये आपको लिखना है बेसिक ऐसे कैसे और ये दिख रहा होगा आपको इन साउथ वाला नहीं दिख रहा इंदिरा पॉइंट वाला तो मैं ऊपर कर लेती हूँ अब देखिए मैप आप बना चुके होंगे अब लिखिए इसके बारे में क्विक मैप बनना चाहिए अब टाइम नहीं ऐसे जिनसे मैप नहीं बन रहा पतंग बना लो अब पतंग बना के और क्या लिखना है तो पहले मैं समझाती हूँ आपको आपको पता है भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है सदर मोस्ट पॉइंट इंडिया का इंडिया का, का सदर मोस्ट पॉइंट है छह डिग्री पैतालीस मिनट पर जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट और ये कहाँ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे तो देखिए यहाँ पेज खत्म हो गया था इसलिए इसको यहाँ लिखा गया है नहीं तो ये थोड़ा और नीचे होना चाहिए था और नीचे होना चाहिए था तो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट सबसे दक्षिणतम भाग कौन सा है छह डिग्री 45 मिनट सिक्स डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लगाना है लैटिट्यूड का नॉर्थ इसलिए क्योंकि इंडिया कौन से हेमिस्फेयर में है नदन हेमिस्फेयर में इंदिरा पॉइंट अच्छा इंदिरा पॉइंट के दो तीन नाम और हैं वो भी लिख लेते हैं इंदिरा पॉइंट इंदिरा पॉइंट को एक तो पार्सन पॉइंट भी कहते हैं पॉइंट और का एक दूसरा नाम भी है पिगमेलियन पॉइंट पिगमेलियन पॉइंट ये दोनों लिखने हैं आपको नाम लिखिए इनके दोनों के सदन मोस्ट और नदर मोस्ट पार्ट के अभी तो सिर्फ सदन मोस्ट लिख रहे हैं पार्सन पॉइंट और ये पिग्मेलियन चलिए लिखिए इसके बारे में सबसे सदन मोस्ट पॉइंट लिखिए फिर आगे नदन मोस्ट वगैरह भी लिखेंगे पिग्मेलियन के आगे भी पॉइंट लिखना ठीक है तो पार्सन पॉइंट पिग्मेलियन पॉइंट पुराने नाम है इंदिरा पॉइंट के और ये सबसे दक्षिणतम भाग है भारत का सदन मोस्ट पॉइंट ठीक है तो ये लिख लिया होगा आपने न, और सबसे दक्षिणी भाग मुख्य भूभाग का मेनलैंड का सदनमोस पार्ट कौन सा है एट डिग्री फोर्टी फाइव मिनट पे लोकेटेड है आठ डिग्री पैंतालीस मिनट पर और उस स्थान का नाम क्या है कन्याकुमारी अच्छा ये पैंतालीस मिनट नहीं है या फिर चार चार मिनट ही लिखो फोर ही लिखना ठीक है तो लिखिए वो तो सिक्स डिग्री फोर्टी फाइव मिनट ये एट डिग्री फोर मिनट और कन्याकुमारी है सबसे दक्षिणतम भाग तमिलनाडु में है कन्याकुमारी और सबसे उत्तरी बिंदु यहाँ पर है पीओके में है सबसे नदन मोस्ट पॉइंट उसका नाम है इंदिरा कॉल थर्टी सेवन डिग्री सिक्स मिनट नॉर्थ पे तो अभी सिर्फ साउथ और नॉर्थ वाले पार्ट्स लिखिए फिर आगे बात करेंगे महेंद्र अभी अब लिखना है महेंदर इससे पहले अभी जो मैंने करवाया था बत्तीस लाख बत्तीस पॉइंट आठ लाख और वो सब तो वो आपको वो बहुत फैक्चुअल चीज़ें हैं बहुत और वो मैं आपको नोट्स दूंगी पीडीएफ ये वाला यहाँ से अब लिखना शुरू करो एक पेज छोड़ देना भले ही वैसे अभी हमने कुछ भी नहीं लिखा है महेंद्र ज़्यादा हमने सिर्फ अभी बत्तीस लाख वाला एरिया वाला लिखना है और आपको पॉपुलेशन लिखना और तो क्या लिखना नदन एमिसफेयर में इंडिया ये भी लिखोगे महेंद्र ओके 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 अरमाना चलिए महेंद्र लिखिए अब बाकी लोग लिखिए चलिए लिख चुके आप ये लिख चुके होंगे तो अब जो है उत्तर से दक्षिण तक मतलब कन्याकुमारी से लेकर इंदिरा कॉल तक जो पाठ है इंडिया का उसके बीच में अगर हम उनकी दूरी देखें इंदिरा कॉल से लेकर कन्याकुमारी तक का अगर हम डिस्टेंस देखें तो कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है उत्तर से दक्षिण तक वो है बत्तीस किलोमीटर की दूरी 3214 किलोमीटर ठीक है मैं स्लो डाउन होगी लिख लिया 3200, फोर्टीन किलोमीटर तो उत्तर से दक्षिण तक की दूरी बत्तीस सौ चौदह किलोमीटर बत्तीस सौ चौदह किलोमीटर और सबसे पूर्वी भाग और सबसे पश्चिमी भाग को देख लेते हैं भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु जो है सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ये सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है सिक्सटी एट डिग्री सेवन मिनट ईस्ट पे ये सबसे पश्चिमतम भाग है फिर भी ये पूर्व का ई लगेगा ईस्ट का ई लगेगा यहाँ क्यों क्योंकि इंडिया किसमें है इंडिया है पूर्वी गोलार्ध में तो भारत का पश्चिमतम स्थान है फिर भी ये ईस्ट का ई लगेगा क्योंकि इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फेयर में तो सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा इंडिया का वो है गुहर मोती गाँव कच्छ जिले में गुजरात में और इस एरिया को सरक्रीक क्षेत्र भी कहते हैं सरक्रीक गुहर मोती विलेज कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात सरक्रीक और सबसे पूर्वी भाग जो है पूर्वी बिंदु भारत का सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट अरुणाचल प्रदेश में है नाइन्टी डिग्री ट्वेंटी मिनट ईस्ट नाइन्टी डिग्री ट्वेंटी मिनट ईस्ट किबीथु गांव है अंजाव जिला है अरुणाचल प्रदेश है किबीथु गांव, अंजाव जिला अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश तो ये सबसे पश्चिमतम और सबसे पूर्वी भाग और सबसे पश्चिमतम और पूर्वी भाग के बीच में दूरी कितनी है सबसे वेस्टर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बीच में दूरी है उनतीस किलोमीटर 2933 किलोमीटर 2933 किलोमीटर तो इतना लिख लिया सबने लिख चुके सब चलिए लिख लिया होगा इतना मेरे पास कोई कमेंट्स आ नहीं रहे हैं थोड़ा सा और दे देती हूं टाइम इनमें से क्वेश्चन आ सकता है सबसे पश्चिमतम कौन सा है सबसे पूर्वी भाग कौन सा है डिग्री में एक्सपेंशन कितना है यह सब इंडिया का आप याद करोगे तभी बाद में आगे जाके आपको राजस्थान वाला भी पार्ट याद करना होगा राजस्थान ज्योग्राफी में कर लिया सबने ओके तो अभी तक जो आपने नोट्स बनाए हैं वो कैसे बनाए होंगे क्या क्या लिखा होगा आपने नोट्स में अभी बताती हूँ कुछ लोगों का कंफ्यूजन हो रहा है कैसे स्टार्ट करना है अभी बताती हूँ ठीक है आज कोई बात नहीं कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा सा धैर्य के साथ बता देती हूँ उनको ये सब लिख लिया सबने डन हो गया चलिए आगे बढ़ते आगे बढ़े उससे पहले अभी तक आपको किस तरह से प्रोसीड करना है क्या करना है जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं उनके लिए बताती हूँ देखो हमने इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट की है इंडियन ज्योग्राफी अरे भाई क्या हो रहा है हमने भारत का भूगोल स्टार्ट किया है। भारत के भूगोल में हम पहला पाठ कर रहे हैं चैप्टर वन और चैप्टर वन जो है वो क्या है क्या नाम है चैप्टर वन का तो चैप्टर वन का बेसिक नाम है इंडिया एंड इंट्रोडक्शन भारत का हम परिचय ले रहे हैं एन इंट्रोडक्शन ये हमारे पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ठीक है तो पहले चैप्टर का नाम डाल दिया भारत एक सामान्य परिचय ये आपका पहला चैप्टर है। परिचय ठीक है ये आपका पहला चैप्टर है पहले चैप्टर में आप भारत की बहुत बेसिक चीजें कर रहे हैं पहले चैप्टर में आपने सबसे पहली चीज जो देखी वो ये देखिए कि इंडिया एक तो नदन हेमेस्फेयर में उत्तरी गोलार्ध ठीक है जिनको लिखना है जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लीजिए और दूसरी चीज इंडिया उत्तरी गोलार्ध में होने के साथ साथ भारत पूर्वी गोलार्ध में भी स्थित है ईस्टर्न हेमिस्फेयर में भी लोकेटेड है ठीक है तो आप भारत की स्थिति लिखेंगे स्थिति लोकेशन और लोकेशन में लिखेंगे कि भारत उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है इंडिया इज लोकेटेड इन नदन एंड सदर्न हेमिस्फेयर नदन एंड ईस्टर्न हेमिसफेयर सदर्न सॉरी उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में ठीक है ये लिखना है फिर उसके बाद हमने बस बेसिक इंडिया का क्या देखा है हमने शेप देखा भारत का शेप आकार कैसा है इंडिया का आकार में हमने देखा वो चतुष्कोणीय आकार है जो आपने चतुष्कोणीय या क्वाड्रेंगुलर क्वाड्रेंगुलर शेप है इंडिया का फिर हमने इंडिया का साइज देखा साइज किसी भी कंट्री का कैसे देखा जाता है एरिया देख लो और पॉपुलेशन देख लो एरिया और पॉपुलेशन तो महेंद्र और बाकी लोग जिन्होंने नहीं लिखा हरमाना लिख लो ऐसे लिखना है कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कैसे स्टार्ट करना है क्या करें जनसंख्या ठीक है और जनसंख्या में आप लिखेंगे 121 करोड़ किसके हिसाब से सेंसस के हिसाब से विश्व की जनसंख्या का 17.5 प्रतिशत स्थान सेकंड पोजीशन क्षेत्रफल लिखेंगे 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर लिख लो अब महेंद्र और हरमाना और बाकी रविंदर और ये जो है दो पॉइंट चार परसेंट है एरिया इंडिया के पास वर्ल्ड का और एरिया वाइज सेवेंथ पोजीशन पे बस यही तो किया है हमने और अभी हमने देखा भारत का विस्तार कितना है उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम विस्तार कितना है वो तो अभी आपने लिखा ही होगा अब कोई दिक्कत किसी को बताओ उत्तर दक्षिण पूरा पूरपश्य, पूरा पश्चिम और अंडमान निकोबार वाला ये बस यही तो बनाया हमने कोई दिक्कत हाँ जी लिख लिया रवि लिखो रवि लिख लो बेसिक्स यही मैंने बताया मैंने पूरा चैप्टर कैसे प्रोसीड करना है कैसे लिखना है आपको कॉपी में कैसे बनाना है वो भी मैंने बता दिया यहाँ पे तो अब आपकी शुरुआत ढंग की हो जानी चाहिए मेरे ख्याल से महेंद्र ने लिख लिया रवि लिखा आपने अब आगे बढ़ेंगे हम और ज्यादा स्लो इससे स्लो नहीं चल सकते हम हमारे पास टाइम नहीं है इतना तो लिख लिया होगा और अब लिख चुके हैं तो बढ़ते हैं आगे चलिए ये लिखा भारत की स्थिति भारत का आकार शेप मतलब और भारत का साइज यहाँ पे तो आकृति है यहाँ शेप के लिए आकृति लिखना और नीचे आकार लिखना आकृति आकृति और यहाँ भारत का आकार लिख लिया बस इतना ही तो किया हमने यस डन वंदना वेरी गुड वेरी गुड स्टूडेंट्स चलो वी हैव डन ऑल दिस हमने ये सब देख लिया ये लर्न करना है ये रटना है सबको लर्न आज का होमवर्क और आज का होमवर्क ये भी है कि पॉलिटिकल मैप लर्न करोगे स्टेट्स याद करोगे आप कैपिटल्स याद करोगे राजधानियां वगैरह ओके okay? आगे बढ़ते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करते हैं कर्क रेखा तो कर्क रेखा जो है ये एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है जो इंडिया से गुजरता है और कर्क रेखा काफी सारे देश राज्यों से गुजरती है तो जिन राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है वो आपको एटलस में देखना है तो कर्क रेखा गुजरात से गुजरती है राजस्थान के दक्षिणी भाग से एमपी से छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है और लगभग आप देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लगभग इंडिया के सेंट्रल पार्ट से गुजरती है मध्य भाग से और इंडिया को डिवाइड करती है दो बड़े भागों में आपको पता है कि साढ़े डिग्री के नीचे वाला पार्ट जो है 23 1 हाफ डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के नीचे वाला मतलब इक्वेटर 0 डिग्री और 30 23 1 हाफ डिग्री के बीच वाला लगभग ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा जोन होता है ये होता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ये तो आता है ना सबको तो भारत का दक्षिणी भाग किस में है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है क्योंकि अगर हम ग्लोब पे देखें तो 0 डिग्री यहां पे 23 1 डिग्री इनके बीच वाला जो जोन है ये क्या है उष्ण कटिबंधी ट्रॉपिकल जोन इसमें जीरो डिग्री के आसपास वाला तो विश्व रेखीय क्षेत्र है इतना इतना थोड़ा थोड़ा पांच डिग्री के आसपास वाला और बाकी क्षेत्र क्या है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ट्रॉपिकल रीजन तो भारत का ये ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री से लोअर लैटिट्यूड वाला क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है ट्रॉपिकल जोन में और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के ऊपर कौन सा जोन आता है साढ़े छा साठ डिग्री तक सिक्सटी सिक्स एन हाफ डिग्री तक होता है टेम्परेट जोन शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र शीतोष्ण तो भारत का उत्तरी भाग किस में होगा भारत का उत्तरी भाग है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या टेम्परेट जोन टेम्परेट जोन पर टेम्परेट जोन जो होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी दो तरह के शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं मतलब ये ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री और फिर सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री तक शीतोष्ण वाला क्षेत्र पर इस शीतोष्ण को भी दो पार्ट में बांटा जाता है टेम्परेट जोन को भी 45 डिग्री वाला जो भाग है 45 फोर्टी फाइव डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री तक जो पार्ट रहता है उसमें थोड़ा सा ट्रॉपिकल जोन के कॉन्टेक्ट में आने की वजह से संपर्क में आने की वजह से बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है जबकि इसके ऊपर वाला फोर्टी फाइव से सिक्सटी सिक्स नाफ के बीच वाला जो एरिया है पैंतालीस से साढ़े छियासठ डिग्री वाला जो पार्ट है वहां पोलर रीजन के पास पड़ता है वो इसलिए वो बहुत ज्यादा ठंडा है तो टेम्परेट जोन को शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और इसमें जो नीचे वाला पार्ट है कर्क रेखा के बिल्कुल ऊपर वाला पास वाला 45 डिग्री तक का भाग 45 डिग्री वाला पार्ट उसको कहते हैं कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय और ऊपर वाला जो है वो शीत शीतोष्ण कटिबंधीय मतलब थोड़ा ठंडा है क्योंकि पोलर रीजन की तरफ वाला ये नीचे वाला जो है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की तरफ वाला है इसलिए थोड़ा सा मध्यम तापमान वाला रहता है कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय कोष्ण को इंग्लिश में कहते हैं वॉर्म तो इंडिया जो है वो कौन से वाले टेम्परेट जोन में होगा ठंडे वाले टेम्परेट जोन में होगा जहां बिल्कुल सर्दियां बहुत तीव्र होती है पोलर रीजन के जैसे या फिर इंडिया यहाँ होगा कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जहां बहुत ज्यादा नहीं पड़ती है ठंड ठीक ठाक टेम्परेचर हल्का डाउन होता है ज्यादा डाउन नहीं होता तो इंडिया किस में है कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में तो टेम्परेट जोन भी दो तरह के होते हैं एक तो थोड़ा गर्म वाला और एक थोड़ा ठंडा वाला तो इंडिया कौन से वाले में थोड़े वार्म वाले में ठंडे वाले में नहीं क्योंकि इंडिया वाला थोड़ा नीचे है, है। क्योंकि तो तो ना इसका मतलब ये 45 के अंदर अंदर है इंडिया का पार्ट तो इंडिया का जो जोन होगा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में टेम्परेट जोन में कौन सा वाला होगा कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधी तो भारत का जो उत्तरी भाग है वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है टेम्परेट जोन में है बट कौन से वाले टेम्परेट जोन में थोड़े गर्म वाले टेम्परेट जोन में तो इसको कहते हैं कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या वार्म टेम्परेट जोन तो इंडिया का उत्तरी भाग वार्म टेम्परेट जोन में है तो इंडिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दो पार्ट्स में डिवाइड करती है कर्क रेखा नीचे वाला भाग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और ऊपर वाला भाग कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वार्म टेम्परेट जोन होगा और ये जो है इसको आप नदन पार्ट को इंडिया वाले को वार्म टेम्परेट जोन भी कह सकते हो और एक हमने और क्लासिफिकेशन देखा था कि अगर वैसे तो वर्ल्ड को हम तीन ही पार्ट्स में बांटते हैं उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल जोन टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन वैसे तो तीन ही जोनस में बांटते हैं बट और और सब अगर अगर देखें और अगर उसमें करें तो उपवर्गीकरण करते हुए एक और जोन निकाला जाता है हमारी पृथ्वी पर वो जोन कौन सा है तो देखिए साढ़े तेईस डिग्री या लगभग आप पच्चीस डिग्री के आसपास तक मान लीजिए राउंड फिगर में देखें तो नहीं तो साढ़े तेईस डिग्री के आसपास साढ़े तेईस डिग्री के ठीक ऊपर वाला पार्ट जो होता है लगभग पैंतीस डिग्री के आसपास तक का उसको क्या कहते हैं सब ट्रॉपिकल जोन उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र तो उष्ण के ठीक ऊपर वाला लगभग 25 डिग्री से जो स्टार्ट हो जाता है या तेईस डिग्री के ऊपर से ही स्टार्ट हो जाता है वो जोन कौन सा है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र उष्ण के ऊपर वाला कौन सा है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र तो आप ये कह सकते हैं कि भारत का जो उत्तरी भाग है वो कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है या फिर ये कहने की जगह आप एक और तरीके से बोल सकते हैं ये भी बोला जा सकता है कि भारत का उत्तरी भाग जो है वो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उपोषण कटिबंधीय क्षेत्र में सब ट्रॉपिकल जोन में तो इंडिया जो है दो पार्ट्स में बढ़ता है नीचे वाले जोन में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है उष्ण ही है इसका नाम हमेशा उष्ण ही रहता है ऊपर वाला जो इंडिया का पार्ट है नदन इंडिया इसको वार्म वार्मेम्परेट जोन भी कहा जाता है और इसको सब ट्रॉपिकल जोन भी कहा जाता है इस वाले ऊपर वाले एरिया को अब अगर एग्जाम में आ गया तो आप क्या चुनेंगे एनसीआरटी में वार्म वार्मेम्परेट जोन लिखा है भारत का उत्तरी भाग और वार्म वार्मेम्परेट जोन या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ऑप्शन में हो ही ना तो आप क्या चुन सकते हैं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्लियर है सबको अगर ऑप्शन में ये मिलेगा वार्म जोन जोन तो आप उत्तर भारत इसमें है इस वाले जोन में ये चुन लेंगे अगर ये नहीं होगा ऑप्शन में तो आप उत्तर भारत किस में है क्या उपोषण कटिबंधी क्षेत्र में ये सबको क्लियर है और ये कर्क रेखा बीचो बीच से गुजर रही है तो ये क्लियर है और अगर ये क्लियर है तो आप रफली डायग्राम बनाइए अगर नहीं बनता डायग्राम मैप तो ऐसे पतंग बनाइए बीच में कर्क रेखा बनाइए और ऊपर वाले जोन का नाम ये लिखिए और नीचे वाले जोन का नाम ये लिखिए जल्दी से लिखिए हां जी नोटबुक नहीं बनाइए ये बना लीजिए पतंग बना के दोनों नाम लिख लीजिए फिर मैं भी लिखवाऊंगी जल्दी जल्दी बनाइए थोड़ा आप क्या धीरे धीरे स्पीड बनाना सीख स्पीड करना सीखना पड़ेगा जल्दी बेसिक्स कर रहे हैं अभी इसलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा है डन वेरी गुड ओके एवरी वन इज डन चलिए दोनों नाम लिखे ऊपर वाले जोन के दोनों नाम लिखने एक शीतोष्ण कटिबंधीय भी कह सकते हैं और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी कह सकते हैं उत्तरी भारत वाले भाग को दोनों लिख चुके तो अब जो है ये कई बार क्वेश्चन बन सकता है प्री में कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से गुजरती है कौन कौन से राज्यों से गुजरती है और कितने राज्यों से गुजरती है तो कर्क रेखा आठ राज्यों से गुजरती है एट स्टेट से तो उन एट स्टेट्स के नाम लिखेंगे और ये जो मैंने अभी डायग्राम में आपको बतवा बताया कोष्ण वाला और उष्ण वाला इसको भी शब्दों में लिख लेंगे तो अब आप लिखिए कर्क रेखा भारत के आठ राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा भारत के आठ राज्यों से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू एट स्टेट्स ऑफ इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू एट स्टेट्स ऑफ इंडिया यस रवि नई नोटबुक बनाओ चैप्टर का नया नाम लिखो hmm. कर्क रेखा आठ राज्यों से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू एट स्टेट्स और उन एट स्टेट्स के नाम गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश से नाम लिख लीजिए गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा और मिजोरम त्रिपुरा और मिजोरम क्लियर है लिख लिया गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा और मिजोरम आगे लास्ट में दो लाइनों में लिखिए कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड इंडिया इंटू टू पार्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड इंडिया इंटू टू पार्ट्स कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन ट्रॉपिकल जोन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन ट्रॉपिकल जोन दक्षिणी भाग दक्षिणी भारत दक्षिणी भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है दक्षिणी भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है दक्षिणी भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है फिर लिखिए तथा उत्तरी भारत उपोष्ण या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। उनको दिखा दो ना बाहर, बाहर दिखा दो तथा उत्तरी भारत उपोष्ण या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है तथा उत्तरी भारत उपोष्ण या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है उपोष्ण या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कोष्ण का मतलब होता है वार्म अब आप कोष्ण का मतलब समझ चुके होंगे डायग्राम में हमने लिखा था द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिकल जोन एंड द नदन पार्ट लाइज इन द सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन द नदन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन ट्रॉपिकल जोन एंड द नदन पार्ट लाइज इन द सब ट्रॉपिकल और वार्म टेम्परेट जोन सब ट्रॉपिकल और वार्म टेम्परेट जोन वार्म टेम्परेट जोन ये लिख लिया इतना इतना लिख चुके सब डायग्राम भी बना चुके सबको समझ में आ गया होगा अभी थोड़ी देर बाद हम लिखेंगे कि इन कर्क रेखा के आसपास कौन कौन सी राज्यों की राजधानियां हैं और कौन कौन से प्रमुख शहर हैं जो सीधे प्री में आते हैं उनको देखेंगे अभी पहले हम ये देख लेते हैं हाँ चलो यही देख रहे हैं कैपिटल ही देख रहे हैं, देख रहे हैं। तो राजधानियां वगैरह देखते हैं तो देखिए कर्क रेखा के समीप राजधानियां कौन सी तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उसको लिखने का तरीका उसकी डिग्री लिखने का तरीका दो होते हैं दो तरह के तरीके हैं या तो आप लिखिए साढ़े तेईस डिग्री अगर आप साढ़े तेईस लिख रहे हैं तो ये जो आधा आपने बताया ये बताया आधा डिग्री और इसी आधे डिग्री को अगर आप मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो आप लिखेंगे आधा डिग्री को अगर आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आप लिखेंगे ट्वेंटी थ्री डिग्री एंड फिफ्टी मिनट या फिर आप फिफ्टी मिनट नहीं अगर आप इसको कंप्लीट वैसे लिखेंगे पॉइंट्स के अंदर लिखेंगे जिसमें तो आपने ऐसे लिखा है अगर आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो वो आएगा ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव ज़ीरो डिग्री 23.50 डिग्री तो सेम इसी चीज को आप अगर पॉइंट्स में लिखना चाहो तो आप क्या लिखोगे 23.50। 23.50 तो अब जो है अगर आपको कर्क रेखा की टॉपिक ऑफ कैंसर की डिग्री क्लियर है तो इसी डिग्री के बेसिस पे पता लगाया जा सकता है कि कौन सी राजधानी सबसे समीप है उस राजधानी का हमें अक्षांश पता होना चाहिए लैटिट्यूड तो अगर हम देखें रांची जो कैपिटल है रांची कैपिटल निकटतम राजधानी है रांची कर्क रेखा के सबसे समीप राजधानी या सबसे क्लोजेस्ट जो कैपिटल है वो रांची है क्योंकि रांची का जो लैटिट्यूड है अक्षांश वो इतना है तेईस पॉइंट चौंतीस डिग्री थर्ट ट्वेंटी थ्री पॉइंट थर्टी फोर डिग्री और कर्क रेखा वाला डिग्री और इसके बीच में इन दोनों को माइनस कर लो इसमें से इसको माइनस कर लो तो रांची और कर्क रेखा के बीच में कितनी दूरी हो गई जीरो पॉइंट सिक्सटीन डिग्री की अक्षांशीय दूरी है लैटिट्यूडनल डिस्टेंस जीरो पॉइंट सिक्सटीन डिग्री का है इसका मतलब ये रांची जो है सबसे ज्यादा नजदीक है क्योंकि रांची के बीच में और कर्क रेखा के बीच में सबसे कम दूरी है आइजॉल आइजोल की डिग्री ये है जो है उसका है उसका अक्षांश लैटिट्यूडनल पोजीशन ये और कर्क रेखा से अगर अक्षांशीय दूरी देखें तो 0.22 है कैसे निकाली अक्षांशीय दूरी आपने सिर्फ सिंपल ये क्या है, किया है 23.72 में से 23.50 माइनस किया और सीधे सीधे निकाल ली तो ये इतना डिग्री निकलेगा और फिर भोपाल जो है वो कर्क रेखा की तीसरी समीपतम राजधानी है गांधीनगर चौथी समीपतम राजधानी अगरतला पांचवी समीपतम राजधानी इसमें ये डिग्रियां आपको लिखने की जरूरत नहीं है ये डिग्रियां सिर्फ आपको दर्शाने के लिए है कि हाँ इतना क्लोज है ये आप सिर्फ ये नाम याद कर लीजिए रांची आइजोल भोपाल गांधीनगर और अगरतला ये राजधानियों के नाम सीक्वेंस से पता होने चाहिए कि कौन से समीप है कौन सी दूर है अगर राजधानी ना पूछी जाए और केवल कहा जाए शहर बताइए सबसे समीपतम शहर कौन सा है कर्क रेखा के तो कर्क रेखा के सबसे समीपतम शहर है उदयपुर पर ये हमारा राजस्थान का उदयपुर नहीं है ये त्रिपुरा का उदयपुर है तो त्रिपुरा का एक उदयपुर नाम का शहर है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बहुत निकट है क्योंकि उसका लैटिट्यूड देखिए 23.53 डिग्री लैटिट्यूड अक्षांश है उसका और कर्क रेखा का 23.50 तो ये जो है इन दोनों के बीच में दूरी कितनी हो गई 0.03 डिग्री का ही डिस्टेंस है तो ये जो है ये रांची से भी ज्यादा समीप है उदयपुर तो अगर शहर पूछा जाए और चार ऑप्शंस दिए जाए तो उस स्थिति में आप रांची नहीं सेलेक्ट करेंगे आप उदयपुर शहर सेलेक्ट करेंगे ये त्रिपुरा वाला क्योंकि रांची जो है कैपिटल में सबसे नजदीक है बट ओवरऑल शहरों में देखें तो ये उदयपुर शहर त्रिपुरा का सबसे नजदीक है ये क्लियर है और आ, राजधानी नहीं है ये और ये ऐसे ही शहर है कर्क रेखा के समीप स्थित अन्य राज्य कौन से हैं अन्य राज्यों के शहर कौन से अहमदाबाद उज्जैन जबलपुर शाहडोल ये सिर्फ एक्सेट्रा एक्सेट्रा है क्वेश्चन सिर्फ आता है उदयपुर शहर से रांची आइजौल ये सब ऑप्शन में आते हैं इनको रटिए है बस इनको याद रखिए ये सब सिर्फ नाम लिखेंगे तो अब लिखते हैं इसके बारे में तो लिखिए कर्क रेखा जहाँ लिखा है उसके दक्षिण उसके नीचे की तरफ दक्षिण में बोल रही हूँ मैं लिखिए कर्क रेखा के समीप स्थित राजधानियां सीधे नाम लिखिए इसमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं कैलकुलेशन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा गया है तो लिखिए कर्क रेखा के समीपतम राजधानिया कैपिटल्स लोकेटेड नियर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैपिटल्स लोकेटेड नियर कैपिटल्स लोकेटेड नियर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसमें लिखिए रांची रांची दूसरे नंबर पर लिखिए आइजॉल रांची दूसरे नंबर पर आइजॉल रांची आइजॉल तीसरे नंबर पे लिखिए भोपाल रांची आइजोल भोपाल गांधीनगर रांची आइजोल भोपाल गांधीनगर अगरतला अगरतला गांधीनगर अगरतला फिर उसके बाद लिखिए शहरों में सबसे निकटतम त्रिपुरा का उदयपुर शहर है शहरों में सबसे निकटतम त्रिपुरा का उदयपुर शहर है परंतु यह राज्य की राजधानी नहीं है परंतु यह राज्य की राजधानी नहीं है बोर्ड पे भी लिखा है Udaipur city of Tripura is the closest city to the Tropic of Cancer. Udaipur city of Tripura is the closest city to Tropic of Cancer but it is not a state capital. But it is, it is not a state capital. It is not a state capital. बाकी जो शहर वो इतने रेलिवेंट नहीं है उनके सिर्फ नाम पता होने चाहिए वो नाम यहाँ पे है। बाकी पीडीएफ भी आपको दे देंगे ये नाम कोई नहीं याद रखने आपको उदयपुर और ये पांच नाम याद रखने ये फालतू इनकी टेंशन मत लो आप ये वैसे आपको पी में दे भी दिया जाएंगे तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब देखिए हम बात करेंगे अभी कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की सारी बात कर ली हमने अब हम बात करेंगे भारत ने जो मानक देशांतर चुना है स्टैंडर्ड लैटिट्यूड इंडिया के टाइम कैलकुलेशन के लिए वो है साढ़े बयासी डिग्री एटी टू एंड हाफ डिग्री और ये गुजरता है यूपी से एमपी से छत्तीसगढ़ से और उड़ीसा से यूपी एम छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और इसमें से अगर हम यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बनाए रफली तो कर्क रेखा और साढ़े बयासी डिग्री कौन से राज्य में मिल रही है छत्तीसगढ़ में तो कर्क रेखा और साढ़े बयासी डिग्री एटी टू एंड हाफ डिग्री छत्तीसगढ़ में मिलती है ये आपको ध्यान रखना है अब ये एटी टू एंड हाफ डिग्री को ही सेलेक्ट क्यों किया गया क्योंकि लगभग ये इंडिया का अगर देखें सबसे ज्यादा एक्सपेंशन जहाँ है मिडिल पार्ट में वहां पर ये लगभग सेंटर में है लगभग केंद्र में है इसीलिए ये इस मिड पॉइंट है इंडिया का इसलिए इसको सेलेक्ट किया गया है और ये यूपी में मिर्जापुर नामक स्थान के आसपास से गुजरती है So, अब जो है अब देखिए अच्छा ये एक और चीज बेसिक फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट में हमने ये देखा है कि एटी टू एंड हाफ डिग्री जो है ये जीएमटी से साढ़े बयासी डिग्री का समय कितना आगे है साढ़े पांच घंटे आगे तो इंडिया का समय जो है जीएमटी से कितना आगे फिफ्ट फाइव एंड हाफ आवर्स आगे है साढ़े पांच घंटे इसका मतलब ये हुआ अच्छा भारत का अगर देशांतरीय विस्तार देखें नॉर्थ से वेस्ट से ईस्ट तक इंडिया का एक्सपेंशन कितने डिग्री का विस्तार है भारत का देशांतर का 30 का देशांतर डिग्री है इसका मतलब इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है डिग्री का डिस्टेंस है देशांतरीय विस्तार डिग्री का है तीस डिग्री का, का देशांतरीय विस्तार होने के कारण सूर्योदय जो है यहाँ पर सनराइज जो होता है सबसे ईस्ट इंडिया में वो वेस्ट इंडिया की तुलना में पश्चिम भारत की तुलना में सनराइज दो घंटे पहले हो जाता है टू आवर्स पहले क्योंकि आपको पता है अगर लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस 30 डिग्री का होगा 30 डिग्री का अगर देशांतरीय दूरी होगी लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस होगा किन ही दो पॉइंट्स के बीच में जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी इन दोनों के बीच में लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस देशांतरीय दूरी वो इतनी है तो पंद्रह पंद्रह डिग्री के एक घंटा होता है पंद्रह डिग्री प्लस पंद्रह डिग्री तो ये हो गए टोटल तीस तो पंद्रह पंद्रह डिग्री का एक एक घंटा एक एक घंटे को प्लस करेंगे तो दो घंटे का डिफरेंस हो गया इसीलिए सनराइज वहां पहले होगा और सनसेट यहाँ पहले होगा यहां में होगा सनराइज यहाँ पे बाद में होगा हो और वहां पहले होगा अब ये भले सूर्योदय पहले हो जाता हो वहां पे तो भी वो लोग भी हमारी ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाली घड़ी है इसी के हिसाब से चलते हैं उनके सूर्योदय दो घंटे पहले होने के बावजूद वो इंडिया का समय ही फॉलो करते हैं तो सबकी घड़ियों में भारतवासियों के सबकी घड़ियों में समय सेम है पर सूर्य की स्थिति अगर देखा जाए तो सूर्य पहले आता है पूर्वी भारत में और पश्चिम भारत में बाद में आता है अब देखिए ये हमारे भारतीय मानक समय जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जहां से कैलकुलेट होता है उसके बारे में बेसिक्स है एटी टू एंड हाफ डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक देशांतर माना जाता है और ये कहाँ से गुजरता है प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से गुजरता है ग्रीनविज के समय से इतना आगे हमारा और साढ़े बयासी डिग्री पांच राज्यों से गुजरती है तीस डिग्री देशांतर विस... देशांतरी विस्तार होने के कारण सूर्योदय में दो घंटे का अंतर होता है पूर्वी भार भारत और पश्चिम भारत और कर्क रेखा और देशांतर जो है ये साढ़े बयासी डिग्री वाला छत्तीसगढ़ में मिलते हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट भी अगर लिखना चाहें तो कोरिया जिले में ये सब हम लिखेंगे लिखे अब सबसे पहले हेडिंग डालिए भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हेडिंग डाले कहां से कैलकुलेट होता है साढ़े बयासी डिग्री एटी टू एंड हाफ डिग्री इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारतीय मानक समय लिखिए भारतीय मानक समय ठीक है भारतीय मानक समय लिखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में साढ़े बयासी डिग्री एटी टू एंड हाफ डिग्री पूर्वी देशांतर साढ़े बयालीस डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक देशांतर माना गया है को भारत का मानक देशांतर माना गया है साढ़े बयासी डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक देशांतर माना गया है एटी टू एंड हाफ डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज कंसिडर्ड एज एटी टू एंड हाफ डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज कंसिडर्ड एज considered as India's standard longitude, India's standard longitude, longitude. फिर उसके बाद लिखिए तथा यह प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से गुजरता है तथा यह प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से गुजरता है एन इट पासिस थ्रू मिर्जापुर नियर प्रयागराज और यहाँ ये यह जो मिर्जापुर प्रयागराज नाम लिखा है इसके अलावा एक नाम और लिख लीजिए नैनी कई जगह नैनी नाम भी आ जाता है ऑप्शन में तो नैनी से गुजरती है ये साढ़े बयासी डिग्री कई जगह ऑप्शन में ये आ जाए तो तो नैनी क्या है नैनी इसी क्षेत्र में एक इंडस्ट्रियल रीजन है जो फैला हुआ है तो कई बार ये मिर्जापुर और ये सब लिखने की जगह नैनी दे दिया जाता है तो आप ब्रैकेट में नैनी भी लिख लीजिए ये जो लिखा आपने मिर्जापुर नियर प्रयागराज इलाहाबाद ब्रैकेट में नैनी सो so, नैनी प्रयागराज के निकट मिर्जापुर और ब्रैकेट में नैनी लिख लीजिए ठीक है फिर उसके बाद आगे लिखिए भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से साढ़े पांच घंटे आगे है भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से साढ़े पांच घंटे आगे है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज फाइव एंड हाफ आवर्स अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम और जी एम टी फाइव एंड हाफ आवर्स अहेड ऑफ जी ऑफ जी जी साढ़े डिग्री ओके साढ़े बयासी डिग्री हितेश वंदना कार्तिक हेमंत और बाकी सब लोग आ, हम लोग ग्यारह बजे बात करेंगे ठीक है हितेश रवि बी टेन और नाइन के स्टूडेंट्स जो भी आपको बात करनी है डाउट्स हैं कुछ भी कंफ्यूजन है तो हम ग्यारह बजे इसके बारे में डिस्कस करेंगे ठीक है चलिए अभी हम इसके बारे में ग्यारह बजे ग्यारह बजे नहीं हमारी क्लास एक बजे है ना एक बजे डिस्कस करेंगे चलिए अभी हम फिलहाल इसको करते हैं आ, तो ये लिखा उसके बाद लिखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज फाइव एंड अफ आवर्स ऑफ जी एम टी फिर लिखिए एटी टू एंड हाफ डिग्री पासिस थ्रू फाइव स्टेट्स ऑफ इंडिया एटी टू एंड हाफ डिग्री पासिस थ्रू फाइव फाइव स्टेट्स ऑफ इंडिया यूपी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश यूपी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश फिर लिखिए तीस डिग्री का देशांतरीय विस्तार कुछ लोगों को ये तीस डिग्री का देशांतरीय विस्तार नहीं समझ में आया तो वो अभी मैं बताऊंगी समझाऊंगी अगर नहीं समझ में आया तीस डिग्री के देशांतरीय विस्तार के कारण उत्तर पूर्वी राज्यों तीस डिग्री के देशांतरीय विस्तार के कारण उत्तर पूर्वी राज्यों में पश्चिमी राज्यों की तुलना में उत्तर पूर्वी राज्यों में पश्चिमी राज्यों की तुलना में पश्चिमी राज्यों की तुलना में सूर्योदय दो घंटे पहले होता है सूर्योदय दो घंटे पहले होता है बिकॉज ऑफ थर्टी डिग्री एक्सटेंशन थर्टी डिग्री लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन द सन राइजेस टू आवर्स अर्लियर इन नॉर्थ ईस्ट द सन राइजेस टू आवर्स अर्लियर इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न मोस्ट स्टेट्स एज कंपेयर टू द वेस्टर्न मोस्ट स्टेट्स वेस्टर्न मोस्ट स्टेट्स, ओके फिर आगे लिखिये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड एटी टू एंड हाफ डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड एटी टू एंड हाफ डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट एट कोरिया डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ एट कोरिया डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ कर्क रेखा तथा साढ़े बयासी डिग्री पूर्वी देशांतर कर्क रेखा तथा साढ़े बयासी डिग्री पूर्वी देशांतर छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में मिलते हैं छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में मिलते हैं कोरिया जिले में मिलते हैं लिख लिया होगा इतना अब ये तीस डिग्री वाला जिन लोगों को नहीं समझ में आया अभी देखिए अभी ये हमने देखा था इससे भी पहले हाँ ये जो हम देख रहे थे इसमें हमने भारत का सबसे पश्चिम और सबसे पूर्वी विस्तार जो देखा था तो उसमें अगर हम देखें ये आपने देखा नाइंटी सेवन डिग्री ट्वेंटी फाइव मिनट और ये आपने देखा 68 एट डिग्री सेवन मिनट तो अगर हम इसको राउंड फिगर में देखें 97 और 68 को तो 97 को अगर हम uh, 98 कर दें उसमें जो भी एक्स्ट्रा है इसका सेवन और वो सब मिला के नाइनटी को आप रफली अगर 98 मान ले राउंड फिगर में और इसको 68 मान ले राउंड फिगर में तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का दूरी हुआ 98 एट माइनस सिक्सटी तो रफली आप देखोगे तो भारत का सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी भाग जो है उनके बीच में लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस कितना है देशांतर का अंतर कितना है लगभग कितना है थर्टी डिग्री लगभग थर्टी डिग्री और लगभग थर्टी डिग्री का देशांतरीय विस्तार होगा तो पंद्रह पंद्रह डिग्री में फिर एक एक घंटे का फर्क आ जाएगा मतलब टोटल दो घंटे का फर्क आ जाएगा तो ये समझ में आया कैसे डिफरेंस थर्टी डिग्री का है और अगर आप देखेंगे भारत का देशांतरीय विस्तार मतलब लॉन्गिट्यूडनल थर्टी डिग्री का है और भारत का ये का अक्षांशीय विस्तार भी डिग्री है तो भारत उत्तर से दक्षिण तक जो फैला हुआ है वो तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है नॉर्थ से साउथ तक और ईस्ट से वेस्ट तक जो फैला है इंडिया पूर्व से पश्चिम तक वो भारत का देशांतरीय विस्तार है यहां से यहां तक भारत का उत्तर से दक्षिण तक का और पूर्व से पश्चिम तक का दोनों ही विस्तार थर्टी थर्टी डिग्री का है रफली अगर देखा जाए तो।, तो दोनों ही विस्तार जब तीस तीस डिग्री का है उसके बावजूद आप देखोगे ये भी थर्टी डिग्री का एक्सपेंशन है और ये भी थर्टी डिग्री का एक्सपेंशन है फिर भी आप देखो देशांतरीय दूरी तो कम है वो केवल उन्तीस किलोमीटर है यहाँ पे लॉन्गिट्यूडल डिस्टेंस या पूर्व से पश्चिम तक की दूरी केवल कितनी है उनतीस और उत्तर से दक्षिण तक की कितनी दूरी है बत्तीस तो ये इतना वेरिएशन कैसे आया जबकि बत्तीस भी कितना बता रहा तीस डिग्री के अक्षांश का बता रहा है लैटिट्यूड का ये बता रहा है थर्टी डिग्री के लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस तो दोनों में डिफरेंस क्यों आ गया है जब 30-30 डिग्री -30 का ही एक्सपेंशन है दोनों का लैटिट्यूड का भी और लॉन्गिट्यूड का भी फिर देशांतर की दूरी थोड़ी कम क्यों आ रही है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की दूरी थोड़ी कम क्यों आ रही है क्योंकि आपको याद होगा जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं विश्वत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं देशांतरों के बीच की दूरी कम होती है लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस कम होता है इसी वजह से इंडिया तक आते आते कर्क रेखा तक आते आते इन दोनों के के बीच बीच की की या देशांतर के बीच की दूरी कम हो जाती है इसलिए देशांतरीय विस्तार भले ही 30 डिग्री का हो लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंशन भले ही थर्टी डिग्री का हो पर यह डिस्टेंस कम कवर कर पाते हैं क्योंकि लॉन्गिट्यूड्स पास पास आ जाते हैं इसीलिए कम दूरी में बहुत सारे देशांतर देखने को मिलते हैं जैसे आपको याद होगा ये है हमारा पृथ्वी ये जीरो डिग्री वाला और ये पोल्स अगर हम देखें इसमें देशांतर बना के तो ये लॉन्गिट्यूड 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 के बीच में सबसे ज्यादा दूरी आपको इक्वेटर पे मिलेगी और बाकी जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाते हो पोल्स की तरफ उनके बीच का डिस्टेंस कम होता जाता है तो इंडिया जिस जगह है वहां पर लॉन्गिट्यूड का बीच की दूरी कम हो जाती है तो इंडिया लगभग मान लीजिए आप यहाँ पे तो इंडिया का जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ आते आते लॉन्गिट्यूड्स के बीच के डिस्टेंस कम हो जाता है इसीलिए 30 डिग्रीज हैं कहने को बट उन 30-30 डिग्रियों -30 के बहुत पास पास स्थित होने के कारण वो अक्षांश देशांतर डिग्रियाँ जो है लॉन्गिट्यूडल डिग्रीज वो बहुत पास पास हैं इसलिए वो ज्यादा बड़ा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाती तो अगर एग्जाम में कहीं ये भी पूछ लिया जाए कि उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार ज़्यादा है और पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कम है जबकि दोनों ही डिग्रियाँ जो विस्तार में है देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार दोनों तीस डिग्री के फिर भी अंतर क्यों है? क्योंकि देशांतर के बीच की दूरी कम होती है उत्तर की तरफ जाते जाते और अक्षांश के बीच की दूरी कम नहीं होती उनके बीच की दूरी लगभग समान रहती है इंग्लिश में अगर बात करें तो इंडियाज नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन इज मोर देन ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन

अब जो है ये सब हम देख चुके हैं अब हम बात करेंगे इंडिया के बॉर्डर की लैंड और कोस्टल बॉर्डर हम देखेंगे तो भारत का स्थलीय और जलीय सीमा कहाँ है तो यहाँ जो उत्तरी भाग है भारत का ये नॉर्थ इंडिया वाला जो पार्ट है ये है भारत की स्थलीय सीमा लैंड बॉर्डर जो इंडिया विभिन्न देशों के साथ बनाता है ये इंडिया का लैंड बॉर्डर है पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लैंड बॉर्डर ही है कोस्टल तो रीजन पे नहीं है वो इस तरफ है पाकिस्तान इस तरफ है अफगानिस्तान इस तरफ है चाइना यहाँ है म्यांमार यहाँ है बांग्लादेश और ये भी यहाँ पे भी स्थलीय भाग है तो इस तरह से भारत के उत्तर में विभिन्न देशों के साथ भारत सीमा बना रहा है और दक्षिण में जो है हिंद महासागर वाला क्षेत्र है इंडियन ओशन वाला उसमें भी इस तरफ है बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल और दूसरी तरफ जो है यहाँ है अरब सागर अरेबियन सी अरेबियन सी और ये भारत की लंबी सी तटरेखा है तो तटरेखा की लंबाई पता होनी चाहिए अलग से और ऊपर स्थलीय भाग की सीमा की भी तो भारत की सीमा जो है उसमें स्थलीय सीमा को अगर देखें हम लैंड बॉर्डर को तो इंडिया का लैंड बॉर्डर लगभग राउंड फिगर में 15,200 किलोमीटर आपको याद यही करना है जबकि एग्जैक्ट फिगर जो है ये तो एनसीईआरटी में लिखा रहता है राउंड फिगर और यही पूछा जाता है एग्जाम में बट एग्जैक्ट फिगर अगर देखें हम इंडियन गवर्नमेंट की साइट्स वगैरह तो पे तो पंद्रह हजार एक सौ छह पॉइंट सात किलोमीटर होता है एग्जैक्ट तो ये होता है पर हमें राउंड फिगर ही याद करना है तटीय सीमा जो है कोस्टल बॉर्डर इंडिया का टोटल इतना है सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटीन पॉइंट सिक्स किलोमीटर कोस्टल बॉर्डर में तटीय सीमा में अगर देखें तो एग्जैक्ट फिगर में तो इंडिया की लैंड अच्छा कोस्टल बॉर्डर को दो पार्ट्स में बांटते हैं एक तो मुख्य भूभाग की तटीय सीमा और एक द्वीपों की तो देखिए मुख्य भूभाग क्या है ये गुजरात महाराष्ट्र ये तो मेनलैंड है और ये है आइलैंड्स द्वीप अंडमान निकोबार हो गए इधर लक्षद्वीप हो गए तो द्वीपों की भी तो एक तटीय सीमा होगी तो उसको अलग से बताया जाता है और मेनलैंड की तटीय सीमा को भी अलग से दर्शाया जा सकता है तो मुख्य भूभाग की तटीय सीमा है 5422.6 किलोमीटर और द्वीपों की तटीय सीमा है 2094 किलोमीटर और ये जो मेनलैंड की कोस्टल बॉर्डर है इसको राउंड फिगर में बताया जाता है 6100 किलोमीटर मतलब 6100 किलोमीटर राउंड फिगर में तो एनसीईआरटीज वगैरह में 6100 तो किलोमीटर का आंकड़ा लिखा है तो आप ये याद कर सकते हैं हालांकि ये 7516.6 तभी बनेगा जब आप 5422.6 को इससे एड करेंगे तब जाके ये दोनों जोड़ते हैं तब बनता है ये राउंड फिगर तो थो थोड़ा ज्यादा बता रखा है पर ठीक है एनसीआरटी वगैरह में दे रखा है तो ये ध्यान होना चाहिए आपको तो अब ये लिख लीजिए आप भारत की सीमा और ऐसे ही फ्लो चार्ट बना लीजिए ये लर्न करने का फैक्चुअल टॉपिक है आपको लर्न ही करना है तो लिखिए इसके बारे में और ये देशों के नाम की चिंता ना करें ये मैं अभी लिखवाऊंगी ये मैप भी नहीं बनाना आपको सिर्फ ये फ्लो चार्ट बनाना है सिर्फ ये बनाइए फ्लो चार्ट चलिए बनाया लिखा लिख लिया होगा सबने जल्दी लिख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे पीडीएफ भी देंगे आपको पर एक बार ये कर लीजिए एक बार तो लिखिए लिखा चलिए हो गया होगा सबका स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर मुख्य भूभाग मेनलैंड की इतनी और द्वीपों की इतनी और ये जो दो आंकड़े क्यों लिखे हुए हैं क्योंकि ये राउंड राउंड फिगर 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 है है एग्जैक्ट ज्यादा लिखा हुआ एनसीआरटी में तो आपको अगर भूभाग की मुख्य भूभाग की तटीय सीमा पूछ ले तो इकसठ किलोमीटर बोल सकते हैं आप ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अब देखिए इंडिया का जो डिफरेंट कंट्रीज के साथ बॉर्डर है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है ये वाला जो बॉर्डर है जो इंडिया का पाकिस्तान के साथ है ये सीमा ये पाकिस्तान के साथ वाली सारी सीमा कहलाती है रेड क्लिफ रेखा और पहले ये बांग्लादेश और कुछ नहीं था पूर्वी पाकिस्तान ही था इसीलिए इसकी सीमा को भी रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है तो भारत और बांग्लादेश और भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है फिर इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में बहुत छोटी सी सीमा है पर जितनी भी सीमा है उसको कहते हैं डूरंड रेखा दूरन रेखा और चाइना और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है उसको कहा जाता है मैकमोहन रेखा सो so, इनके सिर्फ नाम सीधे सीधे लिखने ये पूछा गया है डूरन रेखा आई थिंक पहले पूछा गया है या मैकमोहन इन दोनों में से एक पूछा गया है पहले आर के एग्जाम में भी तो कई बार सरल सवाल भी आ जाते हैं पर सरल सवालों में गलती मत करना बिल्कुल भी तो अब लिखिए इसके बारे में सीधा ये लिख लीजिए दूरन रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा तो लिखिए रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा के बीच रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बीच भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बीच भारत पाकिस्तान भारत बांग्लादेश के बीच फिर लिखिए मैक महोन रेखा भारत चीन के बीच मैक महोन रेखा भारत चीन के बीच मैक महोन इंडिया चाइना चलिए लिख लिया सबने जल्दी लिख लीजिए फिर उसके बाद लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ है और वो सब चीजें देखेंगे लिख लिया वेरी गुड चलिए लिख चुके हैं सब लोग और अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये जो टेबल है इसमें बेसिक ये है कि सबसे ज्यादा तटीय सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा भारत कौन से देश के साथ बनाता है तो सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा इंडिया बनाता है बांग्लादेश के साथ तो बांग्लादेश के साथ चार हजार के आसपास चार हजार किलोमीटर के आसपास इंडिया की स्थलीय सीमा है ये सीमा पर जो स्थित राज्य है उनके नाम है पश्चिम बंगाल असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम और ये दूसरे नंबर पर है चाइना चीन चीन के साथ ये अच्छा बॉर्डर की लंबाई किस किस की याद करें देखिए सबसे ज्यादा लंबा बॉर्डर जो है इंडिया लैंड बॉर्डर बनाता है बांग्लादेश के साथ सबसे कम लैंड बॉर्डर जो है वो इंडिया बनाता है अफगानिस्तान के साथ तो आपको सबसे ज्यादा और सबसे कम वाला थोड़ा ध्यान होना चाहिए डेटा भी ये नंबर भी और बाकी सारे जो नंबर्स हैं वो नहीं भी याद करोगे तो भी चल जाएगा आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए देशों का सीक्वेंस से पता होना चाहिए ये पता अगर आ जाए अरेंजमेंट तो ये तो आना चाहिए बाकी अगर आपको नंबर याद नहीं हो रहे हैं तो भी कोई बात नहीं सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर तो याद रखिए एटलीस्ट और ये राज्यों के नाम तो आने चाहिए आपको ये एटलस में भी देखना आप उससे ज्यादा लर्न होंगे इन टेबलों से याद नहीं होता ये एटलस में देखोगे खुद लॉजिकली समझोगे तो रटना नहीं पड़ेगा आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चन तो चीन के साथ लद्दाख हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम अरुणाचल प्रदेश पाकिस्तान में गुजरात राजस्थान जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये सब पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं नेपाल उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल सिक्किम म्यांमार अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम भूटान सिक्किम पश्चिम बंगाल असम अरुणाचल प्रदेश तो ये सारे जो हैं राज्यों के नाम और ये सब ये बेसिक्स आप लिख लीजिए राज्यों के नाम तो मैं कहूंगी आप खुद ही देखें तो ज्यादा बेटर होगा हालांकि हम पीडीएफ भी दे, दे देंगे आपको फिर भी तो लिख लीजिए एक बार एक टेबल बना लीजिए सबसे पहले लिखिए बांग्लादेश बांग्लादेश और बांग्लादेश में लिखिए बांग्लादेश का तो नंबर भी लिखिए कितने किलोमीटर की सीमा है वो भी लिखिए फोर जीरो नाइन सिक्स पॉइंट सेवन किलोमीटर फोर जीरो नाइन सिक्स पॉइंट फोर जीरो नाइन सिक्स पॉइंट सेवन किलोमीटर पॉइंट सेवन किलोमीटर और उसमें लिखिए राज्यों के नाम पश्चिम बंगाल असम मेघालय पश्चिम बंगाल असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम पश्चिम बंगाल असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम वेस्ट बंगाल असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, फिर लिखिए दूसरे नंबर पे चाइना चीन चाइना चीन चीन में लिखिए लद्दाख हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम अरुणाचल प्रदेश लद्दाख हिमाचल प्रदेश लद्दाख हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश चलिए लिखा होगा इतना आप देखिए आप ये एटलस जब देखेंगे इसमें खास बात नोट करने की ये है कि आपको जो नया जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश है उसकी बाउंड्री और लद्दाख वाली बाउंड्री दोनों दिखेगी इसमें नए वाले एटलस में देखेंगे तो और चेंज ये हुआ है कि जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग से सेपरेट यूनियन टेरिटरीज डिक्लेयर किया गया है तब से जम्मू कश्मीर चाइना की सीमा को नहीं छूता है जम्मू कश्मीर चाइना के साथ बॉर्डर नहीं बनाता है तब से और ना ही जम्मू कश्मीर बॉर्डर बनाता है अफगानिस्तान के साथ तो जम्मू कश्मीर जब से केंद्र शासित प्रदेश बना है यूनियन टेरिटरी बना है तब से जम्मू कश्मीर की बॉर्डर जो है चाइना के साथ और अफगानिस्तान के साथ नहीं लगती है एग्जाम में इसी चीज से रिलेटेड क्या पता क्वेश्चन आ जाए क्योंकि रिसेंट चेंजेस है ये तो इस पार्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना क्योंकि ये वाला सेक्शन जो है ये नया बना है इसमें चेंजेस हुए हैं तो ये वाला पॉइंट मैंने बता भी दिया एटलस में अभी आप अच्छे से उसको देखना तो अब पाकिस्तान वाला लिख लीजिए पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं गुजरात राजस्थान पंजाब जम्मू कश्मीर और लद्दाख गुजरात राजस्थान पंजाब जम्मू कश्मीर और लद्दाख इनकी कोई सीमाएं के किलोमीटर लिखने की जरूरत नहीं फिर भी इच्छा होगी आपके मन में रुकोगे तो नहीं आप लिखने की इच्छा ही हो रही होगी लिख लो लिख लो तो गुजरात राजस्थान पंजाब जम्मू कश्मीर और लद्दाख लिख लिया सबने इतना लिख चुके हैं पाकिस्तान के साथ अब लिखिए नेपाल नेपाल में लिखिए उत्तराखंड उत्तर प्रदेश उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल और सिक्किम बिहार पश्चिम बंगाल और सिक्किम सिक्किम डन फिर उसके बाद लिखिए म्यांमार 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 में लिखिए अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर और मिजोरम अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर और मिजोरम अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम नागालैंड मणिपुर मिजोरम ठीक है फिर उसके बाद लिखिए भूटान में भूटान के बारे में लिखिए सिक्किम पश्चिम बंगाल असम और अरुणाचल प्रदेश सिक्किम पश्चिम बंगाल असम और अरुणाचल प्रदेश सिक्किम वेस्ट बंगाल असम अरुणाचल प्रदेश नीचे लिखिए अफगानिस्तान लास्ट अफगानिस्तान लद्दाख के साथ सीमा बनाता है लद्दाख के साथ डन चलिए ये सब कर चुके हैं तो अब आगे बढ़ते हैं फैक्चुअल चीजें है से बेसिक अब तटीय सीमा कोस्टल बॉर्डर कोस्टल बॉर्डर अभी आपने देखा इंडिया का टोटल कोस्टल बॉर्डर कितना है 7516.6 किलोमीटर और ये जो टोटल कोस्टल बॉर्डर है इसमें से तटीय सीमा में से मेन लैंड की कोस्टल बॉर्डर कितनी है वो है राउंड फिगर में 6100 किलोमीटर 6100 किलोमीटर तो कोस्टल बॉर्डर जो मेन लैंड का है उसके हिसाब से अगर देखें तो मुख्य भूभाग में सबसे लंबी तटरेखा कौन सा राज्य बनाता है तो मेन लैंड में जो सबसे लंबी तटरेखा बनाता है वो गुजरात है क्योंकि यहाँ कर्व बहुत सारे बहुत सारे घुमाव है उसकी वजह से तटरेखा की लंबाई बहुत बढ़ गई है तो मेन लैंड में मुख्य भूभाग में टॉप पे है गुजरात सबसे ज्यादा तटीय सीमा गुजरात की है और अगर हम द्वीपों को भी देखें तो आइलैंड्स में अंड आइलैंड्स में अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है अंडमान निकोबार अंडमान निकोबार उनकी तटीय सीमा जो है वो सबसे ज्यादा ओवरऑल संपूर्ण भारत में देखा जाए जितने भी कोस्टल बॉर्डर हैं उनमें सबसे लंबा कोस्टल बॉर्डर अंडमान निकोबार का है गुजरात से भी ज्यादा बड़ा है तो अगर ये पूछा जाए कि तटीय सीमा किसकी सबसे ज्यादा है और अंडमान निकोबार ऑप्शन में तो आप अंडमान निकोबार चुनेंगे या फिर अगर ऐसा पूछा जाए कि मुख्य भूभाग में मेनलैंड में किसका है सबसे ज्यादा तटीय सीमा तो गुजरात की और सबसे छोटी तटीय सीमा जो है यहाँ दमन और दीव नाम के जो दीव तो छोटा सा द्वीप है और दमन गुजरात के तटीय क्षेत्र में है तो गुजरा अगर केंद्र शासित अगर आपको पूछा जाए कि मुख्य मेनलैंड में मुख्य भूभाग में या ओवरऑल भी अगर हम देखें तो दमन और दीव की कोस्टल बॉर्डर सबसे छोटी है तो आपको द्वीपों के हिसाब से भी पूछा जा सकता है आपको मेनलैंड मुख्य भूभाग के भी हिसाब से पूछा जा सकता है अब कोस्टल रीजन पे लोकेटेड स्टेट्स कौन से इनके नाम आपको पता होने चाहिए पॉलिटिकल मैप से आपको याद करने है। गुजरात है उसके बाद महाराष्ट्र है फिर गोवा है फिर यहाँ कर्नाटक है यह केरल है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश यहाँ पर ये यह जो है ये उड़ीसा और ये पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है तो कुल मिलाकर अगर आप देखें ये जो नया राज्य बना है तेलंगाना ये तेलंगाना कोस्टल बॉर्डर पे नहीं है तेलंगाना तटवर्ती सीमा नहीं बनाता इन सबके अलावा पुडुचेरी जो है वो कोस्टल बॉर्डर बनाता है तो पुडुचेरी भी तटीय सीमा बनाता है बाकी सब राज्य बनाते हैं इधर उड़ीस पश्चिम बंगाल से लेकर आगे तक तेलंगाना नहीं बनाता क्योंकि नया स्टेट बना है तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अब जो है सिंपल फैक्ट्स लिखेंगे आप तटीय सीमा में लिखिए सबसे लंबी तटीय तटरेखा अलग से फैक्ट्स लिख लीजिए सबसे लंबी तटीय तटरेखा लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन सबसे लंबी तटरेखा अंडमान निकोबार सबसे लंबी तटरेखा अंडमान निकोबार मुख्य भूभाग में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अंडमान निकोबार लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अंडमान निकोबार लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन मेन लैंड गुजरात लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन मेन लैंड गुजरात मुख्य भूभाग में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात मुख्य भूभाग में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की और सबसे छोटी तटरेखा दमनदीप सबसे छोटी तटरेखा दमनदीप स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन दमनद्वीप स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन दमनदीप क्लियर है तो ये लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट है प्री में ये ध्यान रखना है आगे बढ़ते हैं अगर देखें तो आसपास किसी देश के अगर सागर होता है सी होती है तो उस सागरीय भाग पर उस देश का थोड़ा थोड़ा अधिकार होता है तो इंडिया के आसपास जो सागर है उस पर इंडिया का कितना अधिकार है किसने तय किया ये अधिकार तो देखिए अधिकार तय होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज के थ्रू जो की नाइनटीन एटी uh, 1982 में जो एक सम्मेलन हुआ था उसके आधार पर ये क्या है यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राज्य कन्वेंशन मतलब सम्मेलन ऑन लॉज ऑफ सी मतलब समुद्र से संबंधित कानून तो समुद्र से संबंधित कानूनों के लिए जो एक एक यूएन का सम्मेलन सम्मेलन हुआ था उस सम्मेलन ने तय किया कि हर एक देश जिसकी आसपास सागर है उसका सागर में कितना अधिकार रहेगा इसी बेसिस पर इंडिया का भी अधिकार क्षेत्र डिसाइड होता है इंडिया में दो तरफ जो है जलीय भाग है दोनों तरफ दोनों तरफ या तीनों तरफ है दक्षिण भारत में तो दक्षिण भारत में इंडियन ओशन वाला पार्ट आ जाता है बिल्कुल साउथ वाला पार्ट इंडियन ओशन वाला है इस तरफ इंडियन ओशन के ही दो छोटे सीज हैं एक बंगाल की खाड़ी है एक अरब सागर है बंगाल की खाड़ी अरब सागर में भारत का कितना अधिकार है वो देखते हैं तो अब देखिए ये नॉटिकल माइल्स में कैलकुलेट होता है समुद्र में जो दूरी होती है वो किलोमीटर में ही नहीं कैलकुलेट होती नॉटिकल मील में अगर हम देखें तो Uh, एक नॉटिकल मील जो है वो 1.8 मतलब 1.8 किलोमीटर के बराबर होती है 1.852 किलोमीटर के बराबर होती है 1.8 किलोमीटर के बराबर तो अब अब जो है अब अगर हम देखें ये पांच प्रमुख भाग में आपको पढ़ाऊंगी पढ़ाऊंगी या बताऊंगी तो ये पांच प्रमुख भाग को पहले हम खुद ड्रॉ करके समझ लेते हैं आप भी मेरे साथ ड्रॉ कीजिएगा ताकि आपका ड्रॉ भी हो जाए और फिर समझ भी लेंगे हम समझ भी रहे हैं साथ साथ तो इंडिया का देखिए अगर आप कोस्ट लाइन देखें तो जैसे आप मैप बनाते हो ऐसे बिल्कुल सीधा इतना सीधा नहीं होता तो ये जो है इसमें थोड़ा सा तटरेखा आड़ी तिरछी होती है आगे पीछे होती है तो तटरेखा ऐसे आगे पीछे होगी और ऐसी जो आगे पीछे वाली तटरेखा है इन आगे पीछे वाले भागों को अगर हम जोड़ दें कनेक्ट कर दें एक इमेजिनरी लाइन से तो ये जो काल्पनिक रेखा है जो इनको जोड़ रही है इसको हम कह देंगे बेस लाइन इसको हम कहेंगे आधार रेखा बेस लाइन आधार रेखा बेस लाइन आधार रेखा बनाई गई है ताकि कैलकुलेट किया जाए समुद्र में या सी में भारत का कितना अधिकार है तो आधार रेखा क्या होती है एक इमेजिनरी लाइन है काल्पनिक रेखा जो भारत के आड़े तिरछी तटरेखा को जोड़कर और एक सीधी हमें आधार रेखा या सीधा एक रेफरेंस लाइन देता है तो ये आगे पीछे वाले इंडेंटेड कोस्ट लाइन जो है जिगजैग वाली उसको कनेक्ट करके बनाने वाली लाइन बनने वाली लाइन है तो बेस लाइन क्लियर है इमेजिनरी लाइन है अब आधार रेखा और जो हमारी वास्तव में तट रेखा है हमारी जो रियल कोस्ट लाइन है वो और बेस लाइन जो है उनके बीच में कुछ वाटर वाला भाग है कुछ जलीय भाग ये जो हमारी आधार रेखा और इसके बीच में जो थोड़ा सा जलीय भाग रह जाता है तट रेखा के बीच में इस बेस लाइन और इसके बीच में जो वॉटर है उसको कहते हैं इंटरनल वॉटर आंतरिक जल ये वाला जो है ये वाला पार्ट इसको वन नंबर दे देते ये जो सबसे पहला भाग है ये है आंतरिक जल इंटरनल वाटर इंटरनल वाटर पे कंट्री का पूरा अधिकार होता है इंडिया का पूरा अधिकार है यहाँ इंडिया जो है कुछ भी कर सकता है रिसोर्सेज ले सकता है यहाँ की मछलियां पकड़ सकता है यहाँ तेल मिलता है तो तेल ले सकता है इंडिया यहाँ पे आ, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है इसलिए यहाँ किसी भी कंट्री को आने से पहले इंडिया से परमिशन लेनी पड़ती है बिना इंडिया से पूछे कोई यहाँ आ नहीं सकता यहाँ से निर्दोष गमन की भी अनुमति नहीं है इनोसेंट पासज भी अलाउड नहीं है इनोसेंट पासज

फिर आगे चल के चौबीस नॉटिकल माइल भी देखेंगे और लास्ट में दो सौ मील दो सौ तो आप देखिए बेस लाइन से आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक की जो दूरी है यहां तक और फिर 24 नॉटिकल मील तक की दूरी और लास्ट में 200 नॉटिकल मील तक की दूरी यहां पर अन्य ज़ोन्स हैं दूसरा नंबर जोन यहां है तीसरा नंबर जोन यहाँ है और चौथा नंबर ज़ोन है और इन सब के बाहर आगे जो जोन है वो पांचवा नंबर पांचवा नंबर है ये पांचवा नंबर उच्च सागर कहलाता है उच्च सागर हाई सी हाई सी में किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं है मतलब सभी देश जो है समान रूप से यहाँ अपने जहाज ले जा सकते हैं केवल आवागमन के लिए यूज कर सकते हैं समुद्र के संसाधन वगैरह यहाँ के नहीं ले सकते तो ये हाई सी वाला रीजन किसी के भी कंट्री के कंट्रोल में नहीं आता ये किसी भी कंट्री के कंट्रोल के अंडर नहीं है बाकी ये जो दो तीन चार वाला क्षेत्र है इंडिया का अधिकार चार नंबर क्षेत्र तक है एक नंबर से लेकर चार नंबर तक अधिकार है इंडिया का इसमें एक नंबर तो मैंने बताया आंतरिक जल है इंटरनल वाटर है यहाँ कंप्लीट इंडिया को राइट्स मिले हुए फिर दो नंबर जो स्टेट राज्य राज्य क्या दो नंबर नंबर जो क्षेत्र है इस टू स्टेट को कहते हैं संलग्न सागर पास वाला आंतरिक जल के बगल वाला जो सागर है उसको कहेंगे संलग्न सागर नहीं सीमावर्ती सागर कहेंगे ये जो हमारे आंतरिक जल है इसके ठीक पास वाला जो सागर है इसको टेरिटोरियल सी कहते हैं या सीमावर्ती सागर टेरिटोरियल सी सीमावर्ती सागर सीमावर्ती सागर अब ये जो हमारी सीमा के बिल्कुल पास में है सागर इसको सीमावर्ती सागर कह रहे हैं इस सीमावर्ती सागर में इंडिया को क्या अधिकार है तो इस सागर वाले क्षेत्र में भी इंडिया को अच्छे खासे अधिकार हैं एकाधिकार है इंडिया का कोई इंडिया के बिना परमिशन के आ नहीं सकता वो सारी चीजें हैं पर यहाँ पे निर्दोष गमन की अनुमति है इनोसेंट पासेज अलाउड है कोई अगर गलती से यहाँ आ जाए जिसका कोई उद्देश्य नहीं हो भारत पे अटैक करने का जिसका कोई गलत पर्पस नहीं हो वो बस आ, गलत गलती से उस एरिया में आ जाए मासूमियत से बस गुजर रहा हूँ वहां से तो उसको चुपचाप जाने की अनुमति इंडिया दे सकता है पर अगर इंडिया को लगे कि नहीं नहीं ये तो कोई संदिग्ध व्यक्ति लग रहा है और ये जो है थोड़ा सा कुछ डिस्टर्ब कर सकता है इंडिया की सिक्योरिटी को तो उसको अरेस्ट करवाया जा सकता है उसके ऊपर इंडिया कार्रवाई कर सकता है पर निर्दोष गमन की फिर भी यहाँ पे अनुमति है तो ये बारह नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है ये सीमावर्ती सागर है जहां से निर्दोष गमन की अनुमति है पर उसके अलावा सारी सिक्योरिटी वगैरह इंडिया को मिलती है और सारे राइट इंडिया को मिलते हैं यहां तक अगर तेल के कुएं मिल रहे हैं तो इंडिया तेल

और यहां तक सिर्फ ये जो है एक चीज इसमें लूप हो ले थोड़ा सा एक चीज की कमी है यहाँ पर और वो एक चीज ये है कि यहाँ से निर्दोष गमन की अनुमति है चुपचाप बिना कुछ इंडिया की सिक्योरिटी को चैलेंज किए अगर कोई जा रहा है तो वो अलाउड अलाउ किया जा सकता है उसकी अनुमति इंडिया का ये जो दो नंबर जोन है इसके ऊपर तक की जो वायु वाला भाग है ऊपर तक का जो एयर स्पेस है वहाँ तक भी इंडिया का राइट है जैसे इंडिया की लैंड यहाँ खत्म हो गई तो ऐसा नहीं है कि इंडिया की लैंड के ऊपर ऊपर वाली एयर स्पेस पे ही हमारा अधिकार है हमारा अधिकार यहाँ ये जो बारह नॉटिकल माइल है समुद्र की बारह नॉटिकल मील दूरी तक इंडिया के स्थल के आसपास तक भी ऊपर जो आसमान है उसके ऊपर भी हमारा अधिकार है और उस आसमान वाले क्षेत्र में ये अधिकार है कि कोई जैसे पड़ोसी देश हमारे स्काई रीजन में या फिर ऊपरी भाग में एयर स्पेस में ड्रोन चलाकर और हमारे ऊपर ऐसे नजर रख रहा हो तो वो सब अलाउड नहीं है तो यहाँ तक जो है बारह नॉटिकल माइल के ऊपर वाला जितना भी एयर स्पेस है या वायु वाला जो है क्षेत्र वहां पर भी इंडिया का अधिकार है अब जो है आगे आ जाते हैं तीसरा भाग थर्ड जो, जो जोन है उसको कहा जाता है लिख रहे हैं ना साथ साथ बना रहे हैं आप साथ साथ बनाइए मैं बाद में ज्यादा टाइम नहीं दूंगी साथ साथ बनाइए सीमावर्ती सागर बना लिया उसके बाद आ जाता है संलग्न सागर संलग्न सागर या इसको कहते हैं कॉन्टिग्युअस सी कंटिग्य संलग्न सागर वाला जो क्षेत्र है या कंटिगुअसी वाला जो रीजन है यहाँ पे कोई भी जहाज अगर गुजरता है यहाँ से तो यहाँ से गुजरने वाले जहाज को इंडिया से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है वो गुजर सकता है सिर्फ जहाज जब गुजरता है किसी देश का तो उसको इंडिया को उसके बदले में क्या देना पड़ता है कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है सीमा शुल्क आदि इंडिया यहाँ पे ले सकता है तो संलग्न सागर वाले क्षेत्र में भारत को वित्तीय अधिकार है फाइनेंशियल राइट्स है

अब आगे जाते हैं और ये चौथा क्षेत्र देखते हैं तो ये जो फोर्थ रीजन है इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ई e जेड -E एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अन्य आर्थिक क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है यहाँ पर भारत को केवल आर्थिक अधिकार है वित्तीय अधिकार नहीं आर्थिक अधिकार मतलब यहाँ पे जो संसाधन है यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज है उनको इंडिया ले सकता है बट किसी जहाज के यहाँ से गुजरने पर किसी दूसरे देश के जहाज से यहाँ से जहाज के यहाँ से गुजरने पर गुजर। प्र, को गुण गुण इंडिया कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लेगा कोई सीमा शुल्क वगैरह इंडिया नहीं लेगा यहाँ से कोई भी आ सकता है जा सकता है पर यहाँ जो भी संसाधन है रिसोर्सेज है उन पर इंडिया का ही अधिकार है जैसे मछलियां पकड़ सकते हैं हम यहाँ पे इस एरिया की हम यहाँ से तेल ले सकते हैं गैस ले सकते हैं पेट्रोलियम वगैरह सब यहाँ का ले सकते हैं यहाँ पे कोई भी मूंगा पत्थर वगैरह मिलता है वो हम ले सकते हैं यहाँ पर हम आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना सकते हैं कृत्रिम द्वीप बना सकते हैं ये सारे राइट हमारे पास है पर किसी गुजरने वाले जहाज से हम सीमा शुल्क नहीं ले सकते हम कस्टम ड्यूटी नहीं ले सकते तो इस तरह से जैसे जैसे हम जोन वन से जोन फोर की तरफ आते हैं वैसे वैसे हमारे अधिकारों में थोड़ी 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 कमी होती जाती है लास्ट में ई जेड वाले क्षेत्र में हमारे पास इंडिया के पास केवल आर्थिक अधिकार रहता है और पांचवें जोन में भारत के कोई अधिकार नहीं है कोई भी आए कोई भी रिसोर्सेज मिल रहे हो तो उस पर इंडिया नहीं कब्जा कर सकता या इंडिया उसके ऊपर अधिकार नहीं जमा सकता कुछ देश जो हमारे बहुत नजदीक स्थित हैं जैसे श्रीलंका तो श्रीलंका जैसे नजदीक स्थित देशों के साथ हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो शेयर करते हैं जो नजदीक होंगे देश उन दोनों को आपस में रिसोर्सेज जो है वो बराबर बराबर लेने होंगे या संसाधन जो है वो लेने होंगे इसीलिए अक्सर जब शेयरिंग होती है तो डिस्प्यूट होता है विवाद होता है तो जब हम किसी देश के साथ हमारा ये मरीन मैरी रीजन शेयर करते हैं या समुद्री जो क्षेत्र है वो शेयर करेंगे तो हमारे विवाद होंगे जैसे श्रीलंका के साथ अक्सर हमारे मत्स्य विवाद विवाद होते हैं फिशिंग को लेकर विवाद होते हैं वो कहते हैं, तुमने ज़्यादा मछलियां निकाल ली तुमने ट्रोलर्स का यूज़ कर लिया हमारे मछुआरे कई बार उनके एरिया में चले जाते हैं हम उनके मछुआरे हमारे एरिया में आ जाते हैं तो काफ़ी डिस्प्यूट्स रहते हैं तो ये आपने जोन्स बना लिए होंगे जल्दी से बना लीजिए मैं सिर्फ थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ एक आध मिनट दे रही हूँ आपको जल्दी बनाइए बन चुका होगा आई एम श्योर किस किसी को और कोई देखनी है चीज तो और फाइनल टच दे दीजिए फिर आगे बढ़ते ये वाला कीजिए चलिए बन गया हो गया अब देखिए जो अभी हमने समझा है सिर्फ बोल बोल के समझा समझाया मैंने अब वही चीज हम लिखेंगे तो लिखिए आंतरिक जल सबसे पहला भाग आंतरिक जल इंटरनल वाटर इंटरनल वाटर और आंतरिक जल में लिखिए इंडिया हैज फुल सोवरिटी ओवर इट भारत का संपूर्ण संप्रभुत्व है इस क्षेत्र में भारत का संपूर्ण संप्रभुत्व है। संपूर्ण संप्रभुत्व है ओके okay, लिखा आगे लिखिए हाँ जो राइट्स कोई भी स्टूडेंट जो पूछ रहे हैं कि क्या हमारे पास आंतरिक जल में संसा आंतरिक जल के अंदर संसाधन प्राप्त करने के अधिकार है हाँ है जो चार नंबर क्षेत्र में अधिकार हैं वो आपको ऑटोमेटिकली तीन नंबर क्षेत्र में भी है अगर आप यहाँ से तेल निकाल सकते हो तो तीन नंबर से तो निकाल ही सकते हो है ना अगर आप यहाँ से तेल ले सकते हो तो यहाँ से भी ले सकते हो और यहाँ से भी ले सकते हो तो यहाँ से भी ले सकते हो पर यह है कि यहाँ के जो अधिकार है वो अप्लाई नहीं नहीं होते एक नंबर नंबर जोन जोन के राइट्स आपको चार में नहीं मिलते बट चार नंबर जोन के राइट आपको एक नंबर जोन में मिलेंगे दो नंबर जोन के जो राइट्स हैं वो आपको एक नंबर जोन में मिलेंगे बट दो नंबर जोन के जो राइट्स हैं वो आपको तीन नंबर जोन में नहीं मिलेंगे ये आप समझिए राइट्स का जो है वो पिटारा बाहर जाते जाते कम होता जाता है अंदर वाला जो पार्ट है इंडिया का वन नंबर वाला जो पार्ट है उसमें सारे राइट्स है ऑल राइट्स जितने की भी हमने बात की है ना चार नंबर तक वो सारे अधिकार हैं पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे भी सारे अधिकार हैं सिवाय नंबर वन में जो राइट्स है उसको लेकर ये चीज क्लियर है तो आगे लिखिए सीमावर्ती सागर दूसरा नंबर सीमावर्ती सागर टेरिटोरियल सी टेरिटोरियल सी वेरी गुड साथ में बना लिया तो वेरी गुड अब लिख लो ये सीमावर्ती सागर टेरिटोरियल सी एब्सोल्यूट राइट्स ऑफ इंडिया बट इनोसेंट पास अलाउड एब्सोल्यूट राइट्स ऑफ इंडिया बट इनोसेंट पास अलाउड सीमावर्ती सागर भारत का एकाधिकार परंतु निर्दोष गमन की अनुमति भारत का एकाधिकार परंतु निर्दोष गमन की अनुमति निर्दोष गमन की अनुमति फिर तीसरा नंबर जोन संलग्न क्षेत्र दूसरा नहीं लिखा हो तो लिख लीजिए भारत का एकाधिकार परंतु निर्दोष गमन की अनुमति एब्सुल्यूट राइट ऑफ इंडिया बट इनोसेंट पास अलाउड इनोसेंट पास अलाउड फिर लिखिए संलग्न क्षेत्र कॉन्टिग्वेसी संलग्न क्षेत्र कॉन्टिग्वेसी कॉन्टिग्वेसी उसमें लिखिए फाइनेंशियल राइट्स लाइक चार्जिंग कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा फाइनेंशियल राइट्स लाइक चार्जिंग कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा वित्तीय अधिकार सीमा शुल्क वसूली आदि के वित्तीय अधिकार सीमा शुल्क वसूली आदि के सीमा शुल्क वसूली आदि के फिर है अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन उसमें लिखिए भारत को संसाधन के दोहन या विदोहन लिख सकते हो भारत को संसाधनों के विदोहन नए द्वीपों के निर्माण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के अधिकार भारत को संसाधनों के विदोहन नए द्वीपों के निर्माण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के अधिकार वैज्ञानिक अनुसंधान के अधिकार इंडिया हैज इंडिया हैज राइट्स टू एक्सेस रिसोर्सेस, इंडिया हैज राइट्स टू एक्सेस रिसोर्सेस राइट्स टू एक्सेस रिसोर्सेस बट आर्टिफिशियल आइलैंड बिल्ड आर्टिफिशियल आइलैंड बिल्ड आर्टिफिशियल आइलैंड कंडक्ट साइंटिफिक रिसर्च बिल्ड आर्टिफिशियल आइलैंड्स, कंडक्ट साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट साइंटिफिक रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च फिर उसके बाद लास्ट लिखिए उच्च सागर उच्च सागर हाई सी हाई सी लिखिए सी में लिखिए उच्च सागर में लिखिए उच्च सागर किसी भी राष्ट्र किसी भी राष्ट्र का Uh, किसी भी राष्ट्र के अधिकार क्षेत्र से परे mm. किसी भी राष्ट्र के अधिकार क्षेत्र से परे उच्च सागर में किसी का कोई अधिकार नहीं है किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रीय नहीं राष्ट्र होगा किसी भी राष्ट्र के अधिकार क्षेत्र से परे इंग्लिश में लिखिए हाई सी वाले रीजन में बियॉन्ड एनी नेशनल जुरिस्टिक्शन बियॉन्ड एनी नेशनल जुरिस्टिक्शन बियॉन्ड एनी नेशनल जुरस्टिक्शन क्लियर है अब जो है ये लिख चुके हैं हम बहुत इजीली समझ में आ गया होगा अब जो कई लोगों को डाउट्स हैं कि ये इस साइड भी होगा क्या हाँ इस साइड भी होगा अरेबियन सी में भी होगा इस साइड भी वही सारे ज़ोन्स बनेंगे और कुछ लोगों के डाउट कि ये क्या हमारे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह उसके आसपास भी मिलेगा ये राइट हाँ मिलेगा अंडमान निकोबार के आसपास वाला जो भी एरिया है उसमें भी हमारे ऐसे ही जोन्स हैं फिर क्या ये राइट्स क्या ये अधिकार दूसरे देशों के पास भी ऐसे उनकी कन, आ, कंट्री में भी आसपास सीमा के होते हैं हाँ हर देश के होते हैं श्रीलंका के अपने हैं ये वाले जोन्स म्यांमार के भी ऐसी तरह के जोन्स हैं हर कंट्री जो कि कोस्टल बॉर्डर बनाती है उसके पास इसी तरह के राइट्स हैं किसने तय किए यूएन ने तय किए हैं कि ऐसा ऐसा राइट्स मिलेगा और एक नोटिकल माइल किसके बराबर होता है एक नॉटिकल माइल अगर आपने नहीं लिखा वन नॉटिकल माइल इज इक्वल टू वन पॉइंट एट फाइव टू किलोमीटर तो अगर नहीं लिखा तो ये भी लिख लीजिए और इसका भी नाम लिख लीजिए इसको इंग्लिश में ही लिख लीजिए खास तौर पे इसको शॉर्ट फॉर्म इसका ये यूज होता है यून क्लोस रवि अंडमान निकोबार किसी इन जो में नहीं आता अंडमान निकोबार उसके भी आगे तो अंडमान निकोबार की जहां बाउंड्री बनती है उसके आसपास वाले एरिया में भी यही चार जोन्स जो है वो बने हुए तो वन नॉटिकल माइल इज इक्वल टू वन पॉइंट एट फाइव टू किलोमीटर वन पॉइंट एट फाइव टू किलोमीटर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी 1982 में जो हुआ था उस पर उसके बेसिस पे डिसाइड होता है हिंदी में अगर लिखना चाह रहे हैं यूएन क्लॉज के बारे में तो लिख लीजिए संयुक्त राष्ट्र का संयुक्त राष्ट्र का समुद्री कानूनों से संबंधित सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र का समुद्री कानूनों से संबंधित समुद्री कानूनों से संबंधित सम्मेलन 1982 1982 लिख लिया उन्नीस अब जो है आगे बढ़ते हैं अब देखिए ये आप कर चुके हैं अब भारत के कुछ बेसिक फैक्चुअल चीजें इंडिया का उच्चतम बिंदु कौन सा है हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है इंडिया का लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है तो अब इंडिया का हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट अगर हम देखें तो हाईएस्ट पॉइंट भारत का देखने को मिलता है ऊपर उत्तर भारत में हालांकि ये पीओके में है बट पीओके का पार्ट भी इंडिया का ही पार्ट माना जाता है तो इसीलिए यहाँ इंडिया में है काराकुरम श्रेणी में केटू अभी हम पर्वत करेंगे नेक्स्ट क्लास में या अगली बार तो पर्वत में वो आ जाएगा कि केटू है कहां पर फिलहाल सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि भारत भारत का उच्चतम बिंदु है गॉडविन ऑस्टिन कई किताबों में कंचनजंगा को भारत की सबसे ऊंची चोटी बताया जाता है वो इसलिए क्योंकि कंचनजंगा अनडिस्प्यूटेड रीजन में है अविवादित क्षेत्र में और केटू विवादित क्षेत्र में है पीओ के अंदर है अभी ये जो है केटू वाला पार्ट इसलिए कई जगह किताबों में केटू का नाम नहीं लिखा जाता कंचनजंगा लिख दिया जाता है पर हम तो मानते हैं पीओके वाले हिस्से को भारत का ही पार्ट माना जाता है गवर्नमेंट मानती है आज तक हमारा जो इंडिया का मैप बनता है मैप में हम पीको हमओके वाले पार्ट को भी तो दर्शाते हैं तो दैट इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया तो इंडिया का पार्ट मानेंगे तो के जो है वो सबसे ऊंची चोटी या सबसे ऊंचा भाग है भारत का सबसे निम्नतम बिंदु केरल में मिलता है केरल में जो निम्नतम बिंदु मिलता है उसका नाम है कुट्टनाड नामक स्थान कुट्टनाड नामक स्थान इसका नाम याद रखना है और ये कुट्टनाड नामक स्थान जो है ये सी लेवल से माइनस टू मीटर नीचा है माइनस दो मीटर कुटनाट क्षेत्र सी लेवल से समुद्र तल से माइनस दो मीटर और इसकी हाइट क्या है के टू की के टू की हाइट है एट सिक्स वन वन मीटर तो ये तो समुद्र तल से ऊपर है इसलिए ये तो पॉजिटिव में प्लस में नंबर है और ये जो है समुद्र तल से नीचा है तो इसमें माइनस लगा दिया माइनस दो मीटर तो अब आपको ये सीधा इनके नाम लिखने हैं तो आप लिखिए ये जिले विले नहीं लिखने हाँ सीधा लिखिए भारत का उच्चतम बिंदु K2 टू गॉडविन है उसकी हाइट भी लिख लीजिए भारत का उच्चतम बिंदु के टू गॉडविन इंडियाज हाइएस्ट पॉइंट इज इंडियाज हाइएस्ट पॉइंट इज K2 टू गॉडविन के टू गॉडविन और फिर लिखिए भारत का निम्नतम बिंदु केरल में स्थित कुट्टनाड नामक क्षेत्र है भारत का निम्नतम बिंदु केरल में स्थित कुट्टनाड नामक स्थान है कुट्टनाड नामक स्थान बिलो सी लेवल है माइनस टू मीटर है और यहाँ पर चावल की खेती भी की जाती है तो अगर कहीं प्री में पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ समुद्र तल से नीचे चावल की खेती होती है तो वर्ल्ड में एकमात्र यही क्षेत्र है जहाँ समुद्र तल से नीचे चावल की खेती होती है तो लोवेस्ट पॉइंट इन इंडिया इज कुट्टनाड इन केरल कुट्टनाड इन केरल भारत का निम्नतम बिंदु केरल में स्थित कुट्टनाड नामक स्थान है ये क्लियर है लिख लिया तो ये सीधे याद करने फैक्चुअल चीजें ब्रैकेट में इनकी ये जो इसकी तो गहराई लिख ली होगी माइनस टू मीटर इसकी ऊंचाई लिख ली होगी एट सिक्सटी वन एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड वन वन किलोमीटर इलेवन किलोमीटर किलोमीटर नहीं सॉरी मीटर अच्छा हाइट और गहराई जनरली मीटर में बताई जाती है मीटर और लंबाई दूरी जो है डिस्टेंस वो बताया जाता है किलोमीटर में तो कभी भी हाइट कभी एग्जाम में लिखते समय मीटर ही लिखना है किलोमीटर मत लिख देना गलती से चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब बात करेंगे पाक उससे पहले हम एक चीज जो है वो देख लेते हैं पाक स्ट्रेट से पहले पहले आपको पता तो होना चाहिए संधि क्या होती है तो संधि को कौन बोल रहा है किस पे ऑनलाइन यूट्यूब पे या अब अच्छा देखो जो लोग भी लाइव देख रहे हैं हाँ अच्छा हाँ देखो जो लाइव देख रहे हैं हम पढ़ा रहे हैं तो चैप्टर तो वही रहेगा भारत तो भारत ही रहेगा चाहे लाइव पढ़ाओ चाहे रिकॉर्डेड पढ़ाओ अब देखो मैं लाइव पढ़ा रही हूँ और चाहो तो मेरे को स्टूडियो में आके देख सकते हो और जो लोग जानते हैं इस एरिया के आसपास रहते हैं मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है देख लेना और अपने टावर तो जानते ही हैं भाई नए नए टावर जो हैं जो परिचित नहीं है यहाँ बोर्ड में समय लिखा होता है आपको जब भी शक हो कि नहीं ये टीचर तो लाइव नहीं है तो आप ना यहाँ समय चेक कर लिया करो ठीक है आपकी घड़ी में अभी यही समय होगा यहाँ पर डेट भी, भी लिखवा दो रे है ना डेट भी लिखवा दो और कहो तो कुछ है ना और भी कुछ एंगल से आपको समझाएं अच्छा ये बताइए लाइव क्लास जो होती है लाइव क्लास कभी फॉरवर्ड नहीं होती आप इसको पीछे कर सकते हो क्लास को आप आगे खींच के दिखाओ उसको जो भी आपका वो है ना प्ले कर रखा है आपने उसको आगे करके दिखाओ क्योंकि मैंने आगे वाला बोला ही नहीं अभी तक पढ़ाया ही नहीं मेरी लाइफ में वो समय आया ही नहीं है आपकी लाइफ में आ गया वो तो अलग बात है तो हम लोग लाइव हैं और कमेंट वगैरह देख रहे हैं पर वो जो है अभी क्योंकि ये वाला लाइव सेशन सब जगह जा रहा है यूट्यूब पे भी जा रहा है और पता नहीं और कौन 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 से ऐप में जा रहा है जब आप लोग प्रॉपर एडमिशन ले लेंगे आप ऐप का पार्ट बन जाएंगे आपको पी भी मिल जाएगा जब आप ऐप का पार्ट बन जाएंगे जो स्टूडेंट्स अभी हमारे से जुड़े नहीं है तो आपके जो कमेंट्स हैं वो भी मुझे दिखने लगेंगे मैं आपके कमेंट्स का आंसर भी देने लगूंगी अभी पचास जगह कमेंट्स आ रहे हैं तो अभी जो मुझे कमेंट्स दिख रहे हैं वो हमारे ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स है, उनके कमेंट मुझे दिख रहे हैं और जिन लोगों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया उनके कमेंट मुझे, नहीं दिख, भी जाएंगे, मुझे आपके कमेंट नहीं दिख रहे हैं तो वो जो है ये सारी क्लास लाइव चल रही ओके और कोई सबूत मेरी घड़ी में भी समय देख लो और कुछ बताओ हाँ अरे मेरे पास मोबाइल रुको रुको मोबाइल में डेट समय बताती हूँ हाँ न्यूज पेपर भी दिखा सकते देख क्या आया है न्यूज पेपर में आज न्यूज पेपर दिखाओ देखो ये कैसे दिखेगा समय इसमें डेट दिखेगी तो देखो ये डेट देख लो भाइयों पच्चीस अगस्त दस बावन पच्चीस अगस्त ठीक है यही समय हो रहा है अब तो विश्वास कर लो मतलब हमें क्या मजे आएंगे देखो रिकॉर्डेड भी करना हो तो हमें काम तो हमें करना है ना चाहे रिकॉर्डेड में करो चाहे लाइव में करो हमें पढ़ाना तो है ही तो हमें कोई मजे आएंगे क्या क्या, क्या आपको रिकॉर्डेड दें कि नहीं इनको धोखा देंगे इनको चकमा देंगे हम और इनको रिकॉर्डेड दे देंगे ऐसा होता है क्या कभी तो देखो ऐसा कुछ नहीं है और हम लाइव ही हैं और लाइव ही आपको सुन रहे हैं और सुन रहे हैं क्या आप मुझे सुन रहे हैं मैं आपको नहीं सुन रही चलिए तो अभी भी शक है क्या कि किसी को हाँ क्या कर रहे थे मैं शक के चक्कर में भूली गई हम जल संधि कर रहे थे अब देखो जल संधि हम पाक जल संधि पढ़े उससे पहले जल होती क्या है उसको थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे भी एक दो जल संधियों के स्ट्रेट्स के नाम आएंगे तो वो हमें पता होने चाहिए स्ट्रेट्स होती क्या है तो स्ट्रेट या जल संधि आज के न्यूज़पेपर भी ला देना मैं दिखा दूंगी इनको देख जलसंधि आ, दूसरा जो है जल संधि का बिल्कुल अपोजिट होता है विपरीत होता है इस्थमस स्ट्रेट का ऑपोजिट होता है इस्थमस या स्थल स्थलडमु तो जलसंधि क्या होती है तो देखिए कोई दो स्थलीय भाग लैंड रीजन ये स्थलीय भाग और दूसरी तरफ यहां पे स्थलीय भाग इन दो स्थलीय भागों के बीच में जो छोटी सी जलराशि है वाटर बॉडी है इसको जलसंधि कहते हैं और ये जो जलसंधि है स्ट्रेट ये जलीय भागों को दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज को दो बड़े सागरों को जोड़ती है तो स्ट्रेट का जो काम होता है जल संधि का काम वो ये करती है कि, कि दो लैंड रीजन जो होते हैं दो स्थलीय भाग उनको तो ये अलग करती है और दो बड़े जो जलीय भाग होते हैं उनको ये जोड़ती है तो ये जो सकड़ी सी पट्टी है जल की इसको जल संधि कहते हैं जो दो जलीय भागों में संधि करवा रही है तो स्ट्रेट इज जस्ट ऑफ वाटर और नैरो एरिया ऑफ वाटर विच कनेक्ट्स टू लार्जर वाटर बॉडीज और अलग करता है ये दो स्थलीय भागों को इस्तेमस इसका बिल्कुल उल्टा होता है इस्तेमस में स्थल डमरू में दो बड़े स्थलीय भाग होते हैं और उन दो बड़े स्थलीय भागों को एक सकड़ी सी स्थलीय पट्टी जोड़ती है एक नैरोसी जो लैंड आ, का एक स्ट्रिप है वो कनेक्ट करता है तो ये लैंड है स्थल और ये भी लैंड है लैंड स्थल तो दो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ने वाला ये वाला जो स्थलीय पट्टी है लैंड का एक स्ट्रिप है इसको कहते हैं इस्थमस या स्थल दम, स्थल डमरू इसको स्थल डमरू का हो या स्थल संधि का हो एक ही बात है स्थल मध्य भी कहा जाता है या इस्थमस तो इंग्लिश में कहते हैं और ये इस्थमस जो है ये जनरली अलग करता है या सेपरेट करता है दो वाटर बॉडीज को इधर कुछ पानी है और इधर कुछ पानी है तो इन दोनों जलराशियों को इन दोनों वा, वाटर बॉडीज को ये जुड़ने नहीं दे रहा इन दोनों को कनेक्ट नहीं होने दे रहा बीच में लैंड लैंड आ गई है इसलिए दो वाटर बॉडीज अलग हो गई तो स्थल डमरू दो जलराशियों को अलग करता है Fields, और दो स्थल भागों को जोड़ता है जबकि जल संधि जो है ये दो जल भागों को जोड़ती है और दो स्थलीय भागों को अलग करती है ये क्लियर है सबको क्या होता है अब आप, आप इसको ड्रॉ कर लीजिए फिर हम पाक जल संधि को समझेंगे और उसके बारे में लिखेंगे इतना ड्रॉ कीजिए ड्रॉ जल्दी ड्रॉ कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ समझ में आ गया सब सबको डन, काफी लोगों ने कर लिया है जिनका नहीं हुआ जल्दी से लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं आशा आप एक बजे का इंतजार नहीं कर सकती आशा हम एक बजे भी मिलेंगे आप एक बजे भी मुझे बात कर सकते हो मेरे से एक बजे भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो क्या हम एक बजे बात कर ले आशा ठीक है चलिए लिख लिया आपने बना लिया चलिए आप ये बना चुके होंगे स्ट्रेट अब जो है पाक जल संधि को समझते हैं अब इंडिया की जो पाक स्ट्रेट है श्रीलंका और भारत के बीच में है ये यह जो यहाँ पर आपको छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं पहले तो उनको देखिए ये आपको जो छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं यहाँ पर ये यह वाले ये ये बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों की एक श्रृंखला है जो श्रीलंका और भारत के बीच में है और ये जो छोटे छोटे आइलैंड है इनको कहा जाता है आदम सेतु एडम्स ब्रिज तो ये आदम सेतु है एडम्स ब्रिज तो सेतु आदम सेतु छोटे छोटे द्वीपों की एक श्रृंखला है श्रीलंका और भारत के बीच में इन्हीं द्वीपों में पंबन द्वीप है इन्हीं द्वीपों में रामेश्वरम है तो ये सारे जो आइलैंड्स हैं ये एडम ब्रिज का पार्ट है आदम सेतु का एडम्स ब्रिज के उत्तर में है पाक की खाड़ी एक वॉटर बॉडी है जलराशि पाक की खाड़ी बे पाक बे ठीक है यहाँ पे एक पाक बे है पाक की खाड़ी और इस आदम सेतु के दक्षिण में साउथ में है मन्नार की खाड़ी गल्फ ऑफ मन्नार तो यहाँ दो खाड़ियां है ऊपर की तरफ पाक की खाड़ी नीचे की तरफ मन्नार की खाड़ी इन दोनों के बीच में है आदम सेतु एडम्स ब्रिज छोटे छोटे आईलैंड और यहाँ पर जहां ये पाक की खाड़ी खत्म होती है तो पाक की खाड़ी के ठीक उत्तर में यहाँ एक सकड़ी सी जलराशि है जो पाक की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ रही है और ये जो नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर है जो पाक बे को बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट करता है इस नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर को कहते हैं स्ट्रेट इसको कहते हैं जलसंधि तो यहाँ जो जलसंधि है वो है पाक जल संधि ये पाक जलसंधि पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है और अलग किसको करती है भारत और श्रीलंका को अलग करती है तो बस ये कॉन्सेप्ट जो है ये ड्रॉ करने से ही आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और अगर एग्जाम में पूछा जाए पाक की खाड़ी किसको जोड़ती है तो पाक खाड़ी पाक की खाड़ी क्या पाक जलसंधि किसको जोड़ती है तो पाक की खाड़ी को और बंगाल की खाड़ी को अलग किसको करती है भारत और श्रीलंका को आदम सेतु के उत्तर में स्थित है पाक की खाड़ी और दक्षिण में स्थित है मन्नार की खाड़ी तो ये ऐसे कैसे डायग्राम बनाइए ये आपके दिमाग में छप जाएगा आपको शब्दों से ज्यादा डायग्राम पे बिलीव करते करना चाहिए शब्द से ज्यादा डायग्राम याद होते हैं सो so, ये ड्रॉ कीजिए डायग्राम फिर आगे हम लिखेंगे भी इसके बारे में बनाया हो गया बन गया हाँ ये बना लीजिए अच्छे से बना लीजिए ये आपको याद हो जाएंगी चीजें अच्छा मुझे आपको उसमें भी दिखाने थी मैं बताती हूँ मैप निकाल के तब तक आप जल्दी बनाओ ये मैप निकाल के भी बताती हूँ आपको जिनके पास एटलस है वो एटलस में अगर देखेंगे ये वाला मैप जिसमें तमिलनाडु कर्नाटक केरल पुडुचेरी वाला दिखा रखा है ये वाला मैप जो 23 नंबर पेज पे है और स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में ये जो इंडिया का मैप आता है उसके बाद ये राज्यों के मैप दे रखे हैं अलग अलग ये नॉर्मल इंडिया का मैप है उसके आगे स्टेट्स के मैप है बहुत सारे राज्यों के मैप है उसके थोड़ा आगे जाओगे तो आपको यहाँ पे तमिलनाडु वाला मैप मिलेगा इसमें आप देखो दक्षिण में ये सारी चीजें एज इट इज ड्रॉ की हुई है सिर्फ पाक जल संधि का हाँ पाक जल संधि का नाम भी लिखा हुआ है सिर्फ हाँ बंगाल की खाड़ी का नाम भी लिखा सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे इसमें भी आप देख सकते हो ठीक है जिनको कंफ्यूजन है वो इसमें भी देख ले और रामेश्वरम और पंबन चैनल और ये सारी चीज जो है ये आप यहां पर भी देख सकते हो और इनको देखना देखने से चीजें ज्यादा क्लियर होती है आसपास क्या क्या चीजें हैं वो देखिएगा और इसको अभी फिलहाल ड्रॉ कर लीजिए चलिए किया ड्रॉ आदम सेतु पाक की खाड़ी मन्नार की खाड़ी इतना कर चुके होंगे सब काफी टाइम दिया मैंने डन हो गया है काफी लोगों का ओके okay, गुड अब जो है ये आप कर चुके हैं तो अब ये लिखिए सीधा पाक जलसंधि पाक की खाड़ी बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है भारत और श्रीलंका को अलग करती है या उन दोनों के बीच में स्थित है और इसमें स्ट्रेट में इंग्लिश में भी ये लिखना है तो डाल डालिए हेडिंग और लिखिए पाक जल संधि पाक स्ट्रेट पाक स्ट्रेट इट कनेक्ट्स पाक बे एंड बे ऑफ बंगाल इट कनेक्ट्स पार्क बे एंड बे ऑफ बेंगाल पार्क बे एंड बे ऑफ बेंगाल यह पाक की खाड़ी देखो पाक में एल लिखा हुआ है पी ए एल के बट ये एल साइलेंट है तो इसीलिए इसको वैसे पाक बोला जाना चाहिए बट अगर पाल्क लिखा है तो वो भी गलत नहीं है क्योंकि हिंदी में ट्रांसलेशन ऐसे कर देते हैं देव देवनागरी में तो पाल्क लिखा हो अरे क्या हो रहा है पालक hmm. लिखाओ या पाक लिखाओ वो आप उससे कंफ्यूज नहीं होंगे ठीक है इट कनेक्ट्स पाक बे एंड बे ऑफ बंगाल इट इज लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका यह पाक की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है पाक की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इंडिया एंड श्रीलंका तो लिख लिया होगा तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ऑलमोस्ट हो गया है सिर्फ एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स और बसते हैं वो हम करेंगे और कल हम नया जो सेकंड चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे प्रॉपर जो हमें पर्वत वगैरह देखने हैं वो करेंगे आज बेसिक इंट्रोडक्शन था इंडिया का जो हमारा कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट तो बाकी कल करते हैं हम चीजें डिस्कस ओके थैंक यू सो मच सो नोट है। है। गोलार्ध में है, भारत और है फिर हमने एरिया वाइज दो पॉइंट चार परसेंट है वर्ल्ड के क्षेत्रफल का एरिया का पॉपुलेशन 121 करोड़ है और 17 प्रतिशत प्र... विश्व की 17.5 प्रतिशत जनसंख्या भारत में दूसरे स्थान पर है जनसंख्या की दृष्टि से अट्ठाईस राज्य हैं एट शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज हैं, ये सब हम देख चुके हैं सबसे बड़ा राज्य देख चुके हैं सबसे छोटा राज्य यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा और छोटा ये सब फैक्चुअल चीजें हैं ये भी हमने देखा कल कि सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है मेन लैंड का मुख्य भूभाग का सबसे दक्षिणतम बिंदु सदर मोस्ट पॉइंट कौन सा है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट में जब आप देशांतर बताते हो तो ईस्ट का ई ही लगेगा चाहे वो पश्चिमी भाग हो तो भी ईस्ट का ई लगेगा और इधर किबिथु गांव और ये सब हमने कल नोट डाउन किया था ये आपको एज इट इज लर्न करना है फिर हमने ये भी थोड़ा देखा कि उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार जो है वो ज्यादा है पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कम है जबकि दोनों का लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल अगर डिग्री वाइज देखें एक्सपेंशन या विस्तार तो दोनों तीस डिग्री का है फिर ये पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कम क्यों है क्योंकि देशांतरों के बीच की दूरी कम हो जाती है ध्रुवों की ओर जाने पर क्योंकि लॉन्गिट्यूड जो होते हैं उनकी लाइन्स के बीच में डिफरेंस या डिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाते हैं इसलिए ईस्ट वेस्ट का जो डिस्टेंस इंडिया का ये थोड़ा कम है अब आगे देखें अगर तो ये कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से राज्यों से गुजरती है ये हम देख चुके हैं राजस्थान गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा और मिजोरम फिर हमने ये भी देखा कि इंडिया ट्रॉपिकल जोन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और उपोष्ण या फिर शीत शीतोष्ण कटिबंधीय कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में बैठा होता है सब ट्रॉपिकल एंड वार्म वार्मेम्परेट जोन में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसे डिवाइड करती है कर्क रेखा सबसे नजदीक राजधानी है रांची सबसे नज़दीक शहर जो है वो उदयपुर है त्रिपुरा का और उदयपुर शहर जो है रांची से भी ज्यादा नज़दीक है और फिर हमने एटी टू एंड हाफ डिग्री का देखा साढ़े बयासी डिग्री का ये यूपी एमपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से गुजरती है तेलंगाना से नहीं गुजरती ना ही तमिलनाडु से गुजरती है ये आपको याद रखना है फिर जी में हम देख चुके है। पांच हैं साढ़े पाँच घंटे आगे है इंडिया का टाइम जीएमटी से और ये कर्क रेखा और उसके साथ साथ साढ़े बयासी डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन एटी टू एंड हाफ डिग्री दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ मिलते हैं ये मिलते हैं कोरिया जिले में छत्तीसगढ़ के फिर उसके बाद अगर देखें हमने भारत की सीमा बाउंड्री या बॉर्डर जो है उसको डिस्कस किया एक तो लैंड बॉर्डर है एक कोस्टल बॉर्डर है लैंड बॉर्डर इंडिया का राउंड फिगर में जो आपको याद रखना है पंद्रह हजार दो सौ किलोमीटर है और तटीय सीमा जो है सात हजार पाँच सौ सोलह पॉइंट छ किलोमीटर और उसमें से मेन लैंड जो है मुख्य भूभाग मुख्य भूभाग की तटीय सीमा लगभग राउंड फिगर में इसठ सौ किलोमीटर है और द्वीपों की टू थाउजेंड नाइन्टी फोर किलोमीटर आइलैंड की अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जिसमें सम्मिलित है फिर हम ये देख चुके हैं कि कौन कौन सी बॉर्डर को किस किस नाम से बुलाया जाता है ये है रेड क्लिफ रेखा और ये जो है ये है यहां पर अः ये मैकमोहन लाइन उसके अलावा मैकमोहन क्या दूरंद रेखा, दूरंद रेखा के अलावा ये वाली जो है ये है मैकमोहन चाइना के साथ जो है और बांग्लादेश के साथ जो है वो भी रेड ग्लिफ रेखा ही कहलाती है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ वाली जो है वो रेड ग्लिफ रेखा कहलाती है और ये अफगानिस्तान के साथ जो थोड़ी सी बनी हुई दूरन रेखा है दूरन रेखा का क्वेश्चन पहले आया हुआ शायद और इसमें जो कोस्ट लैंड बॉर्डर है स्थलीय सीमा बांग्लादेश सबसे ज्यादा बनाता है अफगानिस्तान सबसे कम बनाता है कोस्टल बॉर्डर हमने देखा सबसे लंबी जो तटरेखा है वो अंडमान निकोबार की है और केवल लैंड में पूछा जाए मुख्य भूभाग में तो गुजरात नंबर वन पे सबसे कम तटरेखा जो है वो यहाँ पर दमन और दीव जो है वो बनाते हैं फिर हमने कल ये जोन समझे थे जोन्स में अगर देखें आंतरिक जल में भारत के पूरे अधिकार हैं इंटरनल वाटर्स में फिर उसके बाद सीमावर्ती सागर में भारत को सभी अधिकार हैं सिर्फ निर्दोष गमन की अनुमति होती है इनोसेंट पास अलाउड होता है और यहीं तक इंडिया का एयर स्पेस जो है वो खत्म हो जाता है ट्वेल्व नॉटिकल माइल तक वा, वायु के अंदर भी भारत के अधिकार है तीसरा जो जोन है वो है संलग्न सागर कंटिन्यूअस चौबीस नॉटिकल माइल तक है यहाँ पर भारत को वित्तीय अधिकार है फाइनेंशियल राइट right. फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आ जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र यहाँ पर भारत को कृत्रिम द्वीप बनाने का अनुसंधान करने का साइंटिफिक रिसर्च करने का और उसके साथ साथ संसाधनों के दोहन का अधिकार है रिसोर्सेज वगैरह ले सकता है इंडिया और आगे वाला जितना भी सागर है वो खुला है वो उसे उच्च सागर कहते हैं हाई सी कहा जाता है फिर उसके बाद देखें अगर भारत का उच्चतम बिंदु हाईएस्ट पॉइंट के टू है जबकि लोवेस्ट पॉइंट इंडिया का जो है वो कुट्टनाड है जो कि केरल में है फिर कल पाक जल संधि हमने देखा था पाक स्ट्रेट जो है ये पाक की खाड़ी और आगे की तरफ बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है और पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच आदम सेतु है एडम्स ब्रिज सो तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं आज हमें भारतीय उपमहाद्वीप देखना है तो इसकी भारतीय उपमहाद्वीप की हेडिंग डालें इंडियन सब कॉन्टिनेंट हेडिंग डालें इंडियन सब कॉन्टिनेंट भारतीय उपमहाद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं या किसी भी जगह सब कॉन्टिनेंट किसको कहा जाता है किसी भी महाद्वीप में तो ये जो एशिया कॉन्टिनेंट है इस एशिया महाद्वीप में भारत और उसके आसपास के जो देश हैं इनकी एक अलग ही पहचान है ये अलग थलग से अपनी अलग ही पहचान रखते हैं ये वाला पूरा एरिया और इसीलिए इसको पूरे भाग को इसको कहा जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट तो ऐसा नहीं है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में केवल इंडिया आता है इंडिया के साथ साथ आसपास के देश भी आते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भारतीय उपमहाद्वीप में तो कोई भी एरिया को उपमहाद्वीप कैसे कहा जाता है तो किसी महाद्वीप का ऐसा भाग जो पृथक रूप से भौगोलिक दृष्टि से बिल्कुल पृथक हो उसे कहा जाता है उपमहाद्वीप किसी भी कॉन्टिनेंट का ऐसा पार्ट जो ज्योग्राफिकली बिल्कुल सेपरेटेड हो बाकी के कॉन्टिनेंट से उसे सब कॉन्टिनेंट कह है सकते हैं इंडिया और उसके आसपास वाले कंट्रीज कैसे सेपरेटेड है तो अगर आप देखें ये जो है इंडिया इंडिया के ऊपर की तरफ आपको यहाँ ये माउंटेन्स दिख रहे होंगे पर्वत तो भारत के उत्तर पश्चिम की तरफ वेस्ट की तरफ नॉर्थ की तरफ और ईस्ट की तरफ माउंटेन्स ही माउंटेन्स है इसीलिए इन माउंटेन्स की वजह से पर्वतों के कारण भारत एशिया के बाकी एरिया से बाकी क्षेत्र से अलग हो जाता है और दक्षिण में अगर देखें साउथ में तो दक्षिण में भारत के सागर है महासागर है इंडियन ओशन वाला रीजन है हिंद महासागर वाला क्षेत्र और उसकी वजह से भारत बाकी के एशिया के पार्ट से और बाकी के कॉन्टिनेंट से अलग हो जाता है तो चाहे ऊपर से देखें नीचे से देखें उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम चारों तरफ से इंडिया जो है वो इंडिया और उसके आसपास वाले देश बाकी एशिया के हिस्से से अलग नजर आते हैं अब ये जो पर्वत है जो एशिया से अलग करते हैं भारत को वो कौन कौन से पर्वत है यहाँ पर अगर देखें तो पाकिस्तान में है पर्वत जिसका नाम है सुलेमान पर्वत सुलेमान माउंटेन सुलेमान सुलेमान पर्वत यहां पर अगर देखा जाए तो यह है अफगानिस्तान में हिंदकुश हिंदकुश, कुश अफगानिस्तान में हिंदकुश। कुश भारत में है हिमालय पर्वत भारत नेपाल भूटान वाले पार्ट में हिमालय पर्वत उसके आगे यहां ये जो म्यांमार है म्यांमार में जो पर्वत है ये वाला पूरा इसका नाम है अराकन्योमा यहां पर जो है पूर्वांचल के पूर्वांचल है यहाँ उत्तर पूर्वी राज्य जो है भारत के वहां पे पहाड़ियां हैं उनको पूर्वांचल कहते हैं, पूर्वांचल So, ये जो है चारों तरफ अगर देखें इंडिया के ऊपरी भाग में चारों तरफ आपको पहाड़ियां या पर्वत दिखेंगे और दक्षिणी भाग में अगर देखेंगे यहां पे अरब सागर है अरेबियन सी अरब सागर यहां पर बंगाल की खाड़ी बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल और ये बे ऑफ बंगाल अरब सागर और बंगाल की खाड़ी ये सब किसका पार्ट है इंडियन ओशन का पार्ट है ये हिंद महासागर है पूरा नीचे की तरफ भारत के तो इसीलिए इंडिया का ये हिस्सा बिल्कुल अलग है ज्योग्राफिकली भौगोलिक दृष्टि से इसीलिए इसको इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहते हैं इसमें केवल इंडिया नहीं आता इसमें बहुत सारी दूसरी कंट्रीज आती है जैसे कि आप नाम देखिए देशों के भारत तो आ ही रहा है इंडिया इंडिया के अलावा यहाँ बगल में पाकिस्तान है पाकिस्तान आ रहा है इसमें पाकिस्तान के साथ साथ यहां पर ये नेपाल आ रहा है इसी सेक्शन में नेपाल के अलावा भूटान इसी सेक्शन में यहां पर बांग्लादेश जो है इसी सेक्शन में बांग्लादेश नहीं इसलिए यहां से लिख रही हूं वरना बांग्लादेश बस यही है बांग्लादेश सो मेनली तो ये कंट्रीज है पर उसके साथ साथ श्रीलंका को भी इसमें जोड़ दिया जाता है और हमारा पड़ोसी देश जो है मालदीव उसको भी इसमें जोड़ दिया जाता है तो टोटल सेवन जो कंट्रीज हैं वो हैं इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन ये सात देश जो हैं इसमें सम्मिलित हैं। हालांकि एनसीईआरटी में केवल ये जो मेन स्थलीय भाग में पांच देश हैं वही लिख रखे हैं पर ये श्रीलंका और मालदीव भी इसमें आते हैं एनसीईआरटी में तो नहीं लिखे हुए बट श्रीलंका और मालदीव भी इसमें आते हैं अब कुछ लोगों को लगता होगा क्या ये म्यांमार इसमें आएगा म्यांमार इसमें नहीं आएगा क्योंकि म्यांमार का जो है बिल्कुल पश्चिमी भाग पर तट के पास ही ये पर्वत है अराकनयोमा तो म्यांमार का बाकी हिस्सा अराकनयोमा के पीछे रह जाता है तो म्यांमार का तो बहुत बड़ा हिस्सा इसके अराकन्योमा माउंटेन के पीछे रह गया है तो हम तो केवल कहाँ तक गिन रहे हैं अराकनयोमा पर्वत तक दिख रहे हैं हम तो केवल यहीं तक देख रहे हैं ना यहाँ तक तो म्यांमार का बहुत ही छोटा सा हिस्सा आता है ज्यादा बड़ा पार्ट आता नहीं तो हम तो बाउंड्री इसकी सब की यहाँ देख रहे हैं ये देखिए यहाँ देख रहे हैं इतने इतने पार्ट में तो केवल यही कंट्रीज आ रही हैं इसीलिए म्यांमार को इसमें सब कॉन्टिनेंट की संख्या में नहीं जोड़ा जाता अफगानिस्तान को भी प्रॉपर नहीं जोड़ा जाता कई जगह अफगानिस्तान लिखा हुआ होता है होता है कई जगह बट फिर भी उसको इंक्लूड नहीं कर सकते प्रॉपरली ज्यादा क्योंकि हिंद कुश पर्वत के पीछे की तरफ काफी बड़ा हिस्सा रह जाता है इसका अफगानिस्तान का इसीलिए कुल मिलाकर ये सेवन कॉन्टिनें जो हैं यही में में है यही मेनली इसमें इंक्लूडेड है पूरा जो इंडियन प्लेट वाला हिस्सा है या इंडिया जिस लैंडमार्क के ऊपर है जिस स्थलीय भाग के ऊपर उसके सारे कॉन्टिनें उसमें इंक्लूड किए जाते हैं कॉन्टिनेंट्स uh, के देश उसमें इंक्लूड किए जाते हैं इंक्लूडिंग मालदीव एंड श्रीलंका सो ये सेवन कॉन्टिनेंट आपको याद रखने हैं प्री में अगर आ जाए कि सब कॉन्टिनेंट या उपमहाद्वीप के कौन कौन से भाग हैं या कौन कौन से देश सम्मिलित हैं इन केस एनसीआर के बेस पे बन जाए पेपर और आपको ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा उपमहाद्वीप का भाग नहीं है और उसमें मान लो भारत बांग्लादेश पाकिस्तान और फिर श्रीलंका दे दे तो ऐसी स्थिति में फिर आपको अपनी समझ को अप्लाई करते हुए श्रीलंका को हटाना पड़ेगा वैसे श्रीलंका है इसके अंदर इस लिस्ट में सेवन कॉन्टिनेंट सेवन जो है ये कंट्रीज uh, इसमें श्रीलंका इंक्लूड होता है पर इनकेस आपको कोई क्वेश्चन ही ऐसा उलझाने के लिए दे दे क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आरपीएससी में क्वेश्चन आ जाते हैं बाद में उन उनपे फिर विवाद होता है और वो सब स्थिति होती है पर उस समय जिस तरह से क्वेश्चन आए उस तरह से आपको स्मार्टली डील करना है वैसे ये सेवन कंट्रीज जो हैं इसमें इंक्लूडेड हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर ठीक है अब जो है इसके बारे में हम लिखेंगे और अब यही बेसिक चीजें जो है इनको शॉर्ट में लिख लेते हैं इसमें लिखिए भारतीय उपमहाद्वीप में लिखिए पहले उपमहाद्वीप क्या होता है वो शॉर्ट में लिख लेते हैं किसी भी महाद्वीप का ऐसा भाग किसी भी महाद्वीप का ऐसा भाग जो अपनी पृथक पहचान रखता हो किसी भी महाद्वीप का ऐसा भाग जो अपनी पृथक पहचान रखता हो उसे उपमहाद्वीप कहते हैं किसी भी महाद्वीप का ऐसा भाग जो अपनी पृथक पहचान रखता हो उसे उपमहाद्वीप कहते हैं सच पार्ट ऑफ एनी कॉन्टिनेंट सच पार्ट ऑफ एनी कॉन्टिनेंट विच सच पार्ट ऑफ एनी कॉन्टिनेंट विच मेंटेन्स इट्स सेपरेट आइडेंटिटी which इट्स सेपरेट separate identity identity कॉल्ड called subcontinent is कॉल्ड subcontinent किसी भी महाद्वीप का ऐसा भाग जो अपनी पृथक पहचान रखता हो उसे उप महाद्वीप कहते हैं उप महाद्वीप कहते हैं फिर लिखिए भारत तथा निकटवर्ती देशों को उप महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है भारत तथा भारत तथा निकटवर्ती देशों को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है इंडिया एंड द नियर बाय कंट्रीज इंडिया एंड द नियर बाय कंट्रीज आर इंडिया एंड द नियर बाय कंट्रीज आर पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट फिर लिखिए भारत के पश्चिमी भारत के पश्चिम उत्तर तथा भारत के पश्चिमी उत्तर तथा पूर्वी भाग में भारत के उत्तर भारत के पश्चिम उत्तर तथा पूर्वी भाग में कुछ पर्वत श्रेणियां हैं जो इसे एशिया से अलग करती हैं कुछ पर्वत श्रेणियां हैं जो इसे एशिया से अलग करती हैं जैसे एशिया से अलग करती हैं जैसे सम माउंटेन रेंजेस सम माउंटेन रेंजेस सेपरेट सम माउंटेन रेंजेस लोकेटेड टू द वेस्ट नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ इंडिया सम माउंटेन रेंजेस लोकेटेड

अफगानिस्तान में हिंदू कुश हिंदू कुश उसके बाद आ जाता है हिमालय हिमालय फिर आ जाता है पूर्वांचल पूर्वांचल के आगे आ जाता है अराखन्योमा पर्वत अराखन्योमा अराख न्योमा सो so, ये माउंटेन्स है और फिर लिखिए भारत के दक्षिण में भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है हिंद महासागर में अरब सागर बंगाल की खाड़ी सब इंक्लूड हो गए भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है इंडियन ओशन इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ इंडिया भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है हिंद महासागर स्थित है टू द साउथ ऑफ इंडिया इंडियन ओशन इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ इंडिया इंडियन ओशन इज लोकेटेड हिंद महासागर स्थित है अतः अतः उप महाद्वीप का यह अतः महाद्वीप का यह भाग भौगोलिक दृष्टि से पूर्ण रूप से पृथक है अतः महाद्वीप का यह भाग भौगोलिक दृष्टि से पूर्ण रूप से पृथक है दिस पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट इज दिस पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट इज ज्योग्राफिकली हैविंग अ सेपरेट आइडेंटिटी हैविंग अ सेपरेट आइडेंटिटी हैविंग अ सेपरेट आइडेंटिटी फिर लिखिए भारतीय उपमहाद्वीप में निम्न लिखित देश सम्मिलित हैं भारतीय उपमहाद्वीप में निम्न लिखित देश सम्मिलित हैं फॉलोइंग कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट फॉलोइंग कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट सम्मिलित हैं उसमें लिखिए भारत पाकिस्तान भारत पाकिस्तान नेपाल भूटान भारत पाकिस्तान नेपाल भूटान भारत पाकिस्तान नेपाल भूटान बांग्लादेश बांग्लादेश श्रीलंका मालदीव बांग्लादेश श्रीलंका मालदीव बांग्लादेश श्रीलंका और मालदीव तो ये सेवन कंट्रीज हैं और अगर आपने जो लिखी है एक दो तीन चार पाँच और लास्ट में लिखा है छ और सात श्रीलंका और मालदीव आपने लास्ट में लिखे मालदीव राइट और बाकी देश आपने स्टार्टिंग में लिखे हैं इंडिया पाकिस्तान और ये सब तो आप ये जो पांच है इनको अंडरलाइन ऐसे करके और एनसीआरटी लिख लीजिए कि एन में तो केवल यही बता रखें ताकि आपको याद रहे कि कोई क्वेश्चन आए तो उसको स्मार्टली कैसे डील करना है उसको राउंड सर्कल कर लीजिए तो वैसे सब कॉन्टिनेंट में लिटरली टर्म को अगर देखें तो ये भी आते हैं बट एनसीईआरटी ने पता नहीं क्यों ये पांच ही दे रखे तो आप इसको सर्कल करके लिख लीजिए एनसीईआरटी में तो इतना ही ताकि आपके एक हल्का कि ऑप्शन में किस तरह से करना है चलिए ये क्लियर है अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आ, मीन सी लेवल की माध्य समुद्र तल माध्य समुद्र तल होता क्या है और इंडिया का माध्य समुद्र तल कहां से मापा जाता है उसको ब्रीफली देखते हैं फिर हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हेडिंग डाले मीन समुद्र तल मीन सी लेवल मीन सी लेवल, लेवल माध्य समुद्र तल डाली हेडिंग चलिए अब माध्य समुद्र तल डिस्कस करते हैं किसी भी लैंड रीजन के पास किसी भी स्थलीय भाग के आसपास जो पानी होता है जल वो सूर्य के चंद्रमा के और थोड़ा बहुत सूर्य के खास तौर तो पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो पानी ऊपर उठता है दिन में कम से कम दो बार पानी ऊपर उठता है और दो बार पानी नीचे जाता है जब दो बार पानी ऊपर उठता है तो उसको कहते हैं उच्च ज्वार हाई टाइड और जब दो बार पानी नीचे जाता है तो उसको कहते हैं निम्न ज्वार लो टाइड हाई टाइड की जब स्थिति होती है उच्च ज्वार की स्थिति तब तटवर्ती क्षेत्र के आसपास जो पानी है उसका वाटर लेवल बढ़ जाता है जलस्तर इंक्रीज हो जाता है तो वाटर लेवल मान लो इतना हो गया ये जो इतना हाईएस्ट वाटर लेवल है ये हाई टाइड के समय है उच्च ज्वार के समय उच्च ज्वार या हाई टाइड और इसी तरह से अगर देखें जब लो टाइड आता है जब पानी नीचे की तरफ जाता है नीचे गिरता है तो पानी जो नीचे की तरफ गिरता है तो लो लेवल हो जाता है वाटर लेवल कम हो जाता है जलस्तर कम हो जाता है और जलस्तर मान लीजिए कम होकर इतना हो जाता है तो जलस्तर जब इतना होता है तब उस समय किस किसकी स्थिति होती है निम्न ज्वार की स्थिति निम्न ज्वार लो टाइट अगर हम ये निम्न ज्वार और उच्च ज्वार निम्न ज्वार और उच्च ज्वार के बीच में इनका मद्यमान निकाल लें इनका मीन निकाल लें इनके बीच वाला वाटर लेवल ले लें ना हाईएस्ट ले ना लोवेस्ट ले इनके बीच वाला जलस्तर अगर हम ले लें तो ये जो बीच वाला जलस्तर होगा इसे कहा जाता है मीन सी लेवल इसे कहते हैं मीन सी लेवल या माध्य समुद्र तल माध्य समुद्र तल तो किसी भी तटवर्ती क्षेत्र में जल का स्तर स्थिर नहीं रहता वाटर का लेवल स्थिर नहीं रहता एक दिन में कभी पानी ऊपर उठता है कभी पानी नीचे जाता है पर ये ऊपर उठने वाले पानी और नीचे गिरने वाले पानी के बीच का अगर हम जल स्तर ले लें तो वो, तो वो लगभग उस स्थान की या उस तटवर्ती क्षेत्र की उस कोस्टल रीजन के आपको सी का लेवल बेसिक लेवल जो है मीन लेवल वो बता देगा तो ना आप हाईएस्ट लो ना आप लोवेस्ट लो आप बीच का ले लो तो बीच का जब हम लेते हैं तो वो माध्य समुद्र तल होता है उस एरिया का उस का और किसी भी देश का माध्य समुद्र तल जो है उस देश की जो भी वो एजेंसी होती है सर्वे करने वाली वो डिसाइड करती है कि उस देश का माध्य समुद्र तल कहाँ से कौन से तट से मापा जाएगा भारत में स्वतंत्रता से पहले कराची से मापा जाता था माध्य समुद्र तल मीन सी लेवल इंडिया में कराची से मापते हैं अब जो है आजादी के बाद मुंबई से मापने लगे मीन सी लेवल जो है मुंबई से मापा जाने लगा और अब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो अब मीन सी लेवल चाइना से मापते हैं। तो पहले कराची था फिर मुंबई रहा कुछ समय के लिए और फिर जो है चेन्नई रहा तो चेन्नई से भारत का माध्य समुद्र तल मापा जाता है माध्य समुद्र तल से फर्क क्या पड़ता है हमें क्यों जानकारी होनी चाहिए तो देखिए, कोई भी चीज जो है जैसे मान लो यहाँ पे कोई पर्वत होता कोई माउंटेन होता तो किसी भी माउंटेन की पर्वत आदि की अगर ऊंचाई देखी जाती है तो वो ऊंचाई इसी आधार पर देखी जाती है माध्य समुद्र तल के आधार पर ही मान लो ये पर्वत है यहाँ पेड़ नहीं होता यहाँ पर्वत होता अब इस पर्वत की हाइट कहाँ से मापे कितना ऊंचाई है पर्वत ये कैसे पता चले तो इस पर्वत की ऊंचाई जो है इससे मापी जाएगी माध्य समुद्र तल से ये कितना ऊंचा है वो मापा जाता है तो बस इसी तरह से किसी भी स्थान की ऊंचाई मापने के काम आता है माध्य समुद्र तल किसी देश के आसपास जैसे जैसे भारत में चेन्नई से तय होता है माध्य समुद्र तल मीन सी लेवल तो भारत में जो भी पहाड़ियां हैं जो भी पर्वत वगैरह हैं उनकी ऊंचाई कहाँ से मेजर uh, होगी इंडिया का जो माध्य समुद्र तल है वहां से मापी जाएगी तो इस तरह से मीन सी लेवल ये होता है और किसी भी देश का माध्य समुद्र तल जो है ऊंचाई मापने के काम आता है तो मीन सी लेवल समझ में आया क्या है अब जो है आप एक छोटा डायग्राम बनाइए उसी से आपको क्लियर हो जाएगा आपको कौन सा वो लिखना थोड़ी मेंस में आपको सिर्फ समझना है ये और फिर भारत का माध्य समुद्र तल कहाँ से लिया जाता है वो जानकारी होनी चाहिए तो अब हम माध्य समुद्र तल बनाएंगे और आप बनाइए मेरे साथ ही बनाइए ताकि बाद में आपके जो है टाइम खराब नहीं हो तो देखिए मान लीजिए ये तटवर्ती क्षेत्र है कोस्टल रीजन यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए पर्वत मान लीजिए ये कोस्टल रीजन है यहाँ पे पानी है पास में जल और जब वाटर जो है हाईएस्ट लेवल पे होता है उच्चतम स्तर पे जब ज्वार उच्च वाली स्थिति होती है हाई टाइड वाली तब तो पानी इतना ऊपर रहता है और निम्न ज्वार वाली स्थिति जो होती है तब मान लीजिए कि पानी इतना रहता है लो टाइड वाली कंडीशन और बीच की जो कंडीशन है वो हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं ये इन दोनों के बीच की स्थिति है और यही भारत का या इस तटवर्ती क्षेत्र का माध्य समुद्र तल होगा बाकी नीचे नीचे तो पानी है ही समुद्र में यहां तो पानी है तो ये हो गया तो ये तो ड्रॉ कर लिया अब इसमें उच्च ज्वार और वो सब स्थिति लिख लेते हैं। ये तो है उच्च ज्वार की स्थिति उच्च ज्वार के समय जलस्तर वाटर लेवल इतना रहता है हाई टाइड लो टाइड के समय निम्न ज्वार के समय इतना रहता है निम्न ज्वार और बीच का जो हमने लिया वो है माध्य समुद्रतल सी लेवल तो ये बना लीजिए और किसी भी देश का जो है मीन सी लेवल वहां की जो भी एजेंसीज होती हैं जो जियोलॉजिकल जी सर्वे वगैरह होता है वो डिसाइड करता है कि कहाँ से लेंगे हम और इस माध्य समुद्र तल के बेसिस पे ऊंचाई मापी जाती है तो अभी सिर्फ ये डायग्राम बनाइए लिखवाऊंगी मैं आपको माध्य समुद्र तल क्या होता है वो नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे इंडिया का माध्य समुद्र तल बेसिक कहाँ से मेजर होता है फिलहाल ये डायग्राम बनाइए ये है तटवर्ती क्षेत्र ये है पास में पर्वत बनाइए डायग्राम चलिए बना लिया सबने बन ही गया होगा और अब आगे बढ़ते हैं बन गया ना सबका चले आगे ज्यादा सजाना नहीं है ड्राइंगें नहीं करनी है ट्री का एग्जाम आ रहा है जल्दी बनाओ तट का मतलब होता है इंग्लिश में कोस्ट पर्वत का मतलब होता है इंग्लिश में माउंटेन बन गया इतना चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखिए इसके बारे में लिखेंगे तो माध्य समुद्र तल हम इंडिया के माध्य समुद्र तल की बात कर रहे हैं कि भारत का जो मीन सी लेवल है वो कहां से मापा जाता है भारत का माध्य समुद्र तल स्वतंत्रता से पहले कराची से लिया जाता था स्वतंत्रता के बाद कुछ समय तक मुंबई से लिया जाने लगा फिर अब जो है वर्तमान में वो चेन्नई से लिया जाता है कौन तय करता है कि कहाँ से चुना जाए माध्य समुद्र तल भारतीय सर्वेक्षण विभाग तय करता है जियोलॉजिकल सर्वे सया सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो डिसाइड करता है और मीन सी लेवल को शॉर्ट में लिखते हैं एम एसएल so, सो अब लिखिए इसके बारे में और हेडिंग डालिए माध्य समुद्र तल तो लिख चुके हैं आप ड्राइंग कर चुके हैं अब आप लिख लीजिए भारत का माध्य समुद्र तल या सीधे लिख लीजिए भारत का माध्य समुद्र तल उसमें लिखिए भारत का माध्य समुद्र तल स्वतंत्रता से पहले भारत का माध्य समुद्र तल स्वतंत्रता से पहले इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स मींस सी लेवल को आप ब्रैकेट में आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एमएसएल अब आगे से पैराग्राफ में एम लिख सकते हैं इंडियाज मीन सी लेवल वॉज टेकन फ्रॉम कराची बिफोर इंडिपेंडेंस इंडियाज मीन सी लेवल वॉज टेकन फ्रॉम कराची बिफोर इंडिपेंडेंस इंडियाज मीन सी लेवल वॉज टेकन फ्रॉम कराची बिफोर इंडिपेंडेंस कराची से लिया जाता था स्वतंत्रता के बाद भारत का माध्य समुद्र तल मुंबई से लिया जाने लगा स्वतंत्रता के बाद भारत का माध्य समुद्र तल स्वतंत्रता के बाद भारत का माध्य समुद्र तल मुंबई से लिया जाने लगा आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियाज मीन सी लेवल वॉज टेकन फ्रॉम मुंबई आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियाज मीन सी लेवल वॉज टेकन फ्रॉम मुंबई मीन सी लेवल वॉज टेकन फ्रॉम मुंबई वर्तमान में भारत का माध्य समुद्र तल चेन्नई से लिया जाता है वर्तमान में भारत का माध्य समुद्र तल चेन्नई से लिया जाता है एट प्रेजेंट इट टेकन फ्रॉम चेन्नई एट प्रेजेंट इट टेकन फ्रॉम चेन्नई चेन्नई से लिया जाता है फिर लिखिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत के माध्य समुद्र तल का निर्धारण करता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत के माध्य समुद्र तल का निर्धारण करता है द सर्वे ऑफ इंडिया डेटामाइन डेटामाइंस द सर्वे ऑफ इंडिया डेटामाइंस द मीन सी लेवल ऑफ इंडिया द सर्वे ऑफ इंडिया डेटामाइंस द मीन सी लेवल ऑफ इंडिया द सर्वे ऑफ इंडिया डेटामाइंस द मीन सी लेवल ऑफ इंडिया फिर लिखिए विभिन्न क्षेत्रों की ऊंचाई माध्य समुद्र तल से मापी जाती है विभिन्न क्षेत्रों की ऊंचाई माध्य समुद्र तल से मापी जाती है एलिवेशन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस इज मेजर्ड फ्रॉम मीन सी लेवल एलिवेशन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस इज मेजर्ड फ्रॉम मीन सी लेवल मीन सी लेवल मीन सी लेवल चलिए कर लिया इतना अब जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे चीज़ें और अगला चैप्टर जो है उसकी एडिंग डालिए हम बेसिकली आपके जो सिलेबस में दे रखा है पर्वत पठार मैदान उस सब को हमें डिस्कस करना है तो उसको डिस्कस करने के लिए हम इंडिया के बेसिक फिजियोग्राफिक डिविजन्स के थ्रू चलेंगे तो हमारे सारे माउंटेन्स और सब ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे जैसे उत्तर के हम पर्वतीय क्षेत्र करेंगे तो उसमें हिमालय कवर हो जाएंगे हिमालय के जो पासिस हैं वो सब कवर हो जाएंगे दर्रे वगैरह सारी चीजें कवर हो जाएगी और फिर जब हम दक्षिण का प्रायद्वीपीय प्रदेश करेंगे पेनेंसुलर इंडिया तो उसमें हमें साउथ इंडिया की जितनी भी माउंटेन रेंजेस हैं प्लेटो हैं पठार हैं वो सब कवर हो जाएंगी नर्दन प्लेन्स करेंगे तो

अभी हम सारी तो नहीं कर सकते क्योंकि समय बहुत कम है और इसीलिए थोड़ा बहुत आपका जो कुछ एक चीजों का बेस बनाना है वो मैं थोड़ा सा बेस बना देती हूँ आपका ताकि आगे जब हम इन चीजों के बारे में बात करें फिजिकल डिविजन्स करते हुए या कैसे ये पर्वत बना या कोई भी चीज को तो आपको चीजें समझ में आए आपके खनिजों में कोयला वगैरह भी दे रखा है तो कोयला जो है गोंडवाना कोयला पाया जाता है इंडिया में अब आपको अगर गोंडवाना नहीं पता गोंडवाना गोंडवाना शब्द से आप परिचित नहीं है तो आप समझ नहीं पाएंगे कि गोंडवाना कोयला क्या होता है इसीलिए थोड़ा सा बेसिक देखते हैं तो इंडिया जो आपको आज इतने एशिया का पार्ट के रूप में नजर आता है इंडिया हमेशा यहाँ पे लोकेटेड नहीं था भारत हमेशा उत्तरी गोलार्ध में नहीं था भारत और बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज और सारे लैंडमास जो हैं सारे स्थलीय भाग एक बड़े से स्थलीय भाग का हिस्सा थे और वो बड़ा सा स्थलीय भाग जो है वो पेंजिया कहलाता था और ये जो पेंजिया है उसके चारों तरफ जो बड़ा सा पानी का जलीय भाग था उस जलीय भाग को पेंथालासा कहा जाता है तो पेंजिया पेंजिया के आसपास बहुत बड़े क्षेत्र में जो जलीय भाग था उसको कहा जाता है कुछ समय बाद पेंजिया जो है वो दो भागों में टूट गया तो पेंजिया जब दो भागों में टूटा तो इस तरह से ऊपर का भाग जो है वो अंगारा लैंड या लॉरेशिया बन गया नीचे का भाग जो है वो गोंडवाना लैंड बन गया गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा था ये भारत ये दिख रहा है भारत जैसा गोंडवाना लैंड का पार्ट था भारत और पहले ये दक्षिणी गोलार्ध में था इंडिया सदर्न हेमिस्फीयर में था पहले फिर धीरे धीरे इंडिया मूव करता हुआ गति करता हुआ आगे आया और आगे आकर इंडिया यहां से यहाँ इस जगह टकराया जब इंडिया टकराया इस जगह आकर तो यहाँ दोनों जो स्थल भाग है इनके बीच में दबाव लगा और दबाव की वजह से जैसे दोनों तरफ से आप पेपर को ले अगर कागज को पकड़े और कागज को दोनों तरफ से दबाए तो बीच वाला जो हिस्सा है कागज का ऊपर उठ जाएगा वैसा ही यहाँ कुछ हुआ तो यहाँ दोनों तरफ से दबाव लग रहा था इसी वजह से यहाँ फोल्डिंग हुई और फोल्डिंग की वजह से बने हमारे हिमालय पर्वत और ये जो दोनों भाग हैं ये गोंडवाना लैंड और गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड वाला इनके बीच में जो जल राशि थी वो थी टेथिस सागर टेथिस सी तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये लैंडमास पास आए टेथिस सागर जो है उसमें जो टुकड़े थे अवसाद थे उनके ऊपर दबाव पड़ता गया दबाव पड़ता गया और धीरे धीरे जो है उसके टेथिस सी के सेडिमेंट्स वो भी फोल्ड हुए और टेथिस सी के सेडिमेंट्स की फोल्डिंग से ही हिमालय बना है ऐसा माना जाता है अभी तो हमने सिर्फ ये ब्रीफ देखा है अभी मैं आपको ड्रॉ करके और बताऊंगी तो चीजें समझ में आ जाएंगी तो देखिए ये आ, एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं सिर्फ ये बेस बनाने के लिए हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स और बहुत शॉर्ट में किए जा रहे हैं तो देखिए पेंजिया और पेंजिया के चारों तरफ जो है पेंथलासा था जो महासागर था बड़ा सा इसे पेंथलासा कहते थे स्टार्टिंग में ये था उसके बाद ये पेंजिया भी, भी बिल्कुल ऐसे सेंटर में नहीं था पेंजिया थोड़ा दक्षिणी गोलार्ध की तरफ ज्यादा था सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ ज्यादा था थोड़ा सा ऐसे बड़ा सा सो so, ये पेंजिया था उसके बाद पेंजिया टूट गया दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया पेंजिया का जो नदन पार्ट है अब हम केवल पेंजिया के ऊपर फोकस कर रहे हैं पेंजिया का जो उत्तरी भाग टूटकर बना उसका उत्तरी भाग का नाम है अंगारा लैंड अंगारा लैंड या उसको लॉरेशिया भी कहा जाता है या लोरेशिया और अंगारा लैंड और लोरेशिया वाला जो पार्ट है ये तो नदन पार्ट था इसके ठीक दक्षिण में एक सागर था छोटा सा दोनों के बीच में लैंड मासेस के बीच में उसको टेथिस सागर कहते हैं सी और टेथिस सागर के ठीक दक्षिण में यहाँ गोंडवाना लैंड वाला पार्ट था और गोंडवाना लैंड वाले हिस्से का ही भारत हिस्सा था भारत पार्ट उसी का था गोंडवाना लैंड सो गोंडवाना लैंड था दक्षिण में तो लोरेशिया अंगारा लैंड और नीचे की तरफ गोंडवाना लैंड वाला पार्ट बीच में टैथिस सागर, बाद में इंडिया जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था भारत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा भारत जब आगे बढ़ा तो टैथिस सागर के ऊपर दबाव पड़ा और आगे क्या चीजें हुई वो भी मैं बताऊंगी आपको पहले सिर्फ इतना बना लीजिए आप पेंजिया पेंथालासा अंगारा लैंड और टैथिस सागर और ये गोंडवाना लैंड सो so, ये एक चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया अब एक्स्ट्रा टॉपिक्स लिख लीजिए हेडिंग एक्स्ट्रा टॉपिक्स करके और ये टॉपिक्स ये ड्राइंग वगैरह डायग्राम वगैरह बना लीजिए फिर थोड़ा सा मैं लिखवा दूंगी आपको बहुत ब्रीफली इसके बारे में सो लिखिए बनाइए जल्दी बना लिया वेरी गुड बना चुके हैं काफी स्टूडेंट्स जिन्होंने नहीं बनाया वो जल्दी से बना ले बना चुके हैं आप चलिए अब जो है हम इसके बारे में बहुत ब्रीफली लिख लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे ताकि ये जितना बनाया उतना समझ में आ जाए बाकी चीजें आगे फिर तो देखेंगे तो बहुत शॉर्ट में लिखिए इसमें लिखिए विश्व के सभी महाद्वीप पहले पेंजिया विश्व के सभी महाद्वीप पहले एक बड़े भूखंड का भाग थे एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा थे ये लिखिए विश्व के सभी महाद्वीप पहले विश्व के सभी महाद्वीप पहले एक बहुत बड़े एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा थे भूभाग का हिस्सा थे जिसे पेंजिया कहा जाता है जिसे पेंजिया कहा जाता है अर्लियर ऑल द कॉन्टिनेंट्स वर अ पार्ट ऑफ ह्यूज लैंडमास

विशाल महासागर था पेंजिया के चारों ओर विशाल महासागर था जिसे पेंथालासा कहते हैं पेंजिया के चारों ओर विशाल महासागर था जिसे पेंथालासा कहते हैं पेंजिया वॉ सराउंडेड बाय पेंजिया वॉ सराउंडेड बाय अ हीूज वाटर बॉडी कॉल्ड पेंथलासा पेंजिया वॉज सराउंडेड बाय अजिया वॉज सराउंडेड बाय अटर बॉडी कॉल्ड पेंथालासा हीज वाटर बॉडी कॉल्ड पेंथालासा पेंजिया के चारों ओर एक विशाल महासागर था जिसे पेंथलासा कहते हैं कालांतर में मतलब कुछ समय बाद कालांतर कालांतर में पेंजिया दो भागों में विभाजित हो गया कालांतर में पेंजिया दो भागों में विभाजित हो गया लेटर पेंजिया गॉट डिवाइडेड इंटू टू पार्ट लेटर पेंजिया गॉट डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स पेंजिया दो भागों में विभाजित हो गया उत्तरी भाग अंगारा लैंड पेंजिया दो भागों में विभाजित हो गया उत्तरी भाग अंगारा लैंड तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया उत्तरी भाग अंगारा लैंड तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया नदन पार्ट वॉज कॉल्ड अंगारा लैंड एंड साधन पार्ट वॉज कॉल्ड गोंडवाना लैंड नदन पार्ट वॉज कॉल्ड अंगारा लैंड एंड साधन पार्ट वॉज कॉल्ड गोंडवाना लैंड वॉज कॉल्ड गोंडवाना लैंड इन दोनों भागों के बीच टेथिस सागर स्थित था इन दोनों भागों के बीच इन दोनों भागों के बीच टेथिस सागर स्थित था बिटवीन दीस टू टेथिस सी लोकेटेड बिटवीन दीज टू टेथिस सी वॉज लोकेटेड बिटवीन दीज टू टेथिस सी वॉज लोकेटेड टेथिस सागर स्थित था भारत का अच्छा आगे देखिए आगे हम कुछ देखें उससे पहले इंडिया जो है इंडिया की जब हम बात करते, है, तो बात करते हैं मान लीजिए इंडिया है इंडिया का जो सदन है पाठ दक्षिणी भाग जो है भारत का इसको कहते हैं प्रायद्वीप ये प्रायद्वीप कहलाता है ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला ये पूरा प्रायद्वीप है ये वाला ये प्रायद्वीप कहलाता है तो प्रायद्वीप ये भारत लगभग ये वाला हिस्सा इंडिया का तो भारत का ये वाला जो पार्ट है जो पेनिनसुलर इंडिया है पेनिनसुला या प्रायद्वीप किसको कहते हैं जो तीन तरफ से सागर से घिरा होता है तीनों ओर से सागर से घिरा हुआ ना पर अरेबियन सी है यहां पर बे ऑफ बंगाल है बंगाल की खाड़ी और यहाँ नीचे की तरफ है हिंद महासागर इंडियन ओशन अच्छा ये कोई ये नहीं सोच ले त्रिपुरा मिजोरम जो है उसके आगे बांग्लादेश है वो तट को नहीं छूते पानी पर नहीं है हाँ तो ये जो है यहाँ पर ये जलीय जल भाग है तो ऐसा कोई भी लैंडमार्क जो कि तीन तरफ से जल से घिरा हो उसको कहते हैं प्रायद्वीप उसको कहेंगे प्रायद्वीप पेनिनसुला प्रायद्वीप तो तीन ओर से जल से घिरा भाग प्रायद्वीप कहलाता है पेनिनसुला तो कुल मिलाकर अगर देखें इंडिया में भारत में जो बिल्कुल दक्षिण वाला भाग है ये सदर्न पार्ट ये पेनिनसुलर इंडिया है और पेनिनसुलर इंडिया या प्रायद्वीपीय भारत ये गोंडवाना लैंड का भाग है गोंडवाना लैंड का जो अभी हम पढ़ रहे थे गोंडवाना लैंड उसका फिर भारत का उत्तरी भाग क्या है तो भारत का जो उत्तरी भाग है हिमालय हुआ ये नदन प्लेन्स हुए उत्तर के मैदान हुए ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है याद रखिए गोंडवाना लैंड का पार्ट नहीं है ये नए बने हैं पहले एग्जिस्टेंस में नहीं थे ये नए बने हैं कैसे बने नए जब दबाव <coughs> जब दबाव लगा तो फोल्डिंग हुई सेडिमेंट्स की उसकी वजह से बने हैं तो इसीलिए इंडिया का जो नदन पार्ट है वो नया बना हुआ है और सदन पार्ट जो है दक्षिणी भाग प्रायद्वीपीय भारत केवल वही गोंडवाना लैंड का भाग है केवल यही गोंडवाना लैंड का पार्ट गोंडवाना लैंड और ये पहले दक्षिणी गोलार्ध में था बाद में चलते चलते आगे की तरफ मूव करते करते और आ गया उत्तरी गोलार्ध में नदन हेमिस्फीयर में बाद में आया है और गोंडवाना लैंड वाला ये जो हिस्सा है ये इंडिया का ओल्डेस्ट लैंडमास है भारत का सबसे पुराना स्थल भाग यही है और सबसे नवीनतम स्थल भाग कौन सा है तो पहले हिमालय बने थे हिमालय नए हैं और हिमालय के बाद हिमालय से जो नदियां निकली उन नदियों ने जो मिट्टी इकट्ठी करी उससे हमारे मैदान बने हैं तो सबसे नवीनतम भारत का जो भौतिक प्रदेश है या भारत का जो सबसे नया भाग है वो है उत्तरी मैदान तो ये नदन प्लेन्स जो है सबसे नए हैं तो यहाँ पे ये प्लेन वाला रीजन है नदन प्लेन ये वाला जो प्लेन वाला मैदानी भाग है ये सबसे नवीनतम भाग है भारत का नवीनतम और ये जो ऊपर की तरफ हिमालय वाला हिस्सा है ये नया है ये मतलब पुराना नहीं है ये नया है पर ये मैदानों से थोड़ा पहले बना था तो इसीलिए नवीनतम हम इसको नहीं कह सकते ये जो है हिमालय पर्वत वाला भाग ये नया है तो इस तरह से इंडिया में देखें अगर एक नया भूभाग है सबसे ऊपर फिर नवीनतम भूभाग है लेटेस्ट फिजियोग्राफिक डिविजन देन गोंडवाना लैंड का सबसे ओल्डेस्ट लैंडमार्क इंडिया के अंदर है तो आपको इंडिया का एक बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए सबसे नया कौन सा सबसे पुराना कौन सा अब हम इसके बारे में ये जो प्रायद्वीपीय भारत वाला लिख रहे थे ये वाला पॉइंट लिख लेते हैं आपने लिख लिया कि अंगारा लैंड उत्तरी भाग था दक्षिणी भाग गोंडवाला लैंड था बीच में टैथिस सागर था आगे लिखिए कि प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का भाग है प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का भाग है पेनिनसुलर इंडिया इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड पेनिनसुलर इंडिया इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का भाग है तथा भारत का सबसे पुराना भूभाग है एंड इट इज इंडिया ओल्डेस्ट लैंडमार्स एंड इट इज इंडियाज ओलडेस्ट लैंड मार्क्स भारत का सबसे पुराना भूभाग है तथा यह गौंडवाना लैंड का भाग था तथा यह भारत का सबसे पुराना भूभाग है एंड इट इज इंडियाज ओल्डेस्ट लैंड मार्क्स ओल्डेस्ट लैंड मार्क्स यहाँ तक लिखा उसके बाद आगे देखिए क्या हुआ तो देखिए ये अंगारा लैंड वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में था और फिर ये गोंडवाना लैंड वाला हिस्सा उसके आ, गया है। मतलब उससे मिला आके ये इंडिया वाला जो पार्ट है वो धीरे धीरे चलता हुआ आया और अंगारा लैंड वाले हिस्से से मिला तब जाके फोल्डिंग हुई अब ये फोल्डिंग कैसे हुई हम साइड से देखते हैं थोड़ा किसी भी लैंड मार्क्स में जैसे ये एक स्थल भाग है ये स्थल भाग है और बीच में इसके एक सागर है छिचला सागर है या कम गहरा सागर है और यहाँ पर एक और लैंडमास मार्क्स तो ये जो छिछला सागर है यहाँ पे इधर से ये लैंड मास आ रहा है ये वाला लैंड मास अगर नहीं भी मूव कर रहा तो भी दोनों लैंडमार्स एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं और दोनों लैंडमार्स जब एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या होगा सागर वाले क्षेत्र में अब देखिए सागर सी वाले रीजन में कुछ सेडिमेंट्स होते हैं अवसाद ये सेडिमेंट्स है मिट्टी गाद मिट्टी और ये टुकड़े जो जमे हुए होते हैं पानी में नीचे की तरफ उनको कह रहे हैं हम अवसाद तो नीचे की तरफ ये अवसाद होते हैं सेडिमेंट्स और सेडिमेंट्स के ऊपर होता है सागर में पानी तो यह है ऊपर की तरफ सागर में पानी भी बना देते हैं ये ये पानी तो सागर में इस तरह से ये जल था और नीचे की तरफ टैथिस सागर के अवसाद थे सेडिमेंट्स थे अवसाद सेडिमेंट्स अब क्या हुआ कुछ समय बाद ये लैंड एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं अब ये जब बढ़ते जाएंगे एक दूसरे की तरफ तो धीरे धीरे क्या होगा थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसको करते हैं मूव ऑन ठीक है ये अब कुछ समय बाद ये लैंड मार्सेस एक दूसरे के पास आएंगे तो ये जो सी है ये संकुचित होती जाएगी इसका एरिया मतलब इसका जो फैलाव है वो थोड़ा छोटा होता जाएगा होता जाएगा और जैसे जैसे ये दबाव पड़ेगा उसकी वजह से ये सागर वाला जो क्षेत्र है इसमें जो सेडिमेंट्स से है उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और सेडिमेंट्स धीरे धीरे ऊपर उठने लगेंगे और पानी जो है वो निकल जाएगा साइड में क्योंकि जल का लेवल जो है वाटर लेवल हाई हो जाएगा तो पानी इधर उधर बिखर जाएगा तो अब क्या होगा कुछ समय बाद वो देखिए तो सी छोटी हो जाएगी ये भाग एक दूसरे की तरफ आ रहे सागर का बहुत क्षेत्र जो है वो कम हो गया है और अब जो है ये जब दोनों लैंडमास दूसरे के पास बढ़ रहे हैं तो सेडिमेंट्स जो है ऊपर उठते जा रहे हैं अब सात जो थे बीच में वो ऊपर उठते जा रहे प्रेशर लग रहा है सेडिमेंट्स के ऊपर कंटिन्यूसली अब पानी बहुत थोड़ा सा बचा है बहुत थोड़ा सा सो so, जल स्तर जो है वो ऊपर उठ चुका है पानी बहुत थोड़ा बचा है जो एक्स्ट्रा पानी है वो इधर उधर फ्लो होके बहकर चला गया अब कुछ समय बाद क्या होगा थोड़ा और नजदीक आएंगे ये लैंड मासेस, ये थोड़ा और नजदीक आएंगे तो क्या होगा अब जब ये थोड़ा और नजदीक आएंगे तो धीरे धीरे ये जो सागर है इसका अस्तित्व तो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे ये सारे सेडिमेंट्स जो हैं, इनके ऊपर दबाव पड़ेगा और दबाव की वजह से ये जो अवसाद हैं धीरे धीरे फोल्ड होने लगेंगे ये जो सेडिमेंट्स थे ये फोल्ड भी हो गए ऐसे मुड़ने लग गए तो ऐसे इस तरह से सेडिमेंट्स जो है उनकी फोल्डिंग होती है और जब भी कभी सेडिमेंट्स फोल्ड होते हैं अवसाद जो है उनका वलन होता है तो वलन होते समय अवसाद के ठीक पास में जहां से अवसाद ऊपर चढ़ते हैं उसके ठीक पास में एक हल्का सा कुछ थोड़ा सा डिप्रेशन रह सकता है तो इस तरह से ये सेडिमेंट्स ऊपर चढ़े और सेडिमेंट्स ऊपर चढ़े उसके ठीक आगे की तरफ यहाँ से ये ऊपर चढ़ने से तो हिमालय बन गया हिमालय बन गया और हिमालय के ठीक आगे की तरफ यहाँ इस जगह यहाँ पर हिमालय के ठीक आगे एक हल्का सा डिप्रेशन रह गया हल्का सा डिप्रेशन या छोटी सी गर्त जैसी जहाँ पहले टैथे सागर का पानी हुआ करता था वो पानी तो अब जा चुका है यहाँ से तो ये फोल्डिंग से हिमालय जैसे पर्वत बन गए और फिर ये जो यहाँ पर हिमालय के ठीक पास में ये जो ऐसी छोटा सा डिप्रेशन जैसा बचा है छोटी सी गर्त बची है इसमें क्या होगा समय के साथ नदी आएंगी नदियां अपने साथ सेडिमेंट्स लाएंगी अवसाद लाएंगी हिमालय से निकलने वाली नदियां और धीरे धीरे यहाँ पर सेडिमेंट्स को जमा कर देंगी अब हिमालय की नदियों ने नहीं यहाँ पर गाद मिट्टी इकट्ठी कर दी इस गड्ढे में और वो पूरा भर गया और पूरा समतल हो गया तो आज हमें जो भारत देखने को मिलता है वो इस तरह से देखने को मिलता है जिसमें जिसमें इस तरह से आपको ये पीछे की तरफ हिमालय वाला भाग दिखेगा ये हिमालय है जो फोल्ड हो रखा है भारत के उत्तरी भाग में स्थित है फोल्डिंग से बना है और टेथिस का जो थोड़ा सा डिप्रेशन बचा था या हल्का सा गर्त जैसी बची थी उसमें खूब सारे अवसाद भर चुके हैं ये सेडिमेंट फिलअप हो चुके हैं और ये सेडिमेंट्स ने फिल अप होके क्या बनाया है यहाँ पर मैदान बनाया है और दक्षिण भारत में साउथ इंडिया में हमें यहाँ पर पेनिसुलर इंडिया में आपको गोंडवाना लैंड वाला पार्ट मिलता है जहाँ पर कई सारे भारत में पठार हैं प्लेटो है कई सारे माउंटेन्स है, है, भी हैं इंडिया में यहाँ पेनेसुलर इंडिया वाले पार्ट में दक्कन का पठार वगैरह जो है डेक्कन प्लेटो वगैरह वो सब आपको ऑलरेडी यहाँ गोंडवाना लैंड वाले पार्ट में थे पहले से तो वो तो भारत का हिस्सा है तो इस तरह से ये गोंडवाना लैंड वाला सबसे पुराना भाग तो भारत में है ही ये ओल्डेस्ट पार्ट है जहां दक्कन का पठार है डेक्कन प्लेटो वगैरह ये उसके अलावा हिमालय है हिमालय हिमालय नया है नया न्यू और ये जो है जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुए हैं ये मैदान है ये मैदान सबसे नवीनतम है मैदान भारत के नवीनतम तो इस तरह से भारत के लैंडमासेस का फॉर्मेशन हुआ और अब जो है आगे हमें जब भौतिक प्रदेश देखेंगे तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी सो so अब ये जो हमने बनाए हैं थ्री स्टेप्स ये आप शॉर्ट में बना लीजिए उसके बाद हम और आगे चीजें देखेंगे ये वाले थर्ड नंबर को मैं बाद में इसको जूम कर दूंगी अभी जितना है उसको बनाइए आप जितना दिख रहा है पहला वाला बना लिया हम्म चलिए अब बनाइए ये सबसे पहला वाला बनाइए तीनों स्टेप्स बनाने हैं आपको पहला दूसरा और तीसरा पहला स्टेप बनाइए ये वाला अवसाद सेडिमेंट्स अब मन में ख्याल लग रहा होगा सेडिमेंट्स क्या होते हैं सेडिमेंट्स और कुछ नहीं मिट्टी के टुकड़े पत्थरों के टुकड़े जो टुकड़े पानी में इकट्ठे होते हैं नीचे गाद वगैरह वही सेडिमेंट्स को मानिए वही अवसाद होते हैं जो लोग सवाल पूछ रहे हैं तो देखिए जिनको अभी प्री देना है वो ज्वाइन करें इस बैच को जिनको इस साल प्री नहीं देना है वो फाउंडेशन ज्वाइन करना ऑफलाइन कोचिंग शुरू हो रही है तो जिनको प्री नहीं देना इस साल वो फाउंडेशन का कोर्स अभी स्टार्ट होने वाला है वो ज्वाइन कर लेना जिनको प्री देना है उनके पास उनको तो यही करना है प्री वाला बैच ही ज्वाइन करना है जिन्होंने इस बैच में एडमिशन लिया वो इसी बैच में रहें तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि अभी जो पहले जुलाई में स्टार्ट हुआ था प्री का बैच वो आगे निकल चुका है फिर उनको समझ में नहीं आएंगी कुछ चीज़ें चलिए बन गया किसी का रहा हो तो जल्दी से बना लीजिए फिर आगे डिस्कस करेंगे जल्दी से बनाइए चलिए बन गया अब तीसरा वाला और बना लेते हैं थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तीसरा और बना लीजिए मैदान मतलब प्लेन्स नवीनतम मतलब लेटेस्ट लेटेस्ट ये हिमालय ये न्यू है ये ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुराने सबसे पुराना तो ये भारत का साइड से हमने देखा है क्रॉस सेक्शन ये साइड से हमने डायग्राम बनाया जल्दी से बनाइए फिर आगे मूव ऑन करेंगे बन गया जल्दी बना लीजिए बना चलिए आगे बढ़ते हैं हो गया ओके okay, सब बना लिया ओके गुड वेरी गुड तो ये चीज आपको समझ में आई इसको शॉर्ट में हम लिख लेते हैं इसमें लिखिए भारत भारत का भारत का आपने तो लिख लिया ना कि गोंडवाना लैंड का भाग है भारत और फिर लिखिए टेथिस सागर के टेथिस सागर के अवसादों पर टेथिस सागर के अवसादों पर बल लगने से बल लगने से हिमालय पर्वत का बल लगने से वलन हुआ वलन मतलब फोल्डिंग वलन का मतलब फोल्ड होना ऐसे ऐसे जब हो जाते हैं फोल्ड हो जाते हैं माउंटेन इसको कहते हैं वलन तैथिस सागर के अवसादों पर बल लगने से वलन हुआ वलन हुआ जिससे हिमालय पर्वत बना वलन हुआ जिससे हिमालय पर्वत बना हिमालय पर्वत बना इंग्लिश में लिखिए हिमालयन माउंटेन वॉज फॉर्म्ड हिमालयन माउंटेन वॉज फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग ऑफ सेडिमेंट्स ऑफ हिमालयन माउंटेन वॉज फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग ऑफ सेडिमेंट्स ऑफ सी सेडिमेंट्स ऑफ टेथिस हिमालयन माउंटेन वॉज फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट्स ऑफ टेथिस फिर उसके बाद लिखिए हिमालय से निकलने वाली नदियों हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से हिमालय से निकलने वाली नदियों हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से अवसादों से उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ चलिए आगे लिखिए इंग्लिश में लिखिए अदन प्लेन्स वर फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट्स नदन प्लेन्स वर फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालयन माउंटेन हिमालयन माउंटेन्स फिर उसके बाद लिखिए भारत का नवीनतम भौतिक प्रदेश या नवीनतम भूभाग उत्तरी मैदान है भारत का नवीनतम भूभाग उत्तरी मैदान है इंडियाज लेटेस्ट लैंडमार्स इज इंडियाज लेटेस्ट लैंडमार्स इज नर्दन प्लेन्स इंडिया लेटेस्ट लैंडमार्स is Northern Plains. लेटेस्ट लैंडमार्क्स is Northern Plains. Northern Plains. चलिए ये लिख लिया सबने अब जो है हम आगे बात करते हैं तो आपने ये देख लिया तो ये तो एक बेसिक थ्योरी पहले बताई जाती थी अभी जो है लेटेस्ट थ्योरी में हिमालय के और प्लेन्स वगैरह के फॉर्मेशन को प्लेट से रिलेट किया जाता है प्लेट क्या होती है वो देखते हैं जैसे एक तो ये थ्योरी है एल्फ्रेड uh, वेगनर की जो थ्योरी है एक तो ये है कि हाँ ठीक है इस तरह से बने थे पुराने लैंडमार्स बट वेगनर की थ्योरी में कुछ एक कमियां थी जिसको महाद्वीपीय सिद्धांत बोलते हैं उसमें कुछ एक कमियां थी काफी सारी चीजें नहीं बता पाया था इसलिए नई थ्योरी आई थी प्लेटो से रिलेटेड तो अब जो है लेटेस्ट ये माना जाता है ये भी कहते हैं ये भी आ सकता है एग्जाम में कि टैथिस सागर के अवसाद से बना है सागर कहाँ था ये सारी चीजें पूछी जा सकती है बट फिर भी ये प्लेटो वाली जो चीज है ये नई है तो यहाँ पे अगर देखें तो ऐसा माना जाता है कि विश्व में जितने भी आपको महाद्वीप दिख रहे हैं महासागर दिख रहे हैं वो कुछ खंडों का पार्ट है कुछ आ, मतलब आ, ऐसे टुकड़े हैं पृथ्वी के सतह के ऊपर या पृथ्वी का जो लिथोस्फेयर है स्थलमंडल जिसको कहते हैं सबसे ऊपरी भाग उसके ये टुकड़े हैं जिनको प्लेट्स कहा जाता है अब ये टुकड़े किस तरह से हैं तो देखो ये जो आपको अर्थ दिखती है या पृथ्वी दिखती है पृथ्वी का सबसे बाहरी परत जो है जिसको आप क्रस्ट कहते हो या जिसको स्थल मंडल हम कह सकते हैं उस स्थल मंडल वाले भाग में जैसा हमें लगता होगा कि एक कंटिन्यूस लेयर है एक सतत परत है पूरा एक कवर चढ़ावा पृथ्वी के बाहर की तरफ ऐसा नहीं है ये कंटिन्यूस लेयर नहीं है इसके अलग अलग टुकड़े हैं जो एक साथ आसपास स्थित हैं और उन टुकड़ों के जो आसपास स्थित हैं ये टुकड़े ही चलते रहते हैं आगे पीछे मूव करते हैं उसकी वजह से भूकंप ज्वालामुखी पर्वत वगैरह बनना ये सारी चीजें होती हैं तो अर्थ जो है अर्थ एक सतत परत नहीं है अर्थ के बाहर वाली ये लिथोस्फेयर जो है स्थलमंडल वे विभिन्न टुकड़ों में बटी हुई है इसका आप एग्जाम्पल सीधे समझ सकते हैं आपने फुटबॉल देखिए फुटबॉल में अलग अलग पैचेस एक साथ सिले हुए होते हैं एक पूरा कपड़ा नहीं होता वैसे ही हमारा स्थलमंडल है अलग अलग टुकड़े हैं और ये अलग अलग टुकड़े जो है स्थलमंडल के यही प्लेट कहलाते हैं ये प्लेटें प्लेट, है। प्लेट, है। प्लेट। ये सारी प्लेटें हैं तो स्थलमंडल जो है उसके कई भाग हैं बहुत सारे टुकड़े हैं और ये स्थल स्थलमंडल के भाग जो हैं, ये प्लेट कहलाती है स्थलमंडल मतलब लिथोस्फेयर। तो अब ये साइड में एक डायग्राम लिथोस्फेयर का भी बना लीजिए शॉर्ट में ये लिथोस्फेयर, इट्स के बहुत सारे पार्ट्स और इसके पार्ट्स को प्लेट कहते हैं बिल्कुल ब्रीफली तो ये पृथ्वी बनाइए उसमें ऐसे टुकड़े बनाइए प्लेट लिखिए और आगे लिख लीजिए स्थल मंडल के भाग प्लेट कहलाते हैं या मंडल, उसके आगे डैश प्लेट और डैश भाग और डैश प्लेट बिल्कुल शॉर्ट में बनाया लिथोस्फेयर ऐसे बिल्कुल शॉर्ट में लिथोस्फेयर स्थलमंडल स्थलमंडल के भाग और वो प्लेट कहलाते हैं अब देखिए पृथ्वी का जो स्थलमंडल है वो कई सारे ऐसे टुकड़ों में बटा हुआ है यही टुकड़े जो हैं ये भाग ये कहलाते हैं प्लेट वर्ल्ड में बहुत सारी प्लेटें हैं बट मेजर प्लेट जो हैं उनको अगर देखें तो वो है उत्तरी अमेरिकी प्लेट दक्षिण अमेरिकी प्लेट अफ्रीकन प्लेट यूरेशियन प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये एक ही प्लेट है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसको पांचवी प्लेट मानेंगे सम्मिलित रूप से नीचे है एंटार्कटिक प्लेट ये पूरी नीचे वाली एंटार्क्टिक प्लेट है और यहाँ पर है आ, पूरा का पूरा ये तो छोटी फिलिपींस प्लेट है इसके आगे प्रशांत महासागरीय प्लेट है पैसिफिक प्लेट ये पैसिफिक प्लेट है पैसिफिक प्लेट का आधा भाग वहां है आधा वहाँ है और ये छोटी छोटी प्लेटें भी बीच बीच में जैसे कोकोस कोकोसरे कैरेबियन प्लेट नाज प्लेट जोअि फ्यू का प्लेट अरब प्लेट इंडियन इंडियन प्लेट तो इसी की इंडियन ऑस्ट्रेलियन के अच्छा यहाँ पे हमारे क्या काम आने वाली है तो देखिए ये जो हिमालय पर्वत आपको ऊपर दिखते हैं ये हिमालय पर्वत कैसे बने हैं इन हिमालय पर्वत तब बने जब ये इंडिया वाला नीचे वाला जो प्रायद्वीपीय भाग है वो आकर टकराया ऊपर वाले इस भाग से तो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब ये दोनों प्लेटें आपस में आकर टकराई उनके बीच में फोल्डिंग हुई वलन हुआ और वलन से हमारा हिमालय पर्वत बना है और पूर्वी भारत में यहाँ जो आपको पूर्वांचल पहाड़ियां दिखती हैं और अराकन योमा पर्वत जो है इस तरफ म्यांमार में ये कैसे बना यहाँ एक छोटी सी प्लेट है उस छोटी सी प्लेट का नाम है बर्मा प्लेट म्यांमार को पहले बर्मा कहा जाता था तो यहाँ एक छोटी सी प्लेट है बर्मा प्लेट तो बर्मा प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यहां से टकराए इसीलिए यहां पे बनाए पूर्वांचल अंडमान निकोबार द्वीप और म्यांमार का राकनयोमा पर्वत तो प्लेटें जब आपस में आकर टकराती हैं दोनों एक दूसरे की तरफ आती हैं तब फोल्डिंग होती है और फोल्डिंग से बनते हैं पर्वत तो हिमालय पर्वत पूछा जाए कि तो कौन से आ, प्लेट्स की फोल्डिंग से बने हैं वो बने हैं यूरेशियन और इंडियन प्लेट की फोल्डिंग से या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी उसको कहा जाता है आ, तो ये प्लेटें जो है क्या होती है स्थलमंडल के टुकड़े होते हैं स्थलमंडल के भाग होते हैं जिनको प्लेट कहा जाता है तो अब जो है ये प्लेटें और ये वाला पूरा चीज समझ में आ गया होगा आपको तो इंडियन प्लेट कहाँ है ये क्लियर है तो हमारे कौन सी काम आने वाली है दो प्लेटें काम आने वाली है तीन प्लेटें काम आने वाली है इंडियन ज्योग्राफी समझने के लिए इंडियन प्लेट जिसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं यूरेशियन प्लेट और बर्मा प्लेट इनका जब टकराना हुआ उसे टकराना नहीं कहते हैं जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती है तो उसको कहते हैं अभिसरण कन्वर्जेंस उनका मिलना सो so, आप जब बताएंगे कि हिमालय कैसे बना तो आप सिंपल ये बताएंगे कि हिमालय बना है इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट के अभिसरण से मिलना मतलब टकराना मतलब अभिसरण कन्वर्जेंस तो हिमालय पर्वत के बारे में अभी देखेंगे तो ये आपने स्थल मंडल के विभिन्न भाग होते हैं जिनको प्लेटे कहते हैं ये तो लिखा ही अब देखिए इनमें से भारत को या भारत के उत्तरी भाग को कौन सी प्लेटें प्रभावित करती है तो देखिए दो प्लेटें जब आपस में आकर टकराती हैं तो उसको अभिसरण कहते हैं अभिसरण। और दोनों प्लेटें जब आपस में आकर टकराती हैं तो अभिसरण होता है और स्थलीय भाग जहां होते हैं जहां पानी वानी नहीं है वहां तो दोनों प्लेटों के बीच में सिंपल सा एक माउंटेन बन जाता है जहां पानी वाला भाग होता है वहां जो है प्लेटों के बीच में थोड़ा ज्वालामुखी उद्भव भी हो जाता है वॉल्केनिक भी हो जाता है तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और बर्मा प्लेट जब टकराती हैं तो यहाँ बंगाल की खाड़ी वाले रीजन में क्षेत्र में थोड़ा सा पानी होने की वजह से थोड़ा ज्वालामुखी उद्भव होता है इसीलिए अंडमान निकोबार जो आईलैंड है वो ज्वालामुखी द्वीप है क्योंकि प्लेट के बीच में थोड़ा सा भी पानी आ जाता है दो प्लेटों के बीच में तो जब प्लेटें टकराती है प्लेटों के बीच में जो गैप होता है उस गैप से पानी नीचे चला जाता है और पानी जब नीचे चले जाता है तो नीचे जाने के बाद पानी बहुत गर्म हो जाता है गर्म लावा मैग्मा होता है नीचे की तरफ तो नीचे पानी उस मैगमा मैग्मा के गर्म मैग्मा के संपर्क में आते हैं खूब उबलने लगता है गर्म हो जाता है फिर पानी की बनती है भाप पानी से बनता है वाष्प और वाटर वेपर जब बनता है या वाष्प जब बनती है तो वाष्प में इतना प्रेशर होता है इतना वो उसमें पावर होती है प्रेशर होता है कि वो कहीं ना कहीं से पृथ्वी का कमजोर स्थल ढूंढ के कोई एक वीक पॉइंट ढूंढ के और सतह पर सतह के के कुछ भाग को तोड़ के वो बाहर निकलता है जलवाष्प जलवाष्प और जब वो बाहर निकलता है वे पर उसके साथ मैग्मा को भी ऊपर निकलने का रास्ता मिल जाता है और मैग्मा उसको तब तक कहते हैं जब तक वो पृथ्वी के अंदर है जैसे ही वो गर्म पदार्थ बाहर आ जाता है उसको लावा कह देते हैं और लावा जब खूब सारा निकलता है तो लावा के जमने से पर्वत बनते हैं पानी के अंदर भी बनते हैं कई जगह स्थलीय भागों में भी बनते हैं तो जहां पानी में ज्वालामुखी उद्भव होता है तो जो पर्वत बनते हैं अगर पर्वत इतने ऊंचे बन जाए ज्वालामुखी के, के वॉटर लेवल से बाहर दिखने लगे तो क्या बन सकते हैं वो द्वीप बन सकते हैं तो अंडमान निकोबार जो आईलैंड है या द्वीप है वो वास्तव में अगर देखा जाए तो वो एक ज्वालामुखी पर्वत का ऊपर वाला हिस्सा है जो पानी के ऊपर हमें नजर आ रहा है सो इस तरह से ये जो है ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए अच्छा आपको लग रहा होगा अच्छा जलवाष्प इतना कैसे प्रेशर हो गया वाटर पेपर में तो आपको एक एग्जाम्पल बताऊं कुकर में आप खाना डालते हो पकाने के लिए कुकर में खाना थोड़ा सा पानी डाला जाता है उसमें जो भी आलू वालू जो भी उबालने के लिए डालते हो आप और कुकर का सबसे कमज़ोर स्थल क्या होता है कुकर की सीटी तो उसमें पानी के गर्म होने से जो वाष्प बनता है उस वाष्प में इतना पावर होता है इतना स्ट्रांग होता है वो इतना प्रेशर होता है उसमें कि वो कुकर की सीटी को ऊपर करके और निकल जाता है बाहर और किसी वजह से अगर कुकर की सीटी और कुकर खराब हो जाए तो इस वाष्प की वजह से कुकर फट भी सकता है वो भी आपको पता है तो वाष्प जो होता है उसका प्रेशर बहुत तेज होता है बहुत ज्यादा होता है इसीलिए कभी भी किसी सतह के नीचे या पृथ्वी में अंदर की तरफ अगर पानी चला जाता है और वाष्प बन जाता है तो वो वाष्प निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेती है तो जहां पर जलीय भाग होता है प्लेटों के बीच में वहां वॉल्किनिक्शंस हो जाते हैं जैसे कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार जहां द्वीप है वहां ज्वालामुखी उद्भव होते हैं और हुए थे जिसी से अंडमान जिससे अंडमान निकोबार बना है तो खैर दो प्लेटें टकराई दो प्लेटें कौन सी टकराई जिससे हमारा हिमालय बना हिमालय तो भारत में जो हिमालय पर्वत है वो यूरेशियन प्लेट यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अभिसरण से बना है। इंडियन प्लेट भी कह सकते हो आप इसको या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कह सकते हो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट प्लेट सो इंडियन प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का जब ये टकराना हुआ टकराने को क्या कहते हैं अभिसरण तो हम इसको लिखेंगे अभिसरण कन्वर्जेंस तो अभी लिखते हैं कन्वर्जेंस पहले एरो अलग से दिखा दे तो ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट इधर से आई इंडियन प्लेट ये दोनों टकराए क्या हुआ इनका अभिसरण इसको टकराने को कहते हैं अभिसरण अभिसरण हुआ इन दोनों प्लेटों का अभिसरण को इंग्लिश में कहा जाता है कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस इनका कन्वर्जेंस हुआ जिससे हमारे हिमालय पर्वत बने हैं तो आपने जो प्लेटें वगैरह ये बनाई है उसके नीचे ये भी बनाइए ये वाला डायग्राम ये वाला कि हिमालय पर्वत जो है इस तरह से इन दो प्लेटों के अभिसरण से बना है कीजिए ये ड्रॉ कीजिए इससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी और अभी जो हिमालय करने वाले हैं हम वो बिल्कुल क्लियर होगा भारत और पूरे एशिया का सबसे महत्वपूर्ण पर्वत हिमालय ही है सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी भी हिमालय ही है वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक भी हिमालय में ही है तो सबसे इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफिकल आस्पेक्ट में अगर देखें जोग्राफी के अंदर हिमालय बहुत इंपॉर्टेंट है चलिए बना लिया बनाइए बनाइए जल्दी फिर आगे बढ़ेंगे इससे काफ़ी सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी चलिए हो गया ओके okay, काफी लोग कमेंट कर रहे हैं यस मैम प्री बैच में हाँ ओके okay. चलिए बना लिया सबने अब बढ़ते हैं आगे इसमें देखिए यहाँ तक तो आप बना चुके हैं तो हिमालय पर्वत तो ऐसे बना है और हिमालय पर्वत अभिसरण से बना है प्लेटों के और दूसरी तरफ जो हमारा अंडमान निकोबार अच्छा पूर्वांचल जो बना है पूर्वांचल अलग प्लेटों के अभिसरण से बना है तो पूर्वांचल मतलब पूर्वी भारत में जो पहाड़ियां हैं पूर्वांचल का निर्माण पूर्वांचल का निर्माण अलग से स्टार बना के पॉइंट लिख लीजिए ये तो आपने डायग्राम में बना लिया आगे हम शब्दों में भी लिखेंगे हिमालय करेंगे तब अभी फिल फिलहाल लिखिए पूर्वांचल का निर्माण दूसरी प्लेटों के अभिसरण से हुआ कौन सी प्लेटों के पूर्वांचल का निर्माण बर्मा प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अभिसरण से हुआ बर्मा प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अभिसरण से हुआ है। तो ये सेंटेंस लिखिए सीधा। पूर्वांचल का निर्माण बर्मा प्लेट तथा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अभिसरण से हुआ है अभिसरण से हुआ है। पूर्वांचल मतलब उत्तर पूर्वी राज्यों में जो पहाड़ियां हैं उनको पूर्वांचल कह रहे इंग्लिश में लिखिए पूर्वांचल कन्वर्जेंसा एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बर्मा एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बर्मा तथा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अभिसरण से हुआ है इतना लिख लिया आगे लिखिए तो हमने ये देख लिया हिमालय कैसे बना इन प्लेटों के अभिसरण से पूर्वांचल इन प्लेटों की वजह से अब अंडमान निकोबार हमारा किस तरह से बना है तो अंडमान निकोबार जो है वो वास्तव में पानी में डूबा हुआ ज्वालामुखी पर्वत है जैसे ये देखे मान लीजिए ये एक ज्वालामुखी पर्वत है जो पानी में डूबा हुआ है वॉल्केनिक माउंटेन और ये वॉल्केनिक माउंटेन जो है इसका थोड़ा सा कुछ हिस्सा हमें सतह पर नजर आता है और पानी के ऊपर नजर आता है और वही हिस्सा जो हमें पानी के ऊपर नजर आता है वो अंडमान निकोबार आइलैंड है वास्तव में इसीलिए इंडिया में एकमात्र ऐसा क्षेत्र जहां पर ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं वो केवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तो ये पानी है ये पानी के ऊपर जितना भाग आपको दिख रहा है निकला हुआ ये वाला ये इतना इतना हिस्सा जो है ये हमें द्वीप के रूप में नजर आता है द्वीप आइलैंड के रूप में तो अंडमान निकोबार इस तरह के द्वीप है आयलैंड्स तो लिखिए अंडमान, अंडमान निकोबार अंडमान निकोबार जलमग्न ज्वालामुखी पर्वत का ऊपरी भाग है अंडमान निकोबार जलमग्न जलमग्न जल में डूबे हुए जलमग्न ज्वालामुखी पर्वत का ऊपरी भाग है ऊपरी भाग है अंडमान निकोबार जलमग्न ज्वालामुखी पर्वत का ऊपरी भाग है अंडमान निकोबार आर द अपर पार्ट ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड आर द अपर पार्ट ऑफ सबमर्ज्ड अपर पार्ट ऑफ सबमर्ज्ड वॉल्केनिक आइलैंड अंडमान निकोबार आर द पार्ट ऑफ सबमर्ज्ड अंडमान और निकोबार भी कैसे बना है अंडमान निकोबार का निर्माण भी इंडो ऑस्ट्रेलियन और बर्मा प्लेट के अभिसरण से हुआ उन दोनों के अभिसरण से ज्वालामुखी फटे उसकी वजह से अंडमान निकोबार बने हैं तो ये भी लिख लीजिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण भी बर्मा तथा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अभिसरण से हुआ है बर्मा तथा इंडो-ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अभिसरण से हुआ है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैव आल्सो बीन फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जेंस ऑफ अंडमान निकोबार बाय द कन्वर्जेंस ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड बर्मा प्लेट Indo and plate. तो चलिए इतना बनाया आपने इतना लिख लिया अब देखिए भारत में ओवरऑल अगर हम देखें तो आपने अभी इस ये जो एक्स्ट्रा एक्सेट्रा टॉपिक्स किए हैं ए, एक्स्ट्रा टॉपिक्स उन एक्स्ट्रा टॉपिक्स से आपने इंडिया के ओवरऑल लैंडमार्क्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश की है और अभी इसी के साथ हम पर्वत वगैरह जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा राजस्थान ज्योग्राफी भी जब आप करोगे तो काफी सारी चीजें आप रिलेट कर सकते हो तो देखिए इंडिया का ये जो दक्षिणी भाग है हिमालय पर्वत हिमालय क्या अरावली पर्वत से लेकर और ये आगे यहाँ पे जो आपको पठार दिखते हैं प्लेटो दिखते हैं जैसे कि अरावली पर्वत उसके अलावा ये जो मालवा का पठार है हाड़ोती का पठार है यहाँ छोटा नागपुर पठार है दंडकारण्य पठार है ये पूरा प्लाटो रीजन दक्कन का पठार डेकन प्लेटो, और ये पश्चिमी घाट पूर्वी घाट पहाड़ियाँ यहाँ मेघालय का कुछ पठारी भाग ये सारे के सारे गोंडवाना लैंड का हिस्सा हैं और पुराना भाग है गोंडवाना लैंड जबकि ये हिमालय जैसे जो पर्वत यहाँ देखने को मिलते हैं ये नए बने हुए इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट के अभिसरण से इधर पूर्वांचल है और पूर्वांचल वाला भाग जो है वो बना है बर्मा प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन के अभिसरण से यहां पड़ोस में हमारे म्यांमार में पर्वत पर्वत है म्यांमार देश में अराकन पर्वत. वो भी बर्मा प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने से बना है यहाँ पे हमारे अंडमान निकोबार द्वीप है जो ज्वालामुखी में ज्वालामुखी उद्भव से बने तो ये ज्वालामुखी फटे क्यों क्योंकि यहाँ इंडो ऑस्ट्रेलियन और बर्मा प्लेट का अभिसरण हो रहा है उसी की वजह से यहाँ ये ज्वालामुखी उद्भव होने से अंडमान निकोबार जैसे द्वीप या जलमग्न जो ज्वालामुखी पर्वत है उनका निर्माण हुआ तो इस तरह से आप देखेंगे अंडमान निकोबार जो है उसमें ये आप याद रखना और मैप में भी देखना कि इंडिया के ज्यादा नजदीक नहीं है अंडमान निकोबार वो म्यांमार के ज्यादा नजदीक है इंडिया से कहीं ज्यादा नजदीक म्यांमार के हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह यूपीएससी में भी कई बार क्वेश्चन आता है भारत के ज्यादा नजदीक है अंडमान निकोबार या म्यांमार के हैं या थाईलैंड के हैं या किसके पास हैं तो अंडमान जो द्वीप समूह है वो म्यांमार के ज्यादा समूह ज्यादा समीप है ये आपको याद रखना है और इसीलिए कहा जाता है कि अंडमान निकोबार और पूर्वांचल वाला जो भाग है वो अराकन योमा पर्वत का ज्यादा पार्ट है योमा जो पर्वत है म्यांमार का इसका हिस्सा मानवा जाता है पूर्वांचल को और अंडमान निकोबार को ना कि हिमालय का हिमालय का पार्ट नहीं मानते पूर्वांचल को क्योंकि ये बर्मा प्लेट से बना है और हिमालय वाला ऊपर वाला जो पार्ट है वो हिमालय का है जो यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अभिसरण से बना है और यहां पर अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आप देखेंगे राजस्थान में कौन कौन से भूभाग है जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है या दक्षिणी जो पठारी भाग है प्रायद्वीपीय हिस्सा है उसका पार्ट है अरावली पर्वत है हड़ोती का पठार है उसके अलावा राजस्थान का जो उत्तर पूर्वी मैदान है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन नया बना हुआ है राजस्थान के पश्चिमी भाग की बात करें तो पश्चिमी भाग का जो बिल्कुल बेस है नीचे का जो तल बना हुआ है उसको तो गोंडवाना लैंड का या प्रायद्वीपीय जो हिस्सा है उसका पार्ट माना जाता है और उसके ऊपर जो मिट्टी और वो अला क्षेत्र है मरुस्थल का उसको थोड़ा नया माना जाता है तो ऐसे कई कई सारे जो लैंडफॉर्म्स है उनकी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए आपकी आपको और राजस्थान ज्योग्राफी आपको जो है वो बाद में पढ़ाएंगे तो बाद में चीजें देखी जाएगी डिटेल में अभी सिर्फ हम इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर फोकस करते हैं so सो ये प्लेट्स आपको समझ में आई होंगी अच्छा कुल मिलाकर आपको पूछा जाए कि टेथिस सागर के अवसादों के बलन से कौन सा पर्वत बना हिमालय पर्वत बना आपसे पूछा जाए इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट के कन्वर्जेंस से अभिसरण से कौन सा पर्वत बना है हिमालय बना है। बर्मा और उनसे कौन सा बना है तो आपको पूर्वांचल बना बताना है अगर आपसे मैदान पूछे जाए कैसे बने हैं तो मैदान बने हैं जहां पर टेथिस सागर का थोड़ा डिप्रेशन था या गर्त थी उसमें हिमालय की नदियों ने मिट्टी जमा की अवसाद जमा किए उससे बना है हमारा उत्तरी मैदान जहां जिस तरह से सवाल पूछा जाए उस तरह से जवाब देना है ये अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी इसलिए है क्योंकि आजकल प्री का लेवल जो है वो भी थोड़ा बढ़ा दिया गया है प्री में कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं स्टेटमेंट्स दे दी जाती है इसलिए आपको चीजें समझ में आएंगी तो आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे अब जो है हम प्लेट्स देख चुके हैं अब ये थ्योरीज वगैरह के नाम नहीं देखने है। और अब भारत के हम भौतिक प्रदेशों की बात करेंगे फिजियोग्राफिक डिविजन्स की तो आप हेडिंग डालें अभी हमारा दूसरा चैप्टर चालू हो रहा है हमने पहला चैप्टर किया फिर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स किए अभी और अब हम चालू कर रहे हैं हमारा दूसरा चैप्टर सेकेंड चैप्टर

तो फिजियोग्राफिक डिजन ऑफ इंडिया हेडिंग डाले भारत के भौतिक प्रदेश uh, लोकेन्द्र ये थ्योरी किसने दी और ये सब जो है ये uh, बाद में मतलब ये अभी आपको नहीं करना है क्योंकि अभी देखो प्री में जितना रिक्वायर्ड है उतना ही चीजें हम करते हैं फालतू आप लोग कंफ्यूज हो गए टाइम भी कम है मूवमेंट ऑफ प्लेट्स इज रिलेटेड टू कन्वेक्शन फ्लो थ्योरी यस कन्वेक्शन फ्लो थ्योरी वॉज नॉट गिवन बाय हैड गिवन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी सो बट कन्वेक्शन इज द मेजर रीजन खैर भारत के भौतिक प्रदेशों की बात करते हैं भारत के भौतिक प्रदेश हम देखें उससे पहले हम कुछ रिलीफ फीचर्स की बात करते हैं रिलीफ फीचर्स उच्चावच की तो देखिए कुछ भारत में उच्चावच पाए जाते हैं उच्चावच रिलीफ फीचर्स या रिलीफ अब कुछ लोगों को उच्चावच नहीं पता होगा क्या होता है तो उच्चावच बेसिक एक ऐसा टर्म है जिसमें सतह पर या भारत में जो ऊंचे और नीचे स्थान है उनको देखा जाता है और ऊंचे और नीचे स्थानों में क्या हो सकते हैं उच्चावच में ऊंचे नीचे स्थानों में उच्चावच में, उच्चावच में लैंड मार्सेस में हो सकते हैं एक तो ऊंचे ऊंचे पर्वत हो सकते हैं सो उच्चावच में आते हैं पर्वत माउंटेन्स रिलीफ फीचर्स में तो क्या इंडिया में माउंटेन्स है हाँ इंडिया में माउंटेन्स है और फिर उच्चावच में रिलीफ फीचर्स में आती हैं छोटी छोटी पहाड़ियां हिल्स जिनको कहते हैं पहाड़ियां फिर उच्चावच में आते हैं अच्छा पहाड़ी और पर्वत में क्या फर्क है पर्वत ज्यादा ऊंचे होते हैं पहाड़ी कम ऊंची होती है पहाड़ी जो है ज्यादा से ज्यादा लगभग 500 मीटर तक की होती है उसके उससे ऊपर नहीं होती 500 मीटर की ऊंचाई तक जो होगी वो लगभग हम पहाड़ी कह सकते हैं तो पहाड़ी उसके अलावा और देखें तो सतह से ऊपर उठा हुआ भाग जो ऊपर की तरफ से समतल हो फ्लैट हो ऊपर से ऊपर तो उठा हुआ है पर ऊपर से समतल है ऐसे पर्वत जैसे शिखर नहीं बना हुआ तो ऐसे थोड़ा ऊपर उठा हुआ और समतल भाग जो होता है उसको कहते हैं पठार प्लाटो प्लाटो और सबसे लास्ट में मैदान सबसे लास्ट में मैदान सो so, मैदान तो क्या होते हैं बिल्कुल समतल सी भूमि होती है जिसपे अवसाद मिट्टी सी जमी होती है ये ये मैदान मैदान का ढाल होता है बट बहुत मंद ढाल होता है बहुत जेंटल स्लोप होता है ये मैदान तो अब जो है ये उच्चावच भारत में पाए जाते हैं सभी तरह के मैदान प्लेन्स अब हर एक उच्चावत जो है रिलीफ फीचर कितना पाया जाता है इंडिया के टोटल एरिया में से कितने परसेंट क्षेत्र में पर्वत हैं कितने परसेंट एरिया में पहाड़ियां हैं कितने परसेंट क्षेत्र में पठार हैं ये देख लेते हैं तो भारत के कुल क्षेत्रफल का भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत के हिसाब से देखें टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है टोटल एरिया ऑफ इंडिया उसका परसेंटेज तो पर्वत अगर देखे जाए तो पर्वत लगभग साढ़े दस परसेंट के आसपास है पहाड़ियां भारत में अठारह पॉइंट छह परसेंट के आसपास है सत्ताईस पॉइंट ट्वेंटी सेवन पॉइंट सेवन परसेंट फ्लैटों हैं और मैदानी क्षेत्र जो है वो फोर्टी थ्री पॉइंट टू परसेंट के आसपास पाए जाते हैं तो भारत के कुल क्षेत्रफल में से इतना इतना भाग ये पर्वत पहाड़ियां और ये सब है तो रिलीफ फीचर्स का उच्चावच के हिसाब से अगर आपको पूछा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला उच्चावच कौन सा है वो है मैदान

तटवर्ती मैदान है, वो काफी बड़े हैं। तो अगर हम से उच्चावच पूछा तो उसमें मैदान सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, तो प्रदेश, प्रदेश होगा अभी आपको हमने किया नहीं है तो आपको वो भौतिक प्रदेश फिजियोग्राफिक डिविजन की जानकारी नहीं है तो अभी उसके बारे में ना, ना सोचे उच में सबसे ज्यादा मैदान है सो so, ये वाला डायग्राम जो है ये डायग्राम आप बनाएं और ये करें लिखें उसके बाद हम आगे चीजें डिस्कस करेंगे यही चीज़ देखो यहाँ पे प्रिंटेड में दे है फिलहाल आप ये वाला डायग्राम बनाएं डायग्राम के साथ अच्छा पहाड़ियां क्या होती हैं पहाड़ियां कम ऊंचाई वाली होती है पर्वत थोड़े ज्यादा ऊंचे होते हैं बस ये डिफरेंस है तो बनाइए इसको साथ ही बना लिया होगा वैसे तो फिर भी थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ जल्दी बनाइए चलिए बनाया होगा ये बना चुके हैं उच्चावच समझ चुके आप इसी उच्चावच के आधार पर जहां पर्वत ज्यादा है उसको पर्वतीय प्रदेश कह दिया जहां मैदान ज्यादा है उसको मैदानी प्रदेश कह दिया जहां पठार ज्यादा है प्लाटो ज्यादा है उसको पठारी प्रदेश कह दिया तो अब जो है इनके आधार पर इन्हीं उच्चावच परिस्थितियों के आधार पर भारत को विभाजित किया जाता है कई सारे भौतिक प्रदेशों में तो देखिए भारत में उच्चावच तथा भौतिक लक्षणों की से संबंधित विविधता पाई जाती है बहुत डाइवर्स है कहीं इंडिया में पर्वत पहाड़ पहाड़ सब कुछ है सारी चीजें जरूरी नहीं है कि हर कंट्री में सारी चीजें कुछ कंट्रीज ऐसी होती है उनके पास सारी चीजें नहीं होती तो हमारे पास सभी चीजें हैं उच्चावच में रिलीफ फीचर्स में तो इसी रिलीफ फीचर के आधार पर हम इंडिया को कई भौतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं तो अब आप एक लाइन लिख लीजिए Uh, उच्चावच परिस्थितियों के आधार पर भारत को विभिन्न भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है उच्चावच परिस्थितियों के आधार पर भारत को विभिन्न भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ फीचर्स इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ फीचर्स इंडिया कैन बी डिवाइडेड इंटू On the basis of relief really features, India can be divided into various physiographic divisions. Various physiographic divisions. Various physio physiographic divisions. Sorry, you can हाँ ये दिए हुए हैं शैली नोट्स में कंटेंट है बट नोट्स आपको जब सारे आप रजिस्टर हो जाओगे उसके बाद आपको नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करवा देंगे उसमें मैप्स वगैरह सब कुछ होंगे चलिए अब जो है ये फिजियोग्राफिक डिविजन कौन कौन से हैं तो अगर आप देखें आप ध्यान से इस इंडिया की पिक्चर को देखेगा आप देखेंगे अभी यहाँ पर ये यह जो ऊपर ही ऊपर है ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है नर्दन माउंटेन रीजन है ये हरे हरे जो दिख रहे हैं ये मैदानी प्रदेश है ये आपको जो पीला सा दिख रहा है ये है मरुस्थलीय प्रदेश डेजर्ट रीजन यहां पर ये यह जो आपको डार्क ग्रीन दिख रहा है गहरे हरे रंग का ये है तटवर्ती मैदान कोस्टल प्लेन्स और ये जो आपको दिख रहा है ये है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश पेनेंसुलर प्लेटो रीजन अगर हम देखें तो सबसे बड़ा प्रदेश प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश पेनेंसुलर प्लेटो रीजन जो है वो सबसे बड़ा है अगर बाकी सारे रिलीफ फीचर्स में देखा जाए तो ये वाला जो सेक्शन है ये सबसे बड़ा है इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है यहां फैला हुआ है यहां फैला हुआ है और मैदान जो है वो दो हिस्सों में बट गया है आधा मैदान इधर है और कुछ मैदान इधर है इसीलिए जब हम भौतिक प्रदेश देखते हैं फिजियोग्राफिक देखते हैं तो भौतिक प्रदेश में हमें ये मैदान सबसे ज्यादा बड़े नहीं दिखते क्योंकि भौतिक प्रदेशों में मैदान को दो भागों में बांट दिया गया है एक तो उत्तरी मैदान और एक तटवर्ती मैदान तो अगर आपको एग्जाम में भौतिक प्रदेश पूछा जाए सबसे बड़ा फिजियोग्राफिक डिविजन पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे यह है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश पेनेंसुलर प्लेटो रीजन सबसे बड़ा है भौतिक प्रदेशों में सबसे बड़ा है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश जबकि रिलीफ फीचर्स में उच्चावच में सबसे बड़ा कौन सा है मैदान रिलीफ फीचर्स में सबसे बड़े मैदान है ध्यान से सुन लीजिए कान खोल के आंसर जैसे पूछा जाए वैसे देना है क्वेश्चन जैसे हो वैसे उच्चावच में रिलीफ फीचर्स में मैदान सबसे बड़े हैं और भौतिक प्रदेशों में फिजियोग्राफिक डिविजन में पेनिंसुलर रीजन प्रायदीपीय पठारी प्रदेश सबसे बड़ा है तो भारत को हम इन विभिन्न भौतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं पर ये जो भौतिक प्रदेश है इसमें डिवाइड तो कर सकते हैं आप इंडिया को पर इंडिया के भौतिक प्रदेश पांच भी बताए जाते हैं कई जगह और कई जगह छह भी बताए जाते हैं ये कैसे हुआ पांच और छह कैसे तो अगर आपको एग्जाम में कहा जाए पूछा जाए कि गिनती बताइए इंडिया में भौतिक प्रदेश कितने वैसे ही नहीं आएगा क्योंकि भौतिक प्रदेश अट गया है आपके आ, तो भौतिक प्रदेश अगर आपको पूछे जाए तो उनकी संख्या आप छह बताएंगे और कई जगह भौतिक प्रदेशों को पांच भौतिक प्रदेश भी बताए जाते हैं पर पांच भी बताना सही है और छह भी बताना सही ये वेरिएशन कैसे आता है तो देखिये उत्तरी मैदानी प्रदेश जो है नदन प्लेन रीजन हरे से रंग का दिख रहा है आपको इसी में मरुस्थलीय प्रदेश को ऐड करके भी पढ़ा जा सकता है तो इसको उत्तरी मैदानी प्रदेश में ही मरुस्थलीय प्रदेश को जोड़कर और जब हम भौतिक प्रदेश देखते हैं तो हमें छह भौतिक प्रदेशों की जगह पांच भौतिक प्रदेश ही दिखते हैं या पांच भौतिक प्रदेशों की ही बात करते हैं अभी इंडियन ज्योग्राफी में हमारे ये डेजर्ट है नहीं मरुस्थल नहीं है सिलेबस में इंडियन ज्योग्राफी में राजस्थान वाले पार्ट में है तो इसीलिए हम क्या करते हैं इंडियन ज्योग्राफी में थोड़ा सा इसको डिस्कस करने के लिए इसको हम उत्तरी मैदान का भाग मान के और उसको उत्तरी मैदान के साथ पढ़ लेते हैं तो हम जो अभी देखेंगे हम तो अपने टेक्स्ट में इसको एक साथ साथ मैदान के साथ ही जोड़कर पढ़ेंगे बट वैसे अगर देखे जाए देखा जाए तो आप इस मरुस्थलीय प्रदेश को अलग से एक भौतिक प्रदेश के रूप में भी बता सकते हो अलग से एक फिजियोग्राफिक डिविजन के रूप में भी बता सकते हो ये भी सही है और ये भी सही है एनसीआर में ये वाला भी दिया हुआ है छह का डिवीजन भी दे रखा है और एन में पांच का डिवीजन भी दे रखा है दोनों सही है कोई भी गलत नहीं पर अगर आपको गिनती पूछ ली जाए प्री में तो आप छह बताएंगे आंसर फिलहाल हम पांच में इसको करके पढ़ेंगे ये पांच में करके क्यों पढ़ रहे हैं हम क्योंकि हमारे मरुस्थलीय है नहीं इंडिया में आ, इंडिया के सिलेबस में प्री में इसीलिए हम मरुस्थलीय अलग से नहीं देखेंगे तो अब हम पांच भौतिक प्रदेश देखने वाले इंडिया के उसके लिए आपको मेरे साथ डायग्राम बनाना होगा ऐसा ही हम डायग्राम बनाएंगे इसी तरह का उसके बाद हम लेबल करके लिखेंगे भी उन सब स्थानों के नाम तो लेट्स मेक अ डायग्राम आपको इंडिया का मैप बनाना आता है बनाइए मेरे साथ चलिए बनाइए इंडिया का मैप यहां पे भी बताना पेनेंसुलर प्लेटो का पार्ट यहां पे भी बताना मेघालय पठार वाला ऊपर की तरफ है उत्तर में ये हैं पूरे के पूरे हमारे हिमालय पर्वतीय प्रदेश कह दो चाहे उत्तरी प्रदेश पर्वतीय प्रदेश कह दो ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश नदन माउंटेन रीजन किसी भी कलर से आप कर लीजिए आप लाइने वाइनें बना लीजिए कुछ भी कर लीजिए यहाँ मेरे पास थोड़े बहुत कलर की सुविधा है इसलिए मैं उसको उपयोग में ले रही हूँ आपको जैसा ठीक लगे लाइनें जो भी सिंबल्स बनाना चाहें आप बना लीजिए और उसको मार्क कर लीजिए ये है हिमालय या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश यहां है मैदानी प्रदेश इसी मैदानी प्रदेश में हम ये मरुस्थल पढ़ लेंगे राजस्थान वाला थोड़ा मैदानी प्रदेश थोड़ा सा असम में भी है ब्रह्मपुत्र नदी वाला यहां पर पश्चिम बंगाल के तट तक तो गंगा के मैदान है तो ये तो उत्तरी मैदान का हिस्सा है वेस्ट बंगाल तक और बाकी सारा तटवर्ती मैदान है तो तटवर्ती मैदान आपको ये जो गहरे हरे रंग का दिख रहा है बोर्ड के रंग का दिख रहा है वैसे तो, तो ये वाला जो पूरा पार्ट है बेसिकली बोर्ड के ही कलर का है ये पूरा ये तटवर्ती मैदान है कोस्टल प्लेन्स तो ये बना लीजिए चलिए बनाया बनाइए बनाइए मेरे साथ साथ बना लीजिए ताकि एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगे उसके अलावा क्या बचते हैं हमारे द्वीपीय समूह आइलैंड ग्रुप अंडमान निकोबार जो इंडिया की जगह म्यांमार के करीबी है और यहां पे लक्षद्वीप So, ये द्वीपीय समूह प्रदेश तो हमने कितने भौतिक प्रदेश मार्क कर लिए हमने पहला दूसरा तीसरा ये चौथा और ये पांचवा भौतिक प्रदेश देख लिया तो गिनती लिख लीजिएगा आपके मैप में फिर इनके नाम लिखेंगे हम बनाया बन चुका चलिए बना लीजिए थोड़ा सा और टाइम दे रही हूँ मैं आपको बन गया इतना चलिए बढ़े आगे बढ़े कच्चा पक्का मैप बन चुका होगा नाम लिख लेते हैं अब इन भौतिक प्रदेशों के फिजियो के फिजियोग्राफिक और ये जिनका नहीं बना उनको वो दिख भी रहा होगा साइड में में इस वाले वाले प्रिंटेड से देख लेना अगर कुछ देखना हो हाँ पर ये पेनेंसुलर इंडिया प्रायद्वीपीय भारत बनाते समय ये खास ध्यान रखना हो कि गुजरात में उसका एक छोटा सा पार्ट बनाएंगे और यहाँ मेघालय में भी उसका छोटा सा पार्ट बनाएंगे ठीक है अब आगे इनके नाम लिखिए भौतिक प्रदेशों के इसमें लिखिए सबसे पहले भौतिक प्रदेशों में लिखिए उत्तरी पर्वतीय प्रदेश नदन माउंटेन रीजन उत्तरी पर्वतीय प्रदेश नदन माउंटेन रीजन पर्वतीय प्रदेश नदन माउंटेन रीजन फिर लिखिए उत्तरी मैदानी प्रदेश दूसरा दुस, नंबर उत्तरी मैदानी प्रदेश उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बाद लिखिए उत्तरी मैदानी प्रदेश उत्तरी मैदानी प्रदेश नर्दन प्लेन रीजन नर्दन प्लेन रीजन बोर्ड पे लिखा हुआ है कोई कंफ्यूजन हो तो नर्दन प्लेन रीजन उत्तरी मैदानी प्रदेश तीसरा लिखिए प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश पेनिनसुलर प्लेटो रीजन प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश पेनिनसुलर प्लेटो रीजन प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश पेनिनसुलर प्लेटो रीजन चौथा लिखिए द कोस्टल प्लेन रीजन तटवर्ती मैदानी प्रदेश ये जो तटवर्ती क्षेत्र में दिख रहे हैं तटवर्ती मैदानी प्रदेश कोस्टल प्लेन रीजन कोस्टल प्लेन रीजन फिर लिखिए लास्ट पांचवा द आइलैंड ग्रुप रीजन आइलैंड ग्रुप रीजन द्वीपीय समूह प्रदेश जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आते हैं द्वीपीय समूह प्रदेश आइलैंड ग्रुप रीजन लिख लिए सबने कोई कंफ्यूजन हो तो मैं वापस रिपीट कर देती हूँ उत्तरी पर्वतीय प्रदेश नंबर वन नंबर टू उत्तरी मैदानी प्रदेश नंबर थ्री प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश नंबर फोर तटवर्ती मैदानी प्रदेश नंबर फाइव द्वीपीय समूह प्रदेश इंग्लिश में नंबर वन नदन प्लेन रीजन नंबर टू नदन सॉरी नंबर वन नदन माउंटेन रीजन नंबर टू नदन प्लेन रीजन नंबर थ्री पेनिंसुलर प्लाटो रीजन नंबर फोर द कोस्टल प्लेन रीजन एंड नंबर फाइव आयलैंड ग्रुप रीजन अब आप सबसे पहले हेडिंग डालिए उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की नदन माउंटेन रीजन उत्तरी पर्वतीय प्रदेश नदन माउंटेन रीजन उत्तरी पर्वतीय प्रदेश नदन माउंटेन रीजन पर्वतीय प्रदेश लिख दी हेडिंग हम सबसे पहले इस उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को डिस्कस करेंगे नदन माउंटेन रीजन को देखिए नदन माउंटेन रीजन में अगर देखें तो अभी आपको उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में ये चीज अच्छा किससे बने हुए ये पर्वतीय प्रदेश यहाँ बार बार हम बोल रहे हैं पर्वतीय है प्रदेश पर्वतीय प्रदेश तो यहाँ के सबसे प्रमुख पर्वत कौन है यहाँ के सबसे पर्व... प्रमुख पर्वत जो है वो हिमालय है कौन से पर्वत है यहाँ के प्रमुख हिमालय और अभी अभी आपने देखा कि हिमालय पर्वत कैसे बने हैं प्लेटों के टकराने से प्लेटों के अभिसरण से कौन सी प्लेटों के अभिसरण से यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेटों के अभिसरण से बने है. ये वलित पर्वत हैं ऐसे जो फोल्डिंग से पर्वत बनते हैं वो वलित होते हैं और नए बने हुए जो पर्वत होते हैं उनको नवीन वलित कहा जाता है तो हिमालय किस तरह के पर्वत है हिमालय है नवीन वलित पर्वत नवीन वलित पर्वत तो हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन है अगर आपसे कहीं पूछा जाए तो फोल्ड माउंटेन और इन्हीं यंग फोल्ड माउंटेन्स में वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स हमें देखने को मिलती है हिमालय में ही माउंट एवरेस्ट है जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है हिमालय वाले भाग में ही ट्रांस हिमालय में केटू है जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है इस तरह से विश्व की कई ऊंची चोटियां यहाँ देखने को मिलती है तो कल हम हिमालय पर्वत जो है उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं उसमें सारी चीजें हम देखेंगे पीक दर्रे पास वगैरह सब कुछ सो बाकी जो है कल की क्लास में नेक्स्ट क्लास में हम और चीजें डिस्कस करेंगे थैंक यू तब तक रिवाइज कीजिए इन चीजों को समझिए कॉन्सेप्ट्स को समझ लेंगे तो ज्योग्राफी अच्छी हो जाएगी आपके लिए और सब कुछ इजीली हो जाएगा आपको चल चलिए कल करते हैं नेक्स्ट क्लास में ये बाकी चीजें डिस्कस थैंक यू